हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप लोग एकदम मस्त होगे, मजे में होगे, खुश होगे। जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं हूं तान्या मुंजाल और आज हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी एंड सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। बेसिकली हम आज चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है, यानी हम अपने देश के बारे में पढ़ने वाले हैं, इकोनॉमी क्या है एंड सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, यानी देश की क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स है जो सेंट्रल लेवल पे है, हम उसके बारे में क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, तो चले हमारे फर्स्ट टॉपिक से। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारा इकोनॉमी। भाई इकोनॉमी क्या होता है, कई बार एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज इकोनॉमी। ठीक है, तो इकोनॉमी का मतलब होता है एक पर्सन। इकोनॉमी का मतलब होता है एक पर्सन अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, अपने लाइवलीहुड के लिए क्या क्या काम करता है, क्या क्या एक्टिविटीज करता है, यानी अपने जीने के लिए वो क्या क्या काम करता है, उसको हम क्या कहते हैं, इकोनॉमी। यानी एक पर्सन अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या क्या काम करता है, उसको हम क्या कहते हैं, इकोनॉमी। अब भाई अब क्या क्या काम करता है, आपने ये तो बोल दिया कि ठीक है भाई एक इंसान क्या क्या काम करता है, अब क्या क्या काम करता है, अब हम उसके बारे में क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला है जी कंजम्पशन। पहला क्या है, कंजम्पशन। कंजम्पशन का मतलब मुझे बताइए जी। हाँ जी, व्हाट इज कंजम्पशन। कंजम्पशन का मतलब होता है, नाम से ही पता चल रहा है, किसी भी चीज को कंज्यूम करना, यूज करना, उसको हम क्या कहते हैं, कंजम्पशन कहते हैं। मान लो लेट्स से मुझे लगी बहुत जोर के भूख, मैं गई किसी कन्फेक्शनरी की शॉप पे, मैंने कहा भैया ये 10 रुपए का चिप्स का पैकेट देना, भैया ये 10 रुपए का चिप्स का पैकेट तो देना। मैं आई और मैंने खोलना शुरू कर दिया, भैया कहेगा हाँ जी मैडम पैसे, फिर मुझे क्या देने पड़ेंगे भाई, पैसे। यानी ये दुनिया बिना पैसे के नहीं चलती। इसका क्या मतलब हुआ, कुछ भी चीज को अगर आपको क्या करना है, कंज्यूम करना है, देन आपको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करनी पड़ेगी, उसकी क्या करनी पड़ेगी, भरपाई करनी पड़ेगी, क्योंकि ये दुनिया बिना पैसे के नहीं चलती। क्लियर है, तो कुछ भी चीज कंज्यूम करना, चाहे एक छोटा सा इंसान हो चाहे एक अमीर से अमीर इंसान हो, इस दुनिया में रहने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, अपने जीने के लिए उनको कंज्यूम तो करना ही पड़ेगा। किसी भी चीज को यूज करना, उसको आप क्या कहते हो, कंजम्पशन कहते हो। लेकिन जो भी आप यूज कर रहे हो वो फ्री में, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता इस टाइम, तो वो किस पे करोगे आप, उसके लिए आपको क्या पे करना पड़ेगा, पैसा। क्लियर है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो आप किसी स्टेशनरी की शॉप पे गए, आपको लेनी थी बुक, आपने कहा भैया ये बुक देना, आपने लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक, तो आपके लिए भैया कहेगा भैया 200, 300, 400, 500 जितने की भी आपने मान लो बुक खरीदी, तो आपको क्या पे करना पड़ेगा, पैसा। यानी आप उस बुक को तो ही यूज कर पाओगे अगर आप उसको क्या कर पाओगे, पे करोगे, पैसा दोगे, भरपाई करोगे उसकी। क्लियर होगा, उसको हम क्या कहते हैं, कंजम्पशन कहते हैं। कंजम्पशन मतलब किसी भी चीज को कंज्यूम करना, यूज करना। चले आगे, चलो जी आगे है हमारा प्रोडक्शन। क्या है हमारा, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज को प्रोड्यूस करना। समझते हैं एक एग्जांपल से। मान लो लेट्स से मेरी ये फैक्ट्री है शूज की, मेरी ये फैक्ट्री किस चीज की है, शूज की, तो मतलब मैं क्या प्रोड्यूस कर रही हूं, शूज। अगर मेरी जूते की फैक्ट्री है तो मैं क्या बना रही हूं, जूता। अगर मेरी कपड़े की फैक्ट्री है तो क्या मैं बना रही हूं, कपड़ा। अगर मेरी किताब बनाने की फैक्ट्री है तो क्या मैं बना रही हूं, मैं किताब। यानी जिस चीज की आपकी फैक्ट्री है आप उसी चीज की क्या कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो। प्रोडक्शन का मतलब किसी भी चीज को प्रोड्यूस करना। ठीक है, अब
एक बात बताओ, मेरी मैंने तो लगा दी शूज की फैक्ट्री, लाखों करोड़ों रुपए लगा दिए, इन्वेस्ट कर दिए शूज की फैक्ट्री पे। अब क्यों कर रही हूँ? अब शूज की फैक्ट्री बना बना के मैं इसमें जूते भरे जा रही हूँ, भरी जा रही हूँ, भरी जा रही हूँ, भरी जा रही हूँ, भरी जा रही हूँ। क्यों भर रही हूं मैं इसलिए भर रही हूं ताकि मैं आगे बेच के, ताकि मैं आके बेच के क्या कमाऊं पैसा। किसको बेचूंगी? होलसेलर को बेच दूंगी, रिटेलर को बेच दूंगी। यानी मैं क्या कर रही हूं? प्रोड्यूस कर रही हूं, प्रोड्यूस करके बेच रही हूं, बेच के क्या कमा रही हूं? पैसा कमा रही हूं। पैसा कमा के क्या कर रही हूं? अपनी जरूरतों को पूरा कर रही हूं। अपने जीने के लिए क्या चाहिए भाई? इस दुनिया में रहने के लिए क्या चाहिए? पैसा। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या चाहिए? पैसा। तो यही हम बात कर रहे हैं इकोनॉमी के बारे में, कि एक इंसान अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या क्या काम कर रहा है, अपने सर्वाइवल के लिए, इस दुनिया में रहने के लिए क्या क्या काम कर रहे हैं। कंजम्पशन सब करते हैं, अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, सब करते हैं। कुछ लोग प्रोडक्शन करके क्या कमाते हैं? पैसा। तो कुछ लोग क्या करते हैं? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। भाई ये क्या है? व्हाट इज एक्सचेंज? एक्सचेंज का मतलब क्या है? फटाफट से देखो भाई, एक्सचेंज का मतलब क्या है? एक्सचेंज का मतलब है लेन देन। क्या मतलब है? लेन देन, यानी एक चीज के बदले में दूसरी चीज, एक्सचेंज। अब किस चीज का एक्सचेंज? पहला ले लेते हैं भाई गुड्स। ये गुड्स क्या होते हैं? आपने शायद पढ़ा होगा अपनी अकाउंट्स में या बिजनेस में, बिजनेस स्टडीज में गुड्स क्या होते हैं। बड़े ध्यान से समझ लो, जिसको गुड्स का मतलब नहीं पता, गुड्स का मतलब होता है जिस चीज का आपका बिजनेस है उसको आप क्या कह देते हो? गुड्स कह देते हो। मान लो मेरा शूज का बिजनेस है तो मेरे लिए शूज क्या है? गुड्स। अगर मेरा कपड़े बेचने का बिजनेस है तो मेरे लिए कपड़ा क्या है? गुड्स। अगर मेरा किताब बुक्स वगैरह बेचने का बिजनेस है तो मेरे लिए बुक्स क्या है? गुड्स। अगर मेरी कन्फेक्शनरी की शॉप है तो जितनी भी मेरी कन्फेक्शनरी की आइटम्स है तो वो मेरे लिए क्या है? गुड्स। समझ पा रहे हो? गुड्स का मतलब है जिस चीज का बिजनेस, जिस चीज का मेरा बिजनेस है वो मेरे लिए क्या है? गुड्स। क्लियर है? अब यहां देख लो, एक्सचेंज ऑफ गुड्स का मतलब क्या है? कुछ अब ये दुनिया में रहने के लिए लोग एक गुड्स को कैसे बेच के कैसे कर रहे हैं भाई, ये समझ नहीं आए, समझाएं तो समझते हैं। अब आप एक एग्जांपल लो, मान लो मेरी एक है शॉप, मेरी एक है शॉप। शॉप किस चीज की है भाई? मान लो कपड़े की है। तो मैं अब जो कपड़ा खरीद रही हूं अपनी दुकान पे, भर रही हूं, भर रही हूं, भर रही हूं, भर रही हूं। क्यों भर रही हूं? ताकि मैं अपने कपड़े को, अपने गुड्स को क्या करूं? बेचूं। किसको बेचूं? कस्टमर को बेचूं। क्यों बेचूं? ताकि मैं क्या कमा पाऊं? क्या कमा पाऊं? पैसा। क्योंकि पैसा जरूरी है। जरूरी किस चीज के लिए? अपने जीने के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी नीड्स के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए। क्लियर हो गया? तो कुछ लोग क्या कर रहे हैं? गुड्स को बेचकर क्या कमा रहे हैं? पैसा। एक्सचेंज का मतलब है अपना सामान देना, गुड्स को बेचना। अगर कपड़े का बिजनेस है तो कपड़े देना और उसके बदले में क्या एक्सचेंज करना? पैसे लेना, लेन देन। क्लियर होगा? चले आगे, ये क्लियर हो गया? तो कुछ लोग कंजम्पशन तो सब कर रहे हैं, छोटे से छोटा इंसान भी और बड़े से बड़ा इंसान भी। कुछ लोग प्रोडक्शन करके पैसा कमा रहे हैं तो कुछ लोग एक्सचेंज ऑफ गुड्स कर रहे हैं, गुड्स को बेच के क्या कमा रहे हैं? पैसा। आगे हम चलते हैं, ये सर्विसेज क्या है जी? ये सर्विसेज क्या है? तो सर्विसेज वो होती है जो हमें सेटिस्फाई करे, जो हमें सेटिस्फेक्शन दे। समझते हैं सर्विसेज कौन कौन सी होती है जी, बताते हैं आपको। मान लो डॉक्टर सर्विसेज, आप बताओ भाई कौन कौन देता है हमें सर्विसेज? डॉक्टर। और कौन देते हैं? लॉयर। ठीक है जी। और कौन देते हैं? बैंकर। बैंक में जो होते हैं ना वो हमें सर्विसेज देते हैं। और कौन देते हैं? सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। और कौन देते हैं? डोमेस्टिक सर्वेंट, डोमेस्टिक सर्वेंट। ये क्या देते हैं हमें? सर्विसेज देते हैं। इसके अलावा टीचर, हम जैसे लोग भी तो आपको सर्विसेज ही दे रहे हैं। ठीक है, सो सर्विसेज क्या होती हैं, ये कौन कौन देते हैं, ये हमने बात कर ली। ठीक है, अब भाई सर्विसेज से कैसे हम अपनी जरूरतें पूरी कर पाएंगे, इसका क्या मतलब है? मैम समझा दो इसे भी। तो बड़े ध्यान समझते हैं, मान लो कि एग्जांपल लेते हैं डॉक्टर का।
आप खुद जानते हो, अगर आप मान लो आपकी तबीयत है खराब, आप गए डॉक्टर के पास, क्या डॉक्टर आपको देख लेगा, आपका चेकअप कर लेगा? आपका डॉक्टर तब तक आपको देखता नहीं, आपका चेकअप नहीं करता जब तक आप उस काउंटर पे उसकी फीस ना दे दो, वो पर्ची ना कटवाओ। जितने की भी पर्ची है, 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000, जितने की भी पर्ची है, जब तक आप उसको वो पैसा नहीं दोगे, डॉक्टर आपको सर्विसेज नहीं देगा। इसी को हम कहते हैं एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज। एक पर्सन आपको सर्विसेज तो ही देगा अगर वो आपसे क्या ले पा रहा है, पैसा। क्योंकि उसको क्या चाहिए, पैसा। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या चाहिए उसको, पैसा। क्लियर कर पा रहे हो आप, समझ पाए हो? आगे हम लॉयर का भी ले लेते हैं। क्या वकील, लॉयर आपका केस लड़ लेगा? आपका वकील आपका केस तब तक नहीं लड़ेगा जब तक उसको उसकी फीस नहीं मिलेगी, उसको उसकी फीस नहीं मिलेगी। तो यहां पे भी वही है कि वो आपको सर्विसेज तो ही देगा जब उसको क्या मिलेगा, पैसा। क्योंकि पैसा किस लिए चाहिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए चाहिए, अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए हमें क्या चाहिए, पैसा, मनी। क्लियर कर पा रहे हो आप? चलो जी, तो ये एक और ले लेते हैं। बैंकर, सीए ले लो, या जितने भी अगर आप यहां पे टर्म्स देख रहे हो ना, बैंकर, लॉयर, सीए, डोमेस्टिक सर्वेंट, ये सारे के सारे आपको आपको सर्विसेज देते हैं। अगर सीए भी ले लेना, सीए आपकी आईटीआर या रिटर्न फाइल करता है, या आपको जीएसटी की नॉलेज देता है, वो आपको सर्विसेज क्यों दे रहा है, क्योंकि उसको भी क्या चाहिए, उसकी सर्विसेज का रिवॉर्ड, उसको भी क्या चाहिए, पैसा। वो आपको सर्विसेज दे के क्या कमा रहा है, पैसा कमा रहा है। आगे डोमेस्टिक सर्वेंट, आपके घर में भी आते होंगे मेड या सर्वेंट होंगे, वो आपको सर्विसेज दे रहे हैं, है ना, क्लीनिंग करना आपके घर को, है ना, इस वे में आपको वो क्या दे रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं। वो आपको क्यों सर्विसेज दे रहे हैं, आपको सर्विसेज दे के वो क्या कमा रहे हैं, यू नो क्या कमा रहे हैं, पैसा। ठीक है, समझ गयो? तो ये है हमारी इकोनॉमी। हम इसके बारे में बात कर रहे हैं कि भाई इस देश में, इस दुनिया में रहने के लिए एक इंसान अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या क्या काम करता है, क्या क्या एक्टिविटीज करता है। तो पहली एक्टिविटी क्या थी भाई, कंजम्पशन। सब करते हैं, अमीर गरीब कोई भी इंसान, सब करते हैं कंजम्पशन। दूसरा प्रोडक्शन, कुछ लोग बनाते हैं और पैसा कमाते हैं, कुछ लोग एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सामान को बेचते हैं और क्या कमाते हैं, पैसा। कुछ लोग सर्विसेज का एक्सचेंज करते हैं, अपनी सर्विसेज देते हैं और क्या कमाते हैं, पैसा। सर्विसेज में जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं, डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, टीचर, सारे के सारे आ जाएंगे इसमें। क्लियर? आगे देखते हैं। पहला तो हमने क्या ले लिया भाई, कंजम्पशन। दूसरा हमने क्या ले लिया भाई, प्रोडक्शन। तीसरा हमने क्या ले लिया भाई, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। एक और लो भाई, एक और ले लेते हैं हम। फोर्थ है आपका इन्वेस्टमेंट। क्या है आपका, इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट से एक इंसान अपनी जरूरतें कैसे पूरी कर रहा है, समझते हैं, बड़े ध्यान से समझना। बहुत लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमा रहे, कैसे कमा रहे, बड़े ध्यान से समझो। मान लो ये है एक घर, ये एक क्या है, घर है जी, ठीक है जी। ये घर की वैल्यू थी 10 लाख रुपए, ठीक है जी। मैंने सोचा यार सही है, सही सस्ते में मिल रहा है, काफी अच्छा घर है, अच्छे में मिल गया 10 लाख रुपए। मैंने सोचा जैसे ही ये घर को ना अभी खरीद लेता हूं, जैसे ही ये घर की वैल्यू बढ़ेगी ना, जैसे ही ये घर महंगा होगा, जैसे ही इसका घर का प्राइस बढ़ेगा, मैं क्या कर दूंगी, इसको बेच दूंगी और क्या कमाऊंगी, प्रॉफिट कमाऊंगी। क्या कमाऊंगी, पैसा कमाऊंगी, ठीक है जी। तो मैंने देखा कि भाई ये घर था 10 लाख रुपए का, मैंने इस घर में क्या कर दी, इन्वेस्टमेंट कर दी, इस घर में क्या लगा दी, अपना पैसा लगा दिया, 10 लाख रुपए का घर खरीद लिया। लेकिन घर इसलिए नहीं खरीदा कि मैं इस घर में अपना सामान ढो के रहने शुरू हो जाऊंगी, नहीं। मैंने ये घर क्यों खरीदा कि मैंने सोचा कि जैसे ही इस घर की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे इस घर की वैल्यू बढ़ के होगी 10 से 15 लाख रुपए, मैंने क्या कर दिया, इस घर को बेच दिया, सेल कर दिया। क्यों सेल किया, ताकि मैं क्या कमा पाऊं, प्रॉफिट, पैसा। क्योंकि ये दुनिया बिना पैसे के नहीं चलती है।
क्लियर है? तो ये है आपका इन्वेस्टमेंट। बहुत लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमा रहे हैं, जितने भी प्रॉपर्टी डीलर्स लोग हैं ये इन्वेस्टमेंट करके ही तो पैसा कमा रहे हैं। वो जैसे ही प्रॉपर्टी सस्ती होती है खरीद लेते हैं, जैसी प्रॉपर्टी महंगी होती है उसको बेच के क्या कमाते हैं? पैसा कमाते हैं। ये लोगों के बिजनेस चल रहे हैं ऐसे, प्रॉपर्टी डीलर वालों को काम है इन्वेस्टमेंट करना। इसके अलावा बहुत लोग हैं जो शेयर्स में पैसा लगाते हैं, जैसे ही शेयर का रेट गिरता है वो खरीद लेते हैं, जैसे ही शेयर का रेट बढ़ता है उसको बेचते हैं और बीच का जो प्रॉफिट जो मार्जिन होता है वो क्या कमा लेते हैं, उससे पैसा कमाते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं। बहुत लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट करके क्या कमाते हैं, पैसा कमाते हैं। ये है हमारी इकोनॉमी, ये है हमारी इकोनॉमी कि भाई इस दुनिया में रहना है तो क्या चाहिए, पैसा चाहिए। और पैसे के लिए एक इंसान क्या क्या काम करता है, अपने सर्वाइवल के लिए क्या क्या काम करता है, तो फटाफट से बताइए। पहला क्या था? कंजम्पशन। दूसरा क्या था? प्रोडक्शन। तीसरा क्या था? एक्सचेंज ऑफ गुड्स। चौथा क्या था? एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज। और पांचवा क्या था? इन्वेस्टमेंट। ओके है जी, चले आगे। तो ये अच्छे से आ गया होगा आपको समझ। अब आगे हम चलते हैं, एक बार इसका मीनिंग देख ही लेते हैं भाई। इकोनॉमी के बारे में हमने इतनी डिटेलिंग पढ़ ली तो फटाफट से एक बार डेफिनेशन भी देख लेते हैं भाई। पेपर में लिखना कैसे, समझ सब आ जाता है, बट ये नहीं पता लिखना कैसे, फिर क्या कहते हैं, नंबर नहीं आते हमारे, मार्क्स नहीं आते हमारे। तो देख लेते हैं भाई फटाफट से। लो जी, व्हाट इज इकोनॉमी? इकोनॉमी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, दैट व्हाट आर द एक्टिविटीज अ पर्सन डू फॉर हिज सर्वाइवल और लाइवलीहुड। एक इंसान अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए क्या क्या काम करता है, क्या क्या एक्टिविटीज करता है, दिस इज योर इकोनॉमी। अब भाई क्या क्या काम करता है? पहला है कंजम्पशन, दूसरा है प्रोडक्शन, तीसरा एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और चौथा क्या है? इन्वेस्टमेंट। इसको आप अलग अलग करके भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। एक्सचेंज ऑफ गुड्स को अलग लिख दो, एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज को अलग लिख दो, या एक साथ लिख दो, एक ही बात। ओके जी, समझ आया? चलो मैं आगे से, चलो जी अब करते हैं हम इकोनॉमिक्स की बात। किसकी बात कर रहे हैं भाई हम? इकोनॉमिक्स क्या है ना भाई, एक चीज मैं बता देती हूँ। इकोनॉमिक्स बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ ही नहीं आती डेफिनेशन। एक एग्जांपल अपने दिमाग में घुसा लो, अगर वो आपको एग्जांपल समझ आ गया ना, आपको इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन आप अपने आप बना लोगे। आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, क्रैम करने की जरूरत नहीं है, बस कंसेप्ट क्लियर करो अच्छे से कि अच्छा यही तो है इकोनॉमिक्स। तो फटाफट से एक बार सुन लो क्या क्या चीज है, एक एग्जांपल से ही समझाऊंगी आपको। एग्जांपल आ गया मतलब आपको वो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन आ गई, इससे रिलेटेड जितने भी घुमा फिरा के क्वेश्चन हमारे टीचर बना दे आप अपने आप कर लोगे वो क्वेश्चन, क्लियर है? तो फटाफट से ना इकोनॉमिक्स को समझने से पहले ना आप कुछ इकोनॉमिक इश्यूज के बारे में समझो। किसके बारे में समझो? इकोनॉमिक्स इश्यूज, या फिर जिसको हम प्रॉब्लम्स कह देते हैं, या क्या बोल देते हैं हम इसको? प्रॉब्लम्स कह देते हैं, ठीक है? तो फटाफट से कुछ इकोनॉमिक इश्यूज या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में हम क्या करते हैं, समझते हैं, ठीक है जी? तो पहला जो आपका इकोनॉमिक प्रॉब्लम है या फिर जिसको आप इकोनॉमिक इश्यूज, अच्छा एक चीज और सुनो, इस इकोनॉमिक इश्यूज की जगह कई बार वर्ड आ जाता है पेपर में सेंट्रल इश्यूज या सेंट्रल प्रॉब्लम। कंफ्यूज नहीं होना, एक ही बात है। सेंट्रल का मतलब होता है पूरे देश के बारे में बात करें, इकोनॉमिक्स का मतलब भी कहते हैं हम पूरे देश में बात करें कि हमारे देश में क्या समस्याएं हैं उसके बारे में हम क्या करने वाले डिस्कस। सेंट्रल मतलब सेंट्रल लेवल की बात करें, पूरे देश की बात करी जा रही है यहाँ पे, ठीक है? तो जो पहली प्रॉब्लम है वो है हमारा रिसोर्सेज आर स्कार्स। रिसोर्सेज आर स्कार्स, समझेंगे स्कार्स का मतलब क्या है, ये रिसोर्सेज क्या है, एक एक वर्ड का मतलब समझेंगे। दूसरा है आपका अनलिमिटेड वॉन्ट्स, ठीक है जी। तीसरी आपकी जो इकोनॉमी इश्यूज हैं वो है आपका, बताओ दैट इज, हां जी वेट कर रही हूं, दैट इज अल्टरनेट uses, alternate uses, जिसका आप different uses भी बोल सकते हो, different use, alternate use, ये। अब फटाफट से समझते हैं ये क्या बोल रही है मैडम, है ना? ये क्या तीन issues गिनवा दिए मैडम ने? तो एक example समझते हैं, वो example से आपको ये तीन issues भी समझ आ जाएंगे। अच्छा यही, ये तो पता है हमें, ये तो होता है हमारे साथ। तो चलो जी फटाफट से देखते हैं वो क्या economic issues है। Example समझो, मान लो हाँ जी, मान लो ये है मेरे एक पापा, पापा कमाते हैं महीने का 25,000 रुपये,
मान लो मेरे पापा कमाते हैं कितना, महीने का 25,000 रुपये। आज थी महीने की आखिरी तारीख, पापा की जेब में आ गए 25,000 रुपये। अब पापा सोच रहे हैं कहाँ कहाँ खर्चा करना है। पापा के दिमाग में बन गई लिस्ट। पहली लिस्ट बनी कि बीवी मांग रही थी साड़ी ला दो जी। 2 महीने से बीवी ने दिमाग खराब कर रखा है पापा का कि मुझे इस बार साड़ी चाहिए। पापा कहते हैं चलो जी, इस बार आएगी तनख्वाह तो साड़ी भी दिलवाएंगे। ठीक है जी, तो पहली लिस्ट क्या आई दिमाग में, साड़ी देनी है। ठीक है जी, दूसरी लिस्ट क्या आई, बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है। ठीक है जी भाई, स्कूल की क्या भरनी है, फीस भरनी है, भरेंगे वो भी, है ना। अब बच्चा कहता है पापा, बच्चा क्या कहता है, पापा मुझे ना आईफोन दिलवा दो, मुझे क्या दिलवा दो, आईफोन दिलवा दो। अब आप खुद सोचो पापा की जेब में कितने पैसे थे, 25,000। बच्चा कितने का फोन मांग रहे, लाखों का फोन मांग रहे। अब देखते हैं पापा क्या करते हैं, ये तो बहुत बड़ी समस्या होगी ना। जेब में 25,000, बच्चा मांग रहा है सीधा लाखों का फोन, है ना। अब देखते हैं क्या करते हैं पापा। कोई नहीं जी, अब दूसरी और लिस्ट की बात करते हैं। पहली साड़ी होगी, दूसरी स्कूल फीस होगी, तीसरी आईफोन। अब पापा सोच रहे और क्या खर्चे थे भाई, महीने के बिजली का बिल भरना है, पानी का बिल भरना है। तो पापा कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल भी तो भरना है, और क्या भरना है भाई, वाटर बिल भी तो भरना है, ये भी भरेंगे जी। खर्चे तो बहुत है जी, है ना। और अब घर चलाना है तो क्या चाहिए, राशन भी चाहिए, है ना। खाएंगे पिएंगे तो सही, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, अपने जीने के लिए कर रहे हैं। तो भाई अब राशन का खर्चा भी हो गया जी। ठीक है जी, अब पापा कहते हैं ये राशन का खर्चा भी है। और अब बच्चा कहता है पापा को, पापा, बच्चा क्या कहता है पापा को, पापा मुझे ब्रांडेड कपड़े भी दिलवा दो, है लगे हाथ फोन के साथ साथ मुझे ब्रांडेड कपड़े भी दिलवा दो। मेरे दोस्त सारे ब्रांडेड कपड़े पहन के आते हैं, मुझे भी दिलवा दो ब्रांडेड कपड़े। ठीक है जी, पापा के दिमाग में आया भाई एक ये और खर्चा बन गया। क्या मांग रहा है मेरा बेटा, ब्रांडेड कपड़े मांग रहा है। देखते हैं पापा क्या करते हैं, है ना। इसके साथ साथ वो बोलते हैं पापा शूज भी दिलवा दो। कोई नहीं, कपड़े तो आपने ब्रांडेड दिलवा दो, शूज नॉर्मल से दिलवा दो, बट दिलवा तो दो। बच्चा कहता है पापा जूते भी दिलवा दो। क्या दिलवा दो, पापा जूते भी दिलवा दो। अब पापा बड़ी उलझन में, पापा कहते मेरी जेब में 25,000 रुपये, और मतलब क्या हुआ रिसोर्सेस, पैसा कितना है सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपये। यानी रिसोर्सेस क्या है, स्कार्स है। स्कार्स का मतलब कम, स्कार्स का मतलब क्या होता है, कमी होना। क्या होता है भाई, कमी होना। रिसोर्सेज मतलब यहाँ पे पैसा, पैसे की क्या है कमी, क्योंकि जेब में कितना पैसा है पापा के पास, सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपये। अब वॉन्ट्स देखते हैं भाई, वॉन्ट्स क्या है, अनलिमिटेड। पैसा था 25,000 रुपए, डिमांड है देख लो भाई, वॉन्ट देखो, मुझे ये भी चाहिए, 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 यानी अनलिमिटेड वॉन्ट, जिसका कोई अंत नहीं है, लिमिट ही नहीं है, अनलिमिटेड वॉन्ट्स है, है ना। यही दिख रहा है 25,000 रुपए रिसोर्सेज क्या है भाई, लिमिटेड। वॉन्ट्स क्या है भाई, अनलिमिटेड। तीसरा है अल्टरनेट यूजेस। अल्टरनेट यूजेस का मतलब है जो मेरे पास कार्स रिसोर्सेज है ना, जो मेरे पास ये लिमिटेड रिसोर्सेज है, इसके मैं डिफरेंट डिफरेंट क्या कर पा रही हूँ, यूज कर पा रही हूँ, मेरी मर्जी में जहां मर्जी यूज करूँ। मुझे कपड़ा खरीदना है मैं कपड़ा खरीदूंगी, जूता खरीदना है जूता खरीदूँ, मुझे फोन लेना है मैं फोन लूँ, स्कूल की फीस भरनी है स्कूल की फीस भरूँ, राशन का खर्चा करूंगी बीवी की साड़ी लूँ। यानी 25,000 के मैं डिफरेंट डिफरेंट क्या कर पा रही हूँ, यूज कर पा रही हूँ। ये तो क्या होगी आपकी, 3 इकोनॉमिक इश्यूज, 3 सेंट्रल इश्यूज जो हम बात करें। अब समझ ये नहीं आ रही कि अब जेब में पैसा है 25,000, रिसोर्सेस हैं स्कार्स, वॉन्ट्स क्या है, अनलिमिटेड। अब पापा क्या करें, अब पापा करेंगे भाई चूज करेंगे। क्या करेंगे पापा, चूज करेंगे। कैसे चूज करें, चूज इस तरीके से करेंगे, जो जरूरत का खर्चा है वो कर लेंगे, जो लगता है जरूरत का नहीं है उसको क्या कर देंगे,
इग्नोर कर देंगे। ये है चूज। चूज का मतलब है इंपॉर्टेंट नीड्स को क्या कर पाएंगे, फुलफिल करेंगे, जो जरूरत का खर्चा उसको क्या करेंगे, पूरा करेंगे। क्यों करेंगे? ताकि पापा को क्या मिले, पापा को क्या मिले, मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। क्या मिले पापा को? मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ये क्या होता है भाई? मैक्सिमम मतलब पूर्ण, बहुत सारी क्या मिले पापा को? सेटिस्फेक्शन मिले, यानी पापा उस 25,000 का इस तरीके से यूज करे कि पापा को संतुष्टि मिले कि हाँ मैंने अपना पैसा सही जगह लगाया है। पापा को क्या मिले? मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्ड, पेपर में टीचर ढूंढती है वाला वर्ड। अगर टीचर को ये वर्ड नहीं मिलता पेपर में, फिर बच्चा कहता है मैडम हमारे मार्क्स बहुत कटते हैं, क्योंकि ये वर्ड कटवाएगा या मार्क्स दिलवाएगा। लिखोगे तो मार्क्स आएंगे, नहीं लिखोगे तो टीचर को मिल गया बहाना काटने का नंबर। ठीक है, तो फटाफट से देखो अब क्या करें। रिसोर्सेज क्या थे फटाफट से देखो भाई, रिसोर्सेज क्या थे? स्कार से। रिसोर्सेज क्या थे? स्कार से। वॉन्ट्स क्या थी? अनलिमिटेड थी। अब पापा क्या करेंगे? चूज करेंगे। किस तरीके से चूज करेंगे अभी हम देखते हैं, कैसे चूज करेंगे। अब देखते हैं पापा की जेब में 25,000। पापा कहते हैं बीवी मांग रही है साड़ी, साड़ी तो दिलवानी पड़ेगी, वरना बीवी पूरा महीना फिर से क्या करेगी, दिमाग खाएगी। यार मेरे 25,000 के अब लग गई चौपट, है ना। 2,000 क्या है? 2,000 की तो बीवी को साड़ी दिलवानी है। अब दूसरा खर्चा क्या है भाई? स्कूल की फीस भरनी है, स्कूल की फीस भरनी है। स्कूल की फीस है मान लो 2,000 पे, तो ये तो भरनी है वरना बच्चे का नाम कट जाएगा स्कूल से, है ना। ये तो खर्चा है ही है। अब बच्चा कहता है पापा आईफोन दिलवा दो। पापा ने पहले तो उसको पकड़ा कान से, इधर आ तू, अब भी तेरे पढ़ने लिखने की उम्र है, तेरे को आईफोन चाहिए? 12th के बाद जो तू फोन कहेगा, बस नंबर ले आ तू 12th में, 12th के बाद तू नंबर ले आ 12th में, 12th के बाद जो तू फोन कहेगा मैं तुझे वो फोन दिलवाऊंगा। ठीक है, अभी तू एक नॉर्मल सा फोन ले ले कि हाँ तेरे को वीडियोस देखनी है, यूट्यूब पे पढ़ना है, पेस कॉमर्स की क्लासेस देखनी है, तो तेरे पास फोन होना चाहिए। तो तेरे को एक नॉर्मल सा 10,000 का पापा ने क्या दिलवा दिया? एक फोन दिलवा दिया। ठीक है जी, चलो बच्चा भी खुश हो गया, चलो बच्चे को फोन मिल गया, पापा भी राजी हो गए। ठीक है, अब दूसरा क्या है भाई? इलेक्ट्रिसिटी वाटर बिल, ये तो भरना पड़ेगा। मान लो बिजली पानी का खर्चा कितना है? 2,000 रुपए। ओके जी, अब राशन का खर्चा, ये तो खर्चा अवॉइड ही नहीं किया जा सकता। मान लो राशन का खर्चा क्या है? 5,000 रुपए। ठीक है जी, आगे बच्चा कहता है पापा, क्या कहता है पापा? क्या चाहिए मुझे? ब्रांडेड कपड़े दिलवा दो। पापा कहते हैं नॉर्मल जैकेट लेनी है तो ले ले, ब्रांडेड कपड़े कोई नहीं मिलेंगे, नॉर्मल कपड़े ले ले तू, है 12th के बाद जो कहेगा वो ले दूंगा, बस 12th में नंबर ले आ, है। तो पापा ने क्या किया उसको, चलो फिर भी कहते कहते उसको 2,000 की दे ही दिए कपड़े, है ना। 2,000 की मान लो जो भी उसने बोला, कपड़े, जीन्स, जैकेट वगैरह जो भी बोला, पापा ने 2,000 रुपए खर्च कर दिए उसके कपड़ों पे। ठीक है जी, अब बच्चा कहता है पापा जूते भी दिलवा दो। पापा कहते इधर आ, पिछले महीने तो तूने जूते लिए, कितने जूते लेगा इस बार? रहने दे, अगले महीने देखते हैं, अगले महीने जो कहेगा ले दूंगा जूते, है ना। तो अब क्या हुआ, पापा ने चूज किया, पापा ने क्या किया? चूज किया। जो चीज पापा को लगा नहीं जरूरत की, पापा ने उसको क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। अब पापा को लगा आईफोन की नीड नहीं है, तो पापा ने उसको क्या कर दिया? कैंसिल। पापा ने इंपॉर्टेंट नीड्स को क्या किया, क्या किया? इंपॉर्टेंट नीड, जो जरूरत है उसको चूज किया, जो जरूरत का खर्च है उसको क्या किया? चूज किया। क्यों किया? ताकि पापा को क्या मिले, मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अब देख लेते हैं एक बार खर्चा कितना हुआ पापा के इस महीने का। 0,0,0, 1,2,3, हाँ जी जी आगे देखो, 5,6,7,8,9,10,11,12,13। ठीक है जी, अब यह कितना आ गया? 23,000। पापा की जेब में कितना पैसा था? 25,000 रुपए। खर्चा कितने का हो गया? 23,000 रुपए। 2,000 मैम कह गई, 2,000 क्यों कम आए? 2,000 कुछ तो बाप सेव करेगा, फ्यूचर के लिए कुछ तो सेव करेगा। आप जानते हो कितने खर्चे हो जाते हैं, है ना, मेडिकल इमरजेंसी आ गई, पेट्रोल के खर्चे हो गए, अगर शादी पे जाना है तो एक क्या कहते हैं शगुन के लिफाफे में पैसे भी तो डालने पड़ेंगे पापा को, 500-600 रुपए। तो ये 2,000 पापा ने क्या किया? सेव करा।
क्या किया यहाँ पे पापा ने, पापा ने स्कार्स रिसोर्सेस को इस तरीके से यूज किया, किस तरीके से यूज किया, जो अनलिमिटेड वॉन्ट्स थी उसको इस तरीके से यूज किया, चूज किया, ताकि पापा को क्या मिले, मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। क्लियर हुआ, अच्छे समझ आया? ये है आपकी इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का मतलब है कि देश में सेंट्रल इश्यूज है। क्यों इश्यूज है? क्योंकि रिसोर्सेस कम है, पैसा कम है, लेकिन वॉन्ट्स क्या है, अनलिमिटेड। अब एक पर्सन क्या करेगा, अब एक पर्सन चूज करेगा, किस तरीके से चूज करे कि उसको क्या मिले, मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। समझ पा रहे हो, यहां पे आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो पा रहा है? ये है आपकी इकोनॉमिक्स, ये है आपकी इकोनॉमिक्स। ठीक है, अभी मीनिंग पे चलेंगे, धीरे धीरे बहुत अच्छे से आपको और क्लियर हो जाएगा। फटाफट से एक बार हम मीनिंग पे चलते हैं इसके। लो जी, हाँ जी, इकोनॉमिक्स तो हमने पढ़ लिया, एक बार इसकी यहां से डेफिनेशन भी समझ लेते हैं। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज। हाँ जी जी, तीन इश्यूज क्या थे फटाफट से बताओ भाई, तीन इश्यूज थे फटाफट से। रिसोर्सेज क्या थे, स्कार्स। वॉन्ट्स क्या थी, अनलिमिटेड। अल्टरनेटिव क्या थे, यूजेस थे। अब नॉर्मल सी बात है, क्या बात करी, 25,000 रुपए। रिसोर्सेज क्या थे, कम। वॉन्ट्स क्या थी, ये भी चाहिए, 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 ये भी चाहिए। वॉन्ट्स क्या थी, वॉन्ट्स क्या थी, अनलिमिटेड। लेकिन अब पापा क्या करेंगे, चूज करेंगे, समझदारी से काम लेंगे, इस तरीके से काम लेंगे कि उनको क्या मिल पाए, मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अगर आप इस केस में ही अगर आप देखोगे ना बच्चा, अगर यही केस में पापा 25,000 रुपए बच्चे को खुश करने के लिए फोन दिलवा देते, कोई महंगा सामान लो, 25,000 रुपए का पापा अगर सिर्फ और सिर्फ फोन दिलवा देते, महीने की पूरी आमदनी एक फोन में लगा देते, क्या पापा को एक मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलती? क्योंकि पापा की बाकी की जरूरतें पूरी ना हो पाती, सिर्फ एक बच्चे को खुश करने के लिए पापा ने पूरे के पूरे पैसे लगा दिए, वहां पे बाकी जरूरतें पूरी नहीं हो पाती पापा की, तो उस सिचुएशन में पापा को मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, क्योंकि पापा ने जो चूज किया है ना रिसोर्सेज को, जहां खर्चा किया वह पापा ने वेस्टेज कर दी। समझ आई, ये है आपका टॉपिक इकोनॉमिक्स का। सो इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज, देश की समस्याएं के बारे में पढ़ना, कि रिसोर्सेस कम है, वॉन्ट्स अनलिमिटेड है, अब क्या किया जाए। तो रिसोर्सेस क्या है भाई, स्कार्स है, इन रिलेशन टू आर नीड्स एंड वॉन्ट्स। पापा की जेब में रिसोर्सेज, मतलब पापा की जेब में कितने थे, सिर्फ और सिर्फ 25,000 स्कार्स, कमी थी पैसे की, लेकिन जरूरतें क्या थी, नीड्स क्या थी, अनलिमिटेड थी, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। अब पापा क्या करेंगे, इट इन्वॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ रैशनल मैनेजमेंट ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। व्हाट इज रैशनल? रैशनल का मतलब होता है समझदारी। रैशनल का क्या मतलब होता है, समझदारी, यानी समझदारी से यूज करना, मैनेज करना, यानी अपने पैसे को, अपने स्कार्स रिसोर्सेस को, 25,000 को समझदारी से पापा क्या करेंगे, यूज करेंगे। कैसे करेंगे, इस तरीके से चूज करेंगे ताकि पापा को क्या मिले, क्या मिले, मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। चाहिए टीचर को ये चार वर्ड्स, क्लियर है? चलो जी, ये है आपका इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को समझने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए इकोनॉमिक इश्यूज क्या हैं। अब इस इकोनॉमिक इश्यूज को कैसे सॉल्व किया जा सकता है वो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ओके जी, अच्छे से समझ आया। अब अगला जो टॉपिक है वो है हमारा स्कार्सिटी। क्या है हमारा टॉपिक, स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है, क्या मतलब होता है स्कार्सिटी का, कमी। क्या मतलब होता है स्कार्सिटी का, कमी। क्या मतलब होता है स्कार्सिटी का, कमी। अच्छा, अब कमी कैसे हुई, कमी तो कैसे हुई थी, सीधी सी बात थी, क्या कमी थी, पैसा क्या था, 25,000, यानी सप्लाई ऑफ मनी, सप्लाई क्या थी, कम, सप्लाई क्या थी, कम। लेकिन डिमांड, लोगों की, उनकी डिमांड क्या थी, पापा की जेब में कितना था, 25,000, डिमांड क्या थी, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, यानी अनलिमिटेड क्या थी, वॉन्ट्स थी, यानी डिमांड क्या थी,
ज्यादा। तो स्कार सिटी का मतलब होता है जब डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम हो, यानी पैसा कम हो, जरूरतें ज्यादा हो, वांट्स अनलिमिटेड हो, डिमांड ज्यादा हो, उसको हम क्या कहते हैं, स्कार सिटी। क्लियर है? सो इट इज अ सिचुएशन, ध्यान से समझो, यहां पे लिख रही हूं मैं, इट इज अ सिचुएशन व्हेन डिमांड इज मोर देन इट्स सप्लाई, व्हेन डिमांड इज मोर देन इट्स सप्लाई। फटाफट से देख लो भाई डेफिनेशन, इट इज अ सिचुएशन व्हेन डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज मोर देन इट्स सप्लाई, सप्लाई कम और डिमांड क्या है आपकी, ज्यादा। ओके जी, चले आगे। हां जी जी, अब ये तो आपको समझा चुकी हूं मैं, ये वाला टॉपिक देख लो, ये बेसिकली क्या होता है, ये आपको मैंने हर एक चीज समझा दी, स्कार्सिटी क्या होता है, चॉइस मतलब चूज करना कैसे करते हैं, मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या है, इकोनॉमिक इश्यूज क्या है, हर एक चीज हम पढ़ चुके हैं इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को समझने के लिए। अब कई बार है ना पेपर में बच्चा क्वेश्चन आ जाता है, स्कार्सिटी एंड चॉइस गो हैंड इन हैंड, एक्सप्लेन करो इसको, ये लाइन को एक्सप्लेन करो, 3 नंबर का क्वेश्चन बन के आ जाता है पेपर में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। तो अब कैसे आप लिखोगे, तो सबसे पहले तो आप ये बताओगे स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है, भाई आप मुझे बताओ व्हाट इज स्कार्सिटी, अभी बताया मैंने व्हाट इज स्कार्सिटी, स्कार्सिटी का मतलब है जब डिमांड क्या हो ज्यादा और सप्लाई क्या हो कम, दिस इज द सिचुएशन ऑफ स्कार्सिटी, यानी डिमांड, लोगों की जरूरतें ज्यादा है, पैसा कम है, रिसोर्सिस की कमी है, उसको हम क्या कह देंगे, स्कार्सिटी। पापा की जेब में कितने थे, 25,000, इसको मैंने क्या बोला था, स्कार्स, क्योंकि वॉन्ट्स क्या थी, अनलिमिटेड। और पापा क्या करेंगे फिर उसके लिए, चॉइस करेंगे, क्या करेंगे, चॉइस करेंगे, चूज करेंगे, क्यों चूज करेंगे, क्योंकि पैसा क्या है कम, रिसोर्सेज क्या है स्कार्स, वॉन्ट्स क्या है अनलिमिटेड। अब पापा क्या करेंगे, चूज करेंगे रिसोर्सेज को, इस तरीके से चूज करेंगे रिसोर्सेज को ताकि पापा को क्या मिले, क्या मिले, फटाफट से मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो वही सब चीजें यहां पे सब रिपीट हुआ है, एक क्विक रिवाइज हुआ है, बट पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना है ये लिखा हुआ है सिर्फ। सबसे पहले आप स्कार्सिटी का मतलब बताओगे, फिर आप बताओगे कि क्या 3 इकोनॉमिक इश्यूज हैं, क्या थी भाई 3 इकोनॉमिक इश्यूज, जिसको हम क्या बोलते थे, सेंट्रल इश्यूज भी। फटाफट से देखो, पहली है रिसोर्सेज आर स्कार्स, रिसोर्सेज की कमी, पापा के जेब में कितने पैसे थे, 25,000, रिसोर्सेज क्या थे, स्कार्स। वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, अनलिमिटेड वॉन्ट्स, जरूरतें क्या थी, बहुत ज्यादा, 25,000 पैसा, जरूरतें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, अनलिमिटेड क्या थी, वॉन्ट्स। अल्टरनेटिव यूजेस, अल्टरनेटिव यूजेस को मैं पहले बता चुकी हूं, अल्टरनेटिव यूजेस का मतलब है इस 25,000 को पापा के पास है, राइट है कि उस 25,000 को पापा किस तरीके से क्या करेंगे, यूज करेंगे, कहां कहां यूज करेंगे, यानी अल्टरनेटिव, यानी डिफरेंट डिफरेंट क्या कर पाएंगे, उस 25,000 को यूज कर पाएंगे। अब यहां देख लो भाई, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, पैसा क्या था कम, लिमिट में है, लेकिन वॉन्ट्स क्या है, अनलिमिटेड, जरूरतें क्या है, बहुत सारी, ये चाहिए वो चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। अब वॉन्ट्स क्या है, अनलिमिटेड। अब एक इंसान क्या करेंगे, पापा क्या करेंगे, रिसोर्सेज लिमिटेड, यानी पापा की जेब में क्या थी, 25,000, जो घर के खर्चे थे बहुत सारे, ये बहुत सारे। अब पापा क्या करेंगे, अ पर्सन हैव टू चूज, क्या करना पड़ेगा पर्सन को, चूज दोज नीड्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर हिम। अब पापा क्या करेंगे, वो नीड को चूज करेंगे जो उसके लिए जरूरत है। अब आईफोन को पापा ने क्या कर दिया, इग्नोर, क्योंकि पापा को लगा ये जरूरत का खर्चा नहीं है। जूता पापा को लगा बच्चा वेस्ट कर रहा है, बहुत हर महीने जूता ले रहे हैं, इस महीने पापा ने क्या कर दिया, उस जूते को भी नहीं खरीदा, क्योंकि पापा ने क्या किया, चूज किया, समझदारी से काम लिया कि वो खर्चे, उस पैसे को वो वहां यूज करे जो जरूरत के खर्चे हैं पापा के, क्यों करे, एंड यूज द रिसोर्सेज। यूज द रिसोर्सेज का मतलब उस 25,000 को, उस 25,000 को यूज द रिसोर्सेज इन सच अ मैनर, इस तरीके से यूज करे पापा, ताकि पापा को क्या मिल सके, मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, बिल्कुल संतुष्टि मिले, गिल्ट ना हो कि भाई खर्चा बहुत ज्यादा वेस्ट कर दिया, वो एक गिल्ट ना हो पापा को। क्लियर है, अच्छे समझ आया, चले आगे। चलो जी, ये हो गया आपका टॉपिक समाप्त, अब हम आगे चलते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान समझो, 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है ये पेपर में, व्हाट इज
economizing of resources. What is economizing of resources? अभी समझते हैं ये economizing of resources क्या है. क्लियर है? इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? इकोनोमाइजिंग का मतलब होता है अपने रिसोर्स को, यानी पापा की जेब में कितना पैसा था, 25,000 रुपए, अपने रिसोर्स को इस तरीके से यूज करें कि उनको क्या मिले, मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. यानी प्रॉपर यूज करें रिसोर्सेज का, वेस्टेज ना करें रिसोर्सेज की. जो पापा ने 25,000 यूज करे है ना, पापा ने वेस्ट नहीं किया. जहां जरूरत का खर्चा है पापा ने वो खर्चा किया. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम का मतलब है अच्छे से यूज करें. किसका यूज करें? रिसोर्सेज का. क्यों यूज करें? सो दैट अ पर्सन कैन गेट मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. सो दैट अ पर्सन कैन गेट मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. यानी अपने 25,000 को, अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करें, ऑप्टिमम अच्छे से यूज करें, ताकि उनको क्या मिल सके, मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. क्लियर है? दिस इज योर इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज. याद रखना, अपने रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से यूज करें, ताकि उनको क्या मिल सके, मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. अब हम आगे चलते हैं, फटाफट से देखते हैं अब आगे क्या है. नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स. बेसिकली देखो, दो टाइप्स होते हैं इकोनॉमिक्स के. क्या होते हैं? दो टाइप्स होते हैं इकोनॉमिक्स के. एक होता है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक होता है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स. बड़े ध्यान समझना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. पेपर में कई बार क्या होता है, 3 से 4 नंबर का डिफरेंस आ जाता है. एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो बड़े ध्यान से समझते हैं ये है क्या भाई. पहला हम लेते हैं यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स. पहला क्या ले रहे हैं भाई हम यहाँ पे? माइक्रो इकोनॉमिक्स. दूसरा क्या ले रहे हैं हम? मैक्रो इकोनॉमिक्स. क्या ले रहे हैं भाई हम? मैक्रो इकोनॉमिक्स. चलो जी, इकोनॉमिक्स का मतलब तो आप लोगों ने समझ लिया. अब हम बात कर रहे हैं माइक्रो वर्ड का क्या मतलब, अरे मैक्रो वर्ड का क्या मतलब है. माइक्रो एंड मैक्रो समझते हैं. देखो, माइक्रो, अगर आपने कभी सुना हो साइंस में माइक्रो ऑर्गेजम. माइक्रो ऑर्गेजम का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे कीड़े, उसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेजम. माइक्रो का मतलब क्या होता है? स्मॉल होता है. क्या होता है इसका मतलब? स्मॉल होता है. या फिर अगर आपने सुना होगा माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप का मतलब क्या होता है? छोटी से छोटी चीज भी आप उसमें क्या कर पाते हो? देख पाते हो. यानी माइक्रो का मतलब क्या है? स्मॉल. और दूसरी तरफ मैक्रो का क्या मतलब है? लार्ज. उसका अपोजिट हो जाएगा. अगर माइक्रो स्मॉल है तो मैक्रो क्या हो जाएगा? लार्ज हो जाएगा. अभी समझते हैं स्मॉल क्या है, लार्ज क्या है. फटाफट से देखो, यहाँ पे जो स्मॉल का मतलब क्या है कि हम यहाँ पे एक इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहे हैं, एक अकेले पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं. वो है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स. यानी एक पर्सन को जब हम स्टडी करें, एक पर्सन कितनी डिमांड कर रहा है, एक पर्सन कितनी सप्लाई कर रहा है, एक पर्सन कितना पैसा कमा रहा है, वो क्या है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स. एक इंडिविजुअल के बारे में बात करी हमने. क्लियर हुआ? दूसरी तरफ हम चलते हैं मैक्रो. मैक्रो का मतलब होता है लार्ज. यहां पे जो लार्ज है, लार्ज का मतलब है एज अ होल. एज अ होल का मतलब है हम पूरे देश को लेके चल रहे हैं. पूरे देश में कितनी डिमांड चल रही है, पूरे देश में कितनी सप्लाई है, पूरे देश में कितना पैसा जनरेट हो रहा है, जिसको हम नेशनल इनकम बोल देते हैं. यानी पूरे देश के बारे में स्टडी करना इज मैक्रो इकोनॉमिक्स. एक पर्सन के बारे में स्टडी करना इज माइक्रो इकोनॉमिक्स. यहां पे हम एज अ होल को एग्रीगेट बोल देते हैं. क्या बोल देते हैं? फटाफट से बताओ, क्या बोल देते हैं? एग्रीगेट बोल देते हैं. एग्रीगेट का मतलब क्या है? सम टोटल. क्या है?
सम टोटल यानी एग्रीगेट, एग्रीगेट मतलब सम टोटल, पूरी टोटल डिमांड कितनी है हमारे देश में, एग्रीगेट डिमांड जिसको हम बोलते हैं, एग्रीगेट सप्लाई मतलब टोटल सप्लाई कितनी है हमारे देश में, नेशनल इनकम यानी पूरे देश में कितना पैसा जनरेट हो रहा है, पूरे देश को लेके चले हम, पूरी इंडिया की, इंडिया भारत की जब हम बात करें और भारत में रहने वाले सारे नागरिकों की जब हम बात करें वो क्या है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स, जब एक पर्सन की बात करें तो वो क्या है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, कई बच्चों को याद नहीं होता माइक्रो में इंडिविजुअल था कि मैक्रो में इंडिविजुअल था, तो इसको याद करने का भी एक बड़ा आसान तरीका है, बड़े ध्यान समझो कैसे आप इसमें याद कर सकते हो। लो जी, ये है आपका माइक्रो, ये क्या है आपका माइक्रो, ये क्या है आपका मैक्रो, क्या है ये वर्ड मैक्रो। अगर मैं एम से एम काट दूं, सी से सी काट दूं, आर से आर काट दूं, ओ से ओ काट दूं, तो बच्चा क्या है यहां से आई, आई का मतलब क्या है इंडिविजुअल, आई का क्या मतलब है इंडिविजुअल, यहां पे क्या बचा ए, ए का क्या मतलब है एग्रीगेट, एग्रीगेट का क्या मतलब है सम टोटल, यानी हम पूरे देश को लेके चल रहे हैं। माइक्रो मतलब आई, आई मतलब इंडिविजुअल के बारे में, मैक्रो मतलब ए, ए मतलब एग्रीगेट पूरे देश के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं, ये है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स और ये है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर है, अभी हम बहुत डिटेलिंग में जाएंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अभी तक सर आपको एक चीज समझनी है, माइक्रो मतलब इंडिविजुअल, मैक्रो मतलब एग्रीगेट यानी पूरे देश के बारे में चल रहे हैं। इतना क्लियर है, यहाँ तक चल रहे, यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर मैं एक यहाँ पे आपको, अगर मैं यहाँ पे एक भारत बना दूँ, लेट्स से, ठीक है मान लो, ठीक है देखो भाई ड्राइंग में तो हम अच्छे हैं नहीं बट कोशिश कर सकते हैं, ठीक है थोड़ा सा कर लेना, अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा इरेज कर दूँ, चलो जी एक बार थोड़ा सा दोबारा बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है मान लो ये इंडिया, लेट्स से दिस इज इंडिया, है ना। अब इंडिया में कौन रहते हैं, हम जैसे लोग रहते हैं, है ना। अगर मैं बना दूँ इंडिया में हम ऐसे क्या रह रहे हैं, लोग रह रहे हैं, ठीक है जी, यहाँ 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 हमने क्या बना दिया, हम जैसे क्या रह रहे हैं, लोग रह रहे हैं, क्योंकि भारत किससे बना है, हम जैसे लोगों से बना है, ठीक है जी, यहाँ पे हमने बना दिए लोग, ठीक है जी। अब बात करते हैं क्या हो रही है यहाँ पे, चलो जी अब फटाफट से देखो। अगर मैं एक पर्सन उठा लूँ, अगर मैं एक पर्सन उठा लूँ, मान लो इस पर्सन का नाम क्या है चिंटू, मान लो इस पर्सन का क्या नाम है चिंटू, चिंटू कितनी डिमांड कर रहा है, चिंटू कितनी सप्लाई कर रहा है, चिंटू कितना पैसा कमा रहा है, यानी मैंने एक इंडिविजुअल की बात करी, एक पर्सन की बात करी, तो वो क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक पर्सन को लेके चल रहे हैं, एक पर्सन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। अब दूसरी तरफ अगर हम पूरे भारत में, पूरे भारत में जितने भी लोग हैं, पूरे भारत में जितने भी लोग हैं, करोड़ों की जनता है हमारे देश में, 140 करोड़ के आसपास हमारे देश में जनता है, अगर हम पूरे भारत में जितनी भी जनता है उन सबको लेके चले कि पूरे भारत में कितनी डिमांड है, पूरे भारत की कितनी सप्लाई है, पूरे देश में कितना पैसा जनरेट हो रहा है, यानी नेशनल इनकम कितनी है, वो क्या हो जाएगा आपके लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स। इतना क्लियर है, एक पर्सन माइक्रो, पूरे देश के बारे में बात करें, एज अ होल बात करें, एग्रीगेट के बारे में बात करें तो मैक्रो। क्लियर है माइक्रो और मैक्रो का फर्क। अब आ जाओ एग्जाम्पल से, फटाफट से ये दो तीन एग्जाम्पल समझो, ये एग्जाम्पल समझ आ गए, अब माइक्रो मैक्रो का डिफरेंस आपके लिए कुछ भी नहीं है, तीन से चार नंबर जितने भी नंबर का क्वेश्चन आ जाए आपके पेपर में आप अपने आप लिख लोगे, क्योंकि एग्जाम्पल लिखना बहुत जरूरी है और एग्जाम्पल आप तो ही लिख पाओगे अगर आप उस एग्जाम्पल को समझ पाओगे। क्लियर है, एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो एक पेन है, मान लो ये क्या है एक पेन है, ठीक है एग्जाम्पल लेती हूँ, ये बटरफ्लो का पेन है, किसका पेन है ये बटरफ्लो का पेन, ठीक है मान लो मुझे पेन खरीदने दे, मैं अपनी बारे में बात करूं, मैं क्या हूं इस देश का हिस्सा हूं, एक इंसान की बात हो रही है, मेरे बारे में बात हो रही है, यानी एक इंडिविजुअल के बारे में बात हो रही है। मैं एक साल के अंदर मान लो 10 पेन खरीदती हूं, मैं एक साल के अंदर कितने पेन खरीद रही हूं बटरफ्लो के, 10 पेन खरीद रही हूं, यानी
क्या बात हो रही है, एक इंडिविजुअल की बात हो रही है कि एक पर्सन, एक इंडिविजुअल यानी मैं एक साल में कितने पेन खरीद रही हूं, यानी कितनी डिमांड कर रही हूं। इंडिविजुअल डिमांड की हम यहां बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल यानी एक पर्सन की डिमांड की क्या हो रही है यहां पे बात हो रही है। तो ये आपका बताओ माइक्रो है कि मैक्रो है, फटाफट से बताओ। एक पर्सन के बारे में बात होना मतलब माइक्रो क्या है भाई, माइक्रो है। ठीक है जी, अब इसी में दूसरा केस देखते हैं। मान लो अब एक बात बताओ, खाली इस दुनिया में मैं तो नहीं होंगी जो पेन खरीदती होगी, है ना, खाली मैं तो नहीं होंगी जो बटरफ्लो का पेन खरीदती होगी, पूरे देश में कितने लोग बटरफ्लो के पेन खरीद रहे हैं, लाख करोड़ों की जनता है तो हम हजारों लाखों लोग तो खरीद ही रहे होंगे, पूरे देश में कितने लोग बटरफ्लो के पेन खरीद रहे होंगे, वो क्या है आपकी एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट का मतलब क्या है, सम टोटल, सम टोटल मतलब पूरे देश की डिमांड, और वो किसका पार्ट है, मैक्रो, किसका पार्ट है, मैक्रो। ठीक है, एक इंडिविजुअल कितनी डिमांड कर रहे हैं, माइक्रो, पूरे देश में कितनी डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड क्या है आपका, मैक्रो। क्लियर है, चले आगे। अब दूसरा केस सप्लाई का ले लेते हैं, ये हो गया डिमांड। बेसिकली क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के दो टूल्स होते हैं, एक होता है डिमांड, एक होता है सप्लाई। दूसरी तरफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के भी दो टूल्स हैं, एक होता है आपका एग्रीगेट डिमांड और एक होता है एग्रीगेट सप्लाई। हमने एक केस पढ़ लिया, हमने क्या पढ़ लिया, इंडिविजुअल डिमांड पढ़ ली और एग्रीगेट डिमांड पढ़ ली। अगर एक पर्सन डिमांड कर रहा है उस प्रोडक्ट की तो वो क्या है, माइक्रो। पूरे देश में उसकी कितनी डिमांड है, लाखों करोड़ों लोग, अगर लोग पूरे देश को लेकर चले हम, वो कितनी डिमांड कर रहे हैं, तो वो क्या आ जाएगा आपका, मैक्रो। पहला टूल क्लियर, चले अब दूसरे टूल को समझते हैं भाई। हाँ जी जी, अब हम सप्लाई के टूल को चलते हैं। एक है आपकी इंडिविजुअल सप्लाई, एक है आपकी इंडिविजुअल सप्लाई और दूसरी है आपकी एग्रीगेट सप्लाई, दूसरी क्या है आपकी एग्रीगेट सप्लाई। समझते हैं भाई एक एक चीज को, नाम से पता चल रहा है। इंडिविजुअल सप्लाई, सप्लाई का मतलब होता है जो प्रोड्यूसर बना रहा है। अगर मान लो मेरी फैक्ट्री, मान लो एग्जांपल लो, लेट्स से मेरी शूज बनाने की फैक्ट्री है, मान लो मेरी किस चीज की फैक्ट्री है, शूज बनाने की फैक्ट्री, और मेरी कौन से कंपनी के शूज बनाता हूं मैं, मान लो मैं रिबॉक के शूज बनाता हूं, मान लो मैं किसके शूज बना रहा हूँ, रिबॉक के शूज बना रहा हूँ। एक प्रोड्यूसर कितनी सप्लाई कर रहा है, यानी मान लो मैं एक साल में 10 लाख जूते बनाता हूँ, मान लो मैं एक साल में 10 लाख जूते बना रही हूँ, तो ये क्या है, एक प्रोड्यूसर कितनी सप्लाई कर रहे शूज की मार्केट में, एक प्रोड्यूसर कितनी सप्लाई कर रहा है मार्केट में, यानी किसकी बात हो रही है, एक प्रोड्यूसर की बात हो रही है। एक प्रोड्यूसर यानी इंडिविजुअल सप्लाई के बारे में बात हो रही है, एक यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स, किसके बारे में बात कर रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर है, अब दूसरी तरफ चलते हैं। अब अकेली मैं तो नहीं हूं जो जूता बनाने की फैक्ट्री खोली बैठी है, कितने ब्रांड्स हैं, फटाफट से मुझे ब्रांड्स बताओ भाई। एडिडास, ठीक है जी, और प्यूमा, ठीक है जी आपका, और रेड टेप, ओटके जी, और बताइए फटाफट से नाइकी, ठीक है जी, पता नहीं कितने ऐसे ब्रांड्स होंगे जो हम जानते भी नहीं होंगे, है ना, क्योंकि प्रोड्यूसर कितने हैं हमारे देश में, बहुत सारे, है ना, कुछ ऐसे ब्रांड्स होंगे हम जानते भी नहीं होंगे, यहाँ पे स्केचर्स भी लगा लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। अब जब एक प्रोड्यूसर कितनी सप्लाई कर रहा है शूज की, एक इंडिविजुअल की बात करी थी, वो क्या आपका माइक्रो। पूरे देश में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, पूरे देश में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, वो कितनी सप्लाई कर रहे हैं शूज की मार्केट में, वो क्या है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर मैं यहाँ एग्जांपल लूँ, एडिडास वाले मान लो 10 लाख जूते बना रहे हैं, प्यूमा वाले 2 लाख बना रहे हैं, एग्जांपल रेड टेप वाले 5 लाख बना रहे हैं, नाइकी वाले 5 लाख बना रहे हैं, कितने 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 जितने भी ले लो, पूरे देश में कितनी सप्लाई हो रही है शूज में बाय ऑल द प्रोड्यूसर्स, वो क्या है आपका मैक्रो। इसको हम बोल देते हैं एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब क्या है, फटाफट से बताओ जी, एग्रीगेट का मतलब क्या है, सम टोटल, किस चीज क्या सम टोटल, सप्लाई, यानी पूरे देश में कितनी सप्लाई है। एक प्रोड्यूसर कितनी सप्लाई कर रहा है, माइक्रो। पूरे देश में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, वो कितनी सप्लाई कर रहे हैं, वो क्या आपका मैक्रो। ठीक है जी, अच्छे से समझ आया, सिंपल है, कुछ भी नहीं है, सिंपल सी, आपको ये पता होना चाहिए, माइक्रो मतलब इंडिविजुअल, मैक्रो का मतलब क्या है, हम किसके बारे में पढ़ते हैं, एग्रीगेट यानी पूरे देश के बारे में पढ़ते हैं। क्लियर, माइक्रो के दो टूल्स हैं, क्या है, डिमांड और सप्लाई, इंडिविजुअल डिमांड और इंडिविजुअल सप्लाई। मैक्रो के दो टूल्स क्या है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई।
क्लियर है। चले धीरे धीरे एक बार डिफरेंस पे आते हैं, एक एक पॉइंट को अच्छे समझते हैं। आपके सारे कंसेप्ट सारे डाउट्स उस डिफरेंस को पढ़ाऊंगी, एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगी, सब क्लियर हो जाएगा। चलो जी फटाफट से हम आगे देखते हैं। चलो जी आ जाओ भाई, डिफरेंस किस चीज का डिफरेंस, एक है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स, लो जी एक है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा क्या है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। अभी तक क्या पढ़ाया था, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या, देश की समस्याएं लेके चलते हैं ना। कौन कौन सी तीन समस्याएं थी फटाफट से बताओ, फटाफट से कौन कौन सी थी, रिसोर्सेज क्या है स्कार्स, दूसरी अनलिमिटेड क्या है वॉन, तीसरी अल्टरनेटिव क्या है यूसेस। अब माइक्रो क्या है मैक्रो क्या है, उन दोनों का डिफरेंस क्या है वो हम पढ़ रहे हैं। माइक्रो का मतलब क्या बताया था फटाफट से, माइक्रो का मतलब क्या बताया था इंडिविजुअल, क्या बताया था इंडिविजुअल। और मैक्रो का मतलब क्या बताया था, मैक्रो का मतलब क्या बताया था भाई, एग्रीगेट चलते हैं, एग्रीगेट का मतलब क्या है पूरे देश के बारे में, एज अ होल इकोनॉमी चलते हैं पूरे देश, होल मतलब पूरे देश को लेके चल रहे हैं हम यहाँ पे, क्लियर है। तो अब आ जाओ फटाफट से डिफरेंस पे। पहला है आपका मीनिंग, पहला क्या आपका मीनिंग, मीनिंग देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज या विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी। किसके बारे में हम पढ़ रहे हैं भाई, इंडिविजुअल के बारे में, किसके बारे में पढ़ रहे हैं इंडिविजुअल यानी एक पर्सन के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वो क्या है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। चलो जी दूसरी तरफ चलते हैं हम, अगला क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट, विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, एज अ होल। एग्रीगेट के बारे में जब हम पढ़े तो वो क्या है आपका मैक्रो, पूरे देश के बारे में पढ़े वो क्या है आपका मैक्रो यानी एज अ होल पढ़ते हैं, ठीक है जी। आगे देखते हैं, हमने बात कर ली दो टूल्स के हैं फटाफट से, एक पर्सन कितनी डिमांड कर रहा है, एक पर्सन कितनी सप्लाई कर रहा है आर द मेन टूल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, आर द मेन टूल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। चलो जी आगे देखते हैं मैक्रो में, मैक्रो मतलब पूरे देश में कितनी डिमांड हो रही है, पूरे देश में कितनी सप्लाई हो रही है यानी एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, दीज आर द टू टूल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, दीज आर द टू टूल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर है इतना, समझ गए अच्छे से, चले अगले पॉइंट पे। चलो जी आगे देखते हैं बेसिक ऑब्जेक्टिव, बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है देखते हैं। इट्स एम इज टू डिटरमाइन द प्राइस, देखते हैं भाई इसको समझते हैं क्या है भाई डिटरमाइन द प्राइस का मतलब क्या है। देखो जी अभी तो आप पढ़ रहे हो चैप्टर नंबर ओनली वन है ना माइक्रो का, आगे आप देखोगे डिमांड, अभी तो हम बात कर रहे हैं ना कि इसकी क्या टूल है, डिमांड है सप्लाई है, आगे डिमांड और सप्लाई के अलग अलग चैप्टर बने हुए हैं, ठीक है। डिमांड का अलग चैप्टर है, सप्लाई का अलग चैप्टर है, तो आप आगे पढ़ोगे कि डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है, कैसे किया जाता है थोड़ा सा हिंट समझ लो, यहीं पर आपको थोड़ा समझ आ जाएगा। देखो एक चीज बताओ मुझे, अगर मान लो लेट्स से किसी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा है, लोग पागल हो रहे हैं खरीदने के लिए, खरीदे जा रहे हैं, तो बताओ प्राइस बढ़ेगा कि कम होगा, प्राइस क्या होगा बढ़ेगा, क्योंकि लोग खरीद ज्यादा रहे हैं तो उसकी डिमांड ज्यादा है तो मतलब उसका प्राइस क्या होगा ज्यादा। एग्जाम्पल लो, अब आज के टाइम में ना टीनेजर्स में स्पेशली बेल बॉटम जीन्स है ना, वाइड लेग जीन्स बड़ा ट्रेंड चल रहा है, बड़ा फैशन चल रहा है, बहुत लोग खरीदे, बहुत डिमांड बढ़ रही, तो वैसे वैसे जैसे जैसे उसकी डिमांड बढ़ रही है वैसे वैसे उसका प्राइस भी बढ़ता जा रहा है। वही बात कर रहे हैं, डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे प्राइस को डिटरमिन किया जाता है, प्राइस निकाला जाता है कि उसका प्राइस क्या रखे, जिसकी चीज की डिमांड ज्यादा उस चीज का प्राइस ज्यादा, जिस चीज की डिमांड कम उसका प्राइस कम। क्यों डिमांड कम होने में प्राइस कम, सोच के देखो लोग खरीद ही नहीं रहे प्रोडक्ट, लोगों को पसंद ही नहीं आ रहा प्रोडक्ट, तो अब जो दुकानदार है जो सप्लायर है वो प्रोड्यूसर है वो कहेगा यार थोड़ा सस्ता कर दे ताकि लोग खरीद ले। क्यों? क्योंकि उसको ये लग रहा है यार एटलीस्ट मैं अपना खर्चा तो निकाल लूं, अपनी कॉस्ट तो निकाल लूं। इस चक्कर में वो क्या करते हैं, जैसे ही उसकी डिमांड कम उसका प्राइस क्या कर देगा, कम कर देगा, क्योंकि उसका सामान बिक नहीं रहा, उसका सामान उसको लग रहा है एक्सपायरी हो जाएगा, पड़े पड़े खराब हो जाएगा, तो उसका प्राइस क्या कर देगा कम। तो इस बेसिस पे डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे वो प्राइस को क्या किया जाता है, फाइन। डिमांड वाला तो समझ आ गया, डिमांड पे कैसे प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है ये समझ गए, डिमांड ज्यादा है तो उस चीज का प्राइस भी बढ़ा देते हैं, जिस चीज की डिमांड ही नहीं है उस चीज का प्राइस भी क्या कर देते हैं कम कर देते हैं।
अभी सप्लाई के केस में कैसे प्राइस प्राइस को फाइंड आउट करते हैं, प्राइस को डिटरमिन करते हैं, ये निकालते हैं। अब आप खुद सोचो, आप खुद सोचो, मान लो मेरी है फैक्ट्री, मान लो मेरी है फैक्ट्री जूते बनाने की, ठीक है, मान लो मेरी फैक्ट्री है जूते बनाने की, मैं सप्लायर हूँ, मैं सप्लाई बहुत बढ़ा रहा हूँ, मेरी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन खरीदने वाले लोग ही नहीं खरीद रहे मेरा जूता, मेरी सप्लाई ज़्यादा है, माल मार्केट में बहुत मिल रहा है, खरीदने वाले लोग इतने नहीं हैं, तो मैं प्राइस को क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा। सिंपल सी बात है, है ना, सिंपल ही बात है, मेरा सप्लाई ज़्यादा है, मार्केट में ज़्यादा अवेलेबल है, खरीद नहीं रहे लोग, मुझे हो गया लोग खरीद लें, मैं अपना खर्चा निकाल लूँ, मैं अपनी कॉस्ट तो रिकवर कर लूँ जूते की, तो मैं उसका प्राइस क्या कर दूंगा, कम। दूसरी तरफ अगर मान लो एज अ प्रोड्यूसर मैं बना ही कम रहा, सप्लाई मार्केट में कम, खरीदने वाले लोग पागल हो जा रहे, खरीदे जा रहे, अब मैं क्या करूंगा, प्राइस को बढ़ा दूंगा, क्योंकि सामान क्या है मार्केट में कम, खरीदने वाले लोग बहुत ज़्यादा है, तो उसका प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस वे में प्राइस को डिटरमिन किया जाता है, जो किया जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड और सप्लाई क्या है, उसके टूल्स हैं, और इसके बेसिस पे प्राइस को क्या किया जाता है, डिटरमिन किया जाता है। ओके, चले आगे, चलो जी फटाफट से अब आगे देखते हैं, बोर नहीं होना फटाफट से, है ना, हिम्मत नहीं आनी, पढ़ते रहना, अभी आगे आगे देखते हैं हम। इट्स एम इज टू डिटरमाइन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अरे यार ये इनकम क्या है भाई और ये एम्प्लॉयमेंट क्या है, फटाफट से समझते हैं। लेवल ऑफ द कंट्री, लो जी इसके लिए हम एक अलग से समझते हैं, हमने क्या बात करी मैक्रो इकोनॉमिक्स में, हम क्या बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्या निकाला उन्होंने, दो ऑब्जेक्टिव्स निकाले, क्या निकाले ऑब्जेक्टिव फटाफट से बताओ, एक क्या निकाला इनकम, और दूसरा क्या ऑब्जेक्टिव निकाला फटाफट से बताओ, एम्प्लॉयमेंट, क्या निकाला फटाफट से बताओ, एम्प्लॉयमेंट। भाई ये दो ऑब्जेक्टिव यहां कैसे आए, फटाफट समझो, आप 12th क्लास में मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हो तो इतना ध्यान रखना, मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना वो प्रोडक्शन के आसपास घूमती है, जितनी ज़्यादा हमारे देश में प्रोडक्शन होगी उतना ज़्यादा हमारे देश में क्या आएगी, ग्रोथ होगी, उतना ज़्यादा हमारा देश क्या करेगा, तरक्की करेगा, उतना ज़्यादा हमारा देश क्या करेगा, डेवलप करेगा, कैसे करेगा, वो है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स। पूरे देश के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो प्रोडक्शन के इर्द गिर्द घूमती है, कहते हैं अपने देश में प्रोडक्शन करो, बाहर की कंट्री से सामान मत खरीदो, अपने देश में प्रोडक्शन करो, क्यों करो अपने देश में प्रोडक्शन, अपने देश में फैक्ट्रीज लगाओ, अपने देश में कंपनियां खोलो, क्यों खोलो अपने देश में क्यों करो प्रोडक्शन, ताकि हमारे देश के लोगों को क्या मिले, काम मिले, नौकरियां मिले, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिले, काम मिलेगा। अगर लोगों के पास काम है, नौकरी है, तो क्या होगा, लोगों के पास पैसा होगा, पैसा होगा मतलब इनकम होगी, क्या होगी, इनकम होगी, क्लियर हो रहा है। तो ये है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स, वो कहता है जितनी प्रोडक्शन उतना ज्यादा लोगों के पास काम, जितना लोगों के पास काम उतना ज्यादा लोगों के पास पैसा। इसलिए आपका जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना उसका ये ऑब्जेक्टिव क्या है, एम्प्लॉयमेंट को फाइंड आउट करना कि देश में लोगों के पास काम है कि नहीं है, कितने लोग बेरोजगार है और कितने लोगों के पास काम है, कितने लोगों के पास काम नहीं है, वो फाइंड आउट करना। इनकम, कितने लोगों के पास पैसा है, कौन लोग पैसा कमा पा रहे, कौन लोग है जो पैसा नहीं कमा पा रहे, देश में कितना पैसा जनरेट हो रहा है, ये फाइंड आउट करना है। दिस इज योर मैक्रो इकोनॉमिक्स, पूरे देश को लेकर चल रहे, पूरे देश में कितने लोगों के पास काम है, पूरे देश में कितने लोगों के पास काम नहीं है, कितनी इंप्लॉयमेंट, कितनी अनएम्प्लॉयमेंट, कितना पैसा है, कितना पैसा नहीं है, नेशनल इनकम बढ़ रहा है, कम हो रहा है, ये है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर हुई बात अच्छे से, तो ये है आपके ऑब्जेक्टिव, दो ऑब्जेक्टिव क्या है फटाफट से, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम। माइक्रो के क्या ऑब्जेक्टिव था, प्राइस को फाइंड आउट करना, प्राइस को डिटरमिन करना, और मैक्रो के क्या दो ऑब्जेक्टिव है फटाफट से बताओ, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम। क्लियर, चलो जी ये पॉइंट हो गया होगा आपको क्लियर, आगे देखो, चलो कहाँ थे हम, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, डिटरमिन करना प्राइस को, और उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, किसको डिटरमिन करना, इनकम को, क्योंकि जितनी देश में प्रोडक्शन होगी उतना लोगों के पास काम, जितना लोगों के पास काम उतना लोगों के पास पैसा। चलो नेक्स्ट, डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, डिग्री ऑफ एग्रीगेशन का मतलब है ये बताना कि कौन सा माइक्रो बड़ा है लेवल पर स्टडी किया जाता है,
कि मैक्रो बड़े लेवल पे स्टडी किया जाता है, आप लोगों को पता ही है माइक्रो का मतलब भी क्या होता है स्मॉल और मैक्रो का मतलब क्या होता है लार्ज। तो बात क्या है डिग्री ऑफ एग्रीगेशन का मतलब क्या है, इट इन्वॉल्व लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, यानी स्मॉल स्केल की बात करी जाती है जिसका स्कोप है वो नैरो है। एक इंडिविजुअल के बारे में पढ़ा जाता है तो वो क्या है माइक्रो, दैट इज लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। नेक्स्ट मैक्रो क्या है लार्ज, है ना, मैक्रो क्या है पूरे देश के बारे में पढ़ा जाता है, पूरे देश की समस्याओं के बारे में पढ़ा जाता है, यानी एज अ होल पढ़ा जाता है, यानी इसका डिग्री ऑफ एग्रीगेशन क्या है लार्ज है, इसका स्कोप क्या है लार्ज है। तो ये क्या है इट इन्वॉल्व क्वाइट लार्ज डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, क्लियर है इतना, चले आगे फटाफट से। चलो जी आगे देखते हैं अजम्पशन, आगे क्या है भाई इसकी अजम्पशन, बड़े ध्यान समझना ये अजम्पशंस क्या है। अब जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़े, हमें पता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, एक पर्सन कितना पैसा कमा पा रहा है एक इंडिविजुअल के बारे में पढ़ते हैं। मैक्रो में हम एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, है ना, एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ना, है ना, अभी बात करी नेशनल इनकम के बारे में पढ़ना, ये क्या है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब बड़े ध्यान समझो, जो अगला जो डिफरेंस है वो है एक अजम्पशन, इसमें एक अज्यूम किया जाता है कि जब भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे, जब भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे तो ये अज्यूम किया जाता है जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल है, कौन कौन से मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल थे फटाफट से बताओ, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल है वो क्या रहेंगे कॉन्स्टेंट रहेंगे, यानी उनमें कुछ भी चेंज नहीं आएगा। जब यानी माइक्रो पढ़ रहे हैं तो मैक्रो कॉन्स्टेंट, जब मैक्रो पढ़ रहे हैं तो माइक्रो कॉन्स्टेंट, जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो जितने भी माइक्रो इकोनॉमिक्स वाले एलिमेंट है, जितने भी उनके वेरिएबल्स है, इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, वो सारे क्या रहेंगे वेरिएबल्स यहां पे कांस्टेंट रहेंगे। क्लियर है इतना, अच्छे समझ आए, तो फटाफट से एक बार देख लेते हैं। इट अज्यूम्स दैट ऑल द मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स आर कॉन्स्टेंट, जितने भी माइक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल है ना वो क्या रहेंगे यहाँ पे कॉन्स्टेंट रहेंगे, और वहां पे क्या जितने भी माइक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल है वो क्या रहेंगे कॉन्स्टेंट। अगर एक छोटी सी बात करूं, जब हम माइक्रो पढ़ रहे हैं तो मैक्रो वाले कॉन्स्टेंट, जब हम मैक्रो पढ़ रहे हैं तो माइक्रो वाले कॉन्स्टेंट, ये इसकी क्या है अजम्पशन। ठीक है जी, चले आगे, क्लियर हो गया यहां तक। चलो आगे है नॉन एज, आगे क्या है भाई नॉन एज, इसको अब ध्यान से समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन मार्क के क्वेश्चन में बहुत आ जाता है, कई बार एमसीक्यू में दे देते हैं या वन वर्ड क्वेश्चन दे देते हैं, है ना, ये डिफरेंस में तो उठा के दे देते हैं, है ना, तो बड़े ध्यान समझना। अब हमें जब पता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स से हम प्राइस को फाइंड आउट करते हैं, प्राइस को डिटरमिन करते हैं, तो इसलिए इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम क्या बना दिया, प्राइस थ्योरी। क्योंकि क्यों क्यों प्राइस थ्योरी, क्योंकि इससे हम क्या डिटरमिन करते हैं, प्राइस के बारे में क्या करते हैं डिटरमिन करते हैं, क्लियर है। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज आल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी। दूसरी तरफ चलते हैं हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है हम किसको फाइंड आउट करते हैं, किसको डिटरमिन करते हैं, इनकम को, और दूसरा क्या है एम्प्लॉयमेंट को, तो इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं इनकम थ्योरी या फिर एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। बड़े ध्यान से समझ लो, या तो इसको हम बोलते हैं इनकम थ्योरी या हम क्या बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इससे हम इनकम को फाइंड आउट करते हैं, एम्प्लॉयमेंट को फाइंड आउट करते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं इनकम थ्योरी और एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नेम बताओ या मैक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नेम बताओ, तो आपको पता होना चाहिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नेम क्या है प्राइस थ्योरी, मैक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नेम क्या फटाफट से बताओ, फटाफट से एम्प्लॉयमेंट थ्योरी और इनकम थ्योरी। अगर पूछ ले कि भाई ये एम्प्लॉयमेंट थ्योरी क्यों बोलते हैं, इनकम थ्योरी क्यों बोलते हैं, तो आप ये बताओगे क्योंकि इस मेथड से मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या ऑब्जेक्टिव है, हम इससे इनकम के बारे में फाइंड आउट करते हैं, तो इसलिए हम इसको इनकम थ्योरी बोलते हैं। जब हम एम्प्लॉयमेंट को डिटरमिन करते हैं तो हम इसको क्या बोल देते हैं एम्प्लॉयमेंट थ्योरी बोल देते हैं। डन है, चलो जी अब आगे चलते हैं। हम एक और डिफरेंस देख लो, ये तो आपको पता होगा, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल मैंने एक एक चीज समझा दी है। जब एक पर्सन कितना पैसा कमा रहा है, एक पर्सन की कितनी डिमांड है, एक पर्सन कितनी सप्लाई कर रहा है, एक पर्सन कितनी प्रोडक्शन कर रहा है, एक पर्सन यानी इंडिविजुअल, इंडिविजुअल की बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स। दूसरा पूरे देश में कितनी डिमांड, पूरे देश में कितनी सप्लाई, पूरे देश में कितना पैसा जनरेट हो रहा है, नेशनल इनकम का मतलब होता है पूरे देश में। जब एक पर्सन कितना कमा रहा है मतलब उसकी कितनी इनकम है, पूरे देश में कितना पैसा कमाया जा रहा है, पूरे देश में कितना पैसा जनरेट हो रहा है, तो उसको हम क्या कह देते हैं नेशनल इनकम।
ठीक है. नेक्स्ट है नेशनल आउटपुट. नेशनल का मतलब पूरे देश के बारे में बात करी जा रही है. एक पर्सन कितना प्रोडक्शन कर रहा है, इंडिविजुअल आउटपुट. पूरे देश में कितनी प्रोडक्शन हो रही है तो इसको हम क्या कह देंगे, नेशनल आउटपुट. सिंपल है, एक इंडिविजुअल, माइक्रो, पूरे देश के बारे में बात हो जाए तो मैक्रो, एग्रीगेट, या फिर इसको बोल देते हैं एज अ होल. ओके, आसान था, चले आगे. होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. अब हम आगे चलते हैं फटाफट से. अगला जो टॉपिक है वो है हमारा सेंट्रल एंड, या फिर इसको बोल देते हैं इकोनॉमिक इश्यूज या फिर प्रॉब्लम. सेंट्रल मतलब पूरे देश की इश्यूज क्या है, पूरे देश में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं. इकोनॉमिक का मतलब भी देश के बारे में बात करी जा रही है, यानी हमारे देश में क्या क्या प्रॉब्लम्स है एट माइक्रो लेवल. माइक्रो लेवल की क्या प्रॉब्लम्स है उसके बारे में हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं. ठीक है जी, देखते हैं भाई क्या क्या प्रॉब्लम्स है. पहली प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हुम टू प्रोड्यूस. ये क्या है भाई, व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब क्या बनाए, हाउ टू प्रोड्यूस मतलब कैसे बनाए, हुम टू प्रोड्यूस मतलब किसके लिए बनाए. तो समझते हैं एक एक चीज. पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाए. मान लो मुझे खोलनी है फैक्ट्री, मुझे क्या खोलनी है, फैक्ट्री. मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं किस चीज की फैक्ट्री खोलूं. मैं ये सोच रही हूं कि भाई मैं कंज्यूमर गुड की फैक्ट्री खोलूं, मैं कंज्यूमर गुड की फैक्ट्री खोलूं कि मैं कैपिटल गुड की फैक्ट्री खोलूं, कि मैं वॉर टाइम गुड्स की फैक्ट्री खोलूं. वॉर टाइम गुड, वॉर टाइम्स गुड. मेरे को ये नहीं समझ आ रहा मैं किस चीज की फैक्ट्री खोलूं. मुझे एक फैक्ट्री खोलनी है बट मुझे ये नहीं समझ आ रहा मैं कंज्यूमर गुड की खोलूं, कैपिटल गुड की खोलूं कि वॉर टाइम गुड की खोलूं. अब बच्चे कहेंगे मैम ये कंज्यूमर गुड क्या होता है, ये कैपिटल गुड क्या होता है, ये वॉर टाइम गुड क्या होता है, पहले तो वो समझाओ फिर सोचेंगे कि किस चीज की फैक्ट्री खोले, है ना. तो बड़े ध्यान से समझो, ये कंज्यूमर गुड का मतलब होता है ये ऐसे गुड जो बेसिकली कंज्यूम करे जाते हैं, जैसे यूज करे जाते हैं. जैसे मान लो लेट्स से हो गया आप में ब्रेड, बटर, शूज, क्लोथ्स, ये सारी चीजें क्या होगी आपकी कंज्यूमर गुड होगी. बुक्स, ये सारी चीजें क्या होगी आपकी कंज्यूमर गुड्स. क्लियर हो गया. आगे ये कैपिटल गुड्स क्या होता है जी, कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो प्रोडक्शन में काम आते हैं. मान लो मैंने मशीन बनाने की फैक्ट्री खोली जिसमें मैं मशीन बना रही हूँ, ट्रैक्टर बनाने की फैक्ट्री खोली जिसमें ट्रैक्टर वगैरह मैं बना रही हूँ. कैपिटल गुड का मतलब होता है ऐसे गुड जो प्रोडक्शन में, फ्यूचर में प्रोडक्शन में काम आएगा. अब ट्रैक्टर को कहाँ यूज़ किया जाता है, खेतों में यूज़ किया जाता है. किस लिए किया जाता है, प्रोडक्शन करने के लिए यूज़ किया जाता है. यानी ऐसे गुड जो प्रोडक्शन में काम आते हैं वो क्या होते हैं आपके लिए कैपिटल गुड. कौन कौन से हैं फटाफट से बताओ, मशीन और ट्रैक्टर, और ट्रैक्टर. ठीक है जी, आगे है आपका वॉर टाइम्स गुड. आगे क्या है आपका वॉर टाइम्स गुड. वॉर टाइम्स गुड्स का मतलब होता है ऐसे गुड जो वॉर के टाइम में, देश की सुरक्षा के टाइम में, अगर कोई टेररिस्ट अटैक हो गया तो उस टाइम देश की सुरक्षा के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, वॉर के टाइम में क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, वो क्या है आपके लिए वॉर टाइम गुड, जो हो सकते हैं आपके बॉम्ब, गन्स, टैंकर्स, ये सारी चीजें क्या आपकी वॉर टाइम गुड्स. बूम, ठीक है, ये है आपकी वॉर टाइम गुड्स. अब सोचो मुझे फैक्ट्री खोलनी है भाई, मैं पहले ये सोचूंगा मैं किस चीज की फैक्ट्री खोलूं, मैं कंज्यूमर गुड की फैक्ट्री खोलूं कि मैं कैपिटल गुड की फैक्ट्री खोलूं कि मैं वॉर टाइम गुड की फैक्ट्री खोलूं. तो सबसे पहले तो मैं ये डिसाइड करूंगा कि मैं फैक्ट्री खोलूं किस चीज की. मान लो मैंने ये डिसाइड कर लिया कि भाई मैं खोलूंगा कंज्यूमर गुड की फैक्ट्री, यानी मैं क्या बनाऊंगा, कपड़े बनाऊंगा, क्लोथ्स बनाऊंगा. अब मैं ये डिसाइड कर रहा हूं कि मैंने ये तो डिसाइड कर लिया कि मैं कपड़े बनाऊंगा, क्लोथ की फैक्ट्री बनाऊंगा, यानी मैंने नेचर डिसाइड कर लिया, काइंड डिसाइड कर लिया कि हाँ मैं किस चीज की फैक्ट्री खोल रहा हूं, कंज्यूमर गुड की. कंज्यूमर गुड में भी कौन सा गुड, मैंने डिसाइड कर लिया मान लो कपड़ा, क्लोथ्स की फैक्ट्री खोल रहा हूं मैं. अब इसके बाद मैं डिसाइड करूंगा, मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैं कपड़ा बनाऊंगा, मैं ये डिसाइड करूंगा कि मैं कितना कपड़ा बनाऊं, कितनी सप्लाई करूं, कितनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस करूं. तो मैंने बोला मान लो मैं एक शर्ट बनाती हूं, मान लो शर्ट उसकी मेरी फैक्ट्री है, तो मैंने बोला मैं 1,000,000 pieces ऑफ शर्ट बनाऊंगी. तो ये क्या बात करी मैंने, क्वांटिटी ऑफ गुड. सबसे पहले मैं क्या डिसाइड करूंगी, व्हाट टू प्रोड्यूस, मैं क्या बनाऊं, कंज्यूमर गुड बनाऊं, कैपिटल गुड बनाऊं कि व्हाट टाइम गुड बनाऊं. ये डिसाइड होने के बाद फिर मैं डिसाइड करूंगी कि मैं कितना बनाऊं, कितनी क्वांटिटी बनाऊं. तो ये किस में आएगा सारा का सारा आपका व्हाट टू प्रोड्यूस. डन है जी, चले आगे. अब
आगे है हाउ टू प्रोड्यूस। अब मैंने ये डिसाइड क्या करा, मैंने किस चीज की फैक्ट्री खोलनी है भाई, कपड़े की फैक्ट्री खोलनी है। अब मैं ये डिसाइड करूंगा कि मैं कपड़े की फैक्ट्री कैसे खोलूं, मतलब मैं कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करूं, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करूं, कि मैं लेबर का यूज करूं अपनी फैक्ट्री में कि मैं मशीनों का यूज करूं प्रोडक्शन करने के लिए, या मैं लेबर का यूज करूं कि मशीनों का यूज करूं। तो इसमें मैं क्या करूंगी, टेक्नोलॉजी को चूज करूंगी। क्या चूज करूंगी मैं, टेक्नोलॉजी को। क्या चूज करूंगी मैं, टेक्नोलॉजी को चूज करूंगी कि मैं कौन सी टेक्नोलॉजी चूज करूं, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करूं प्रोडक्शन को करने के लिए, कि मैं लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज करूं, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, या फिर मैं कौन सी लूं, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मैं ये डिसाइड करूंगी हाउ टू प्रोड्यूस में। मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैं कपड़ों की फैक्ट्री खोलने वाली हूँ, व्हाट टू प्रोड्यूस डिसाइड हो गया। अब मैं ये डिसाइड करने वाली हूँ कि मैं कैसे बनाऊं, हाउ टू प्रोड्यूस, मैं लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज करूंगी, मैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज करूं। लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का मतलब है कि मैं अपनी फैक्ट्री में लेबर का यूज कर रही हूं। किसका यूज कर रही हूं, लेबर का यूज कर रही हूं मैं अपनी प्रोडक्शन करने के लिए। अब है कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का मतलब है कि मैं अपनी फैक्ट्री में कपड़ा बनाने के लिए मशीनें लगा रही हूं, मशीनों का यूज कर रही हूं, तो ये क्या है आपके लिए, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। कैपिटल का मतलब ही बता दिया था, कैपिटल गुड्स का मतलब आपको बताया था, कैपिटल का मतलब है ऐसी चीजें जो प्रोडक्शन में काम आती है, जैसे कि मशीन होगी, ट्रैक्टर हो गए, ये सारी चीजें होगी। लेकिन हम यहाँ ऑब्वियसली ट्रैक्टर तो यूज नहीं करेंगे ना कपड़ा बनाने में। चलो, टेक्नोलॉजी दो टाइप की टेक्नोलॉजी है, याद रखो, पहले क्या आपकी लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, दूसरी क्या आपकी कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी में आप क्या यूज करोगे, लेबर का यूज करोगे। कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी में आप क्या यूज करोगे, मशीनों का यूज करोगे। अब देखो, अगर आप लेबर का यूज कर रहे हो प्रोडक्शन करने में, तो प्रोडक्शन तो कम होगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जो मशीन एक दिन में कितना बना देती है, वही उनको महीने लग जाएंगे लेबर को बनाने में, यानी प्रोडक्शन क्या होगी इससे कम होगी, प्रोडक्शन क्या होगी इसे कम। लेकिन देश में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी, लाखों लोगों को काम मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी देश में, ये है आपका लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। क्लियर है। दूसरी तरफ हम चलते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी में। कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, हम मशीनों का यूज कर रहे हैं। हम किसका यूज कर रहे हैं, मशीनों का यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन करने के लिए। मशीनों का मतलब क्या है, हम मशीन से बना रहे हैं सामान, तो जिससे क्या होगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी। लेकिन बहुत लोग होंगे जो अपनी नौकरियां खो देंगे, क्योंकि मशीन से सारा काम हो रहा है। कितने लोग हैं जो बेरोजगार हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी देश में, बेरोजगारी बढ़ जाएगी हमारे देश में, वो किससे होगा, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। समझ आए। तो अभी तक क्या बात करी हमने, व्हाट टू प्रोड्यूस, बनाना क्या है, हमने बात करनी है कैपिटल गुड्स बनाए, कंज्यूमर गुड बनाए कि व्हाट टाइम गुड बनाए। अब ये फाइंड आउट कर लिया कि कौन सा गुड बनाना है, फिर ये डिसाइड करेंगे कितनी क्वांटिटी बनाए, कितना बनाए। उसके बाद हम क्या डिसाइड करेंगे, हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस मतलब मैं कैसे बनाऊं, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज करूं कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज करूं। लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी मतलब मैं लेबर का यूज कर रही हूं, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी में मशीन का यूज कर रही हूं। अगर मैं लेबर का यूज करूंगी तो प्रोडक्शन तो कम होगी, लेकिन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या होगी, बढ़ेगी, लोगों को क्या मिलेगा, काम। दूसरी तरह मैं मशीनों का यूज कर रही हूँ, मशीनों का यूज कर रही हूँ का मतलब क्या है, मशीन से प्रोडक्शन कर रही हूँ, तो प्रोडक्शन क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन बहुत लोग हैं जो अपनी नौकरियां खो देंगे, यानी देश में क्या हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ओके, दो पॉइंट्स मुझे लग रहा है एकदम दिमाग में घुस गए होंगे। अब चलते हैं फटाफट से, होम टू प्रोड्यूस क्या है भाई, होम टू प्रोड्यूस किसके लिए बनाए, है ना, जूता बना बना के तो रखना नहीं है, अब किसके लिए बनाए, किसके लिए बनाए का मतलब है अमीरों के लिए बनाए कि गरीबों के लिए बनाए, यानी रिच सेक्शन ऑफ पीपल के लिए बनाए कि पुअर सेक्शन ऑफ पीपल के लिए। अगर मैं अमीरों के लिए बना रही हूं तो प्राइस को क्या रखूंगी, हाई रखूंगी, ताकि क्या कमा पाऊं, प्रॉफिट कमा पाऊं। अगर मैं गरीबों के लिए बना रही हूं, मेरा टारगेट ऑडियंस है गरीब लोग, तो मैं उसका प्राइस क्या रखूंगी, नॉर्मल लिखूंगी, कम रखूंगी, ताकि वो अफोर्ड भी तो कर ले। क्लियर हुआ, होम टू प्रोड्यूस किसके लिए बनाऊ, रिच पीपल के लिए कि पुअर पीपल है, रिच पीपल है तो प्राइस ज्यादा, पुअर पीपल है तो प्राइस कम, क्यों ज्यादा, ताकि मैं क्या कमा पाऊं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन।
डन है, ये है आपकी माइक्रो लेवल पे तीन प्रॉब्लम्स, तीन जो है हम बोल देते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है। पहला क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा क्या है हाउ टू प्रोड्यूस, और तीसरा क्या है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ये मैंने आपके लिए प्रॉपर नोट्स लिखे हुए हैं, बड़े ध्यान से समझ लेना, पढ़ लेना, पेपर में कॉपी पेस्ट मार आना चाहिए, ये नोट्स बहुत काम आएंगे। स्क्रीनशॉट ले लो चाहे आप, बिल्कुल एक बार बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। देख लो जी, व्हाट टू प्रोड्यूस ये मैंने बात कर ली, क्या बनाऊंगा, सबसे पहले मैं डिसाइड करूंगा नेचर एंड काइंड ऑफ प्रोडक्ट, कि कौन सा गुड बनाऊं, कि मैं पहले कंज्यूमर गुड बनाऊं, कंज्यूमर गुड मतलब ये सारे हो गए आपके, या फिर मैं कैपिटल गुड बनाऊं, या फिर मैं वॉर टाइम गुड्स बनाऊं, मैं कौन सा गुड्स बनाऊं, सबसे पहले तो मैं ये डिसाइड करूं। और मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैं ये गुड बनाऊंगा, तो उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा क्वांटिटी, कितना बनाऊं। नेचर डिसाइड करने के बाद कि मैं ये गुड बनाऊंगा, फिर मैं डिसाइड करूंगा कितना सामान बनाऊं, कितनी क्वांटिटी बनाऊं, ये क्या आपका क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। पढ़ लेना आगे क्या है, हाउ टू प्रोड्यूस मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, कैसे बनाऊं, मैं लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज करूं कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज करूं। लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, मैं क्या यूज कर रही हूं, लेबर यूज कर रही हूं, जिससे क्या होगा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी लेकिन प्रोडक्शन क्या हो जाएगी कम। कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी क्या होता है फटाफट से देखो, जिसमें मैं प्रोडक्शन तो ज्यादा कर पाऊंगी लेकिन देश में क्या होगी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है, बेरोजगारी, बेरोजगारी मतलब लोगों के पास काम नहीं है, नौकरियां नहीं है, वो प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि मशीनों से काम हो रहा है तो लोगों की नौकरियां चली जाती है इसलिए। ओके चले, ये आप पढ़ लेना फटाफट से। आगे नेक्स्ट क्या था, होम टू प्रोड्यूस किसके लिए बनाऊं, अमीरों के लिए बनाऊं कि गरीबों के लिए बनाऊं, अमीरों के लिए बनाऊंगी तो प्राइस क्या रखूंगी, ज्यादा रखूंगी, क्यों रखूंगी प्राइस ज्यादा, ताकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो जाए। अगर गरीबों के लिए बना रही हूँ, पूरे सेक्शंस के लिए बना रही हूँ, तो प्राइस को क्या रखूंगी, थोड़ा लो रखूंगी, ताकि वो अफोर्ड भी तो कर पाए, ठीक है। चले चलो जी, अभी तक कोई मुश्किल नहीं हो रही होगी, आगे देखते हैं फटाफट से। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, तेरा थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, बड़े ध्यान समझो, तीन टाइप्स क्या है। पहला है आपका सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, या फिर इसको हम बोल देते हैं सोशल इकोनॉमी। दूसरा है आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, या फिर इसको हम बोल देते हैं मार्केट इकोनॉमी। तीसरा है आपका मिक्स्ड इकोनॉमी, याद रखना मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है, इन दोनों का ही मिक्सचर है, इन दोनों का क्या है मिक्सचर है, उसको हम क्या कह देते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी कह देते हैं। बड़े ध्यान से एक तो ना दोनों नाम याद कर लो, इसके भी दोनों नाम, इसके भी दोनों नाम, पेपर में क्या होता है कई बार है ना, इस आप बच्चे कर जाते पहला नाम याद, दूसरा नाम ध्यान ही नहीं रखते हो, फिर पेपर में जब दूसरे नेम्स आ जाते फिर कहते पढ़ा ही नहीं है तो मैम क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान रखना कई बार क्या होता है, इन तीनों का डिफरेंस आ जाए तो आप प्रॉपर डिफरेंस लिखोगे तीनों का। अगर मान लो एक पे आ जाए क्वेश्चन कि एक्सप्लेन करो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, तो आप ये पांच के पांच पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स है ना, ये आप सारे के सारे एक्सप्लेन कर दो, आपके पूरे के पूरे नंबर, एक नंबर नहीं कटेगा आपका, क्लियर है इतना। चले आगे, अब समझते हैं हम, पहला है आपका सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, जिसको हम क्या बोल देते हैं फटाफट से बताओ, दूसरा नेम क्या है इसका, सोशल इकोनॉमी। क्या होता है ये सोशल इकोनॉमी या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, इसका मतलब है कि देश में जितने भी डिसीजंस हैं, देश में जितने भी डिसीजंस हैं कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है, कब बनाना है, क्यों बनाना है, किस प्राइस पे बनाना है, कहां से सामान खरीदना है, कहां पे सामान बेचना है, यानी व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, एवरी डिसीजन ऑफ द इकोनॉमी इज टेकन बाय गवर्नमेंट। कौन लेती है, गवर्नमेंट लेती है, देश की सरकार लेती है, देश में क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा, किस प्राइस पे बेचा जाएगा, किस प्राइस पे नहीं बेचा जाएगा, एवरी डिसीजन, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाना है, अमीरों के लिए, गरीबों के लिए, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, कहां से सामान खरीदना है, किसको सामान बेचना है, किस प्राइस पे बेचना है, जितने भी डिसीजंस है वो कौन लेती है, गवर्नमेंट लेती है, क्लियर है इतना। चले आगे, नेक्स्ट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में देख लेते हैं, यहां पे जो भी डिसीजंस है ना, क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा, किसके लिए बने, कहां से सामान आएगा, कहां बेचेगा, किस प्राइस पे बेचेगा, जितने भी डिसीजंस है, दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, एवरी डिसीजन ऑफ द इकोनॉमी इज टेकन बाय एन इंडिविजुअल। कौन लेता है भाई, एक इंडिविजुअल, समझो मेरी फैक्ट्री है, मेरी फैक्ट्री है तो मेरी मर्जी ना, मैं नॉर्मल सी बात है, मेरी मर्जी है कि मैं क्या बनाऊं, कैसे बनाऊं, कहां से सामान खरीदूं, कहां बेचूं, किस प्राइस पे बेचूं, यहां पे क्या है, हर डिसीजन कौन लेता है, एक इंडिविजुअल लेता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल सुन लो, इसका जो एग्जांपल है वो है आपका नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया पहले ना
चाइना को बोला जाता था सोशल इकोनॉमी में। पहले बोला जाता था कि चाइना जो है, चाइना में जितने भी डिसीजन है वो लेती है गवर्नमेंट, लेकिन अब चाइना ना प्रूव करती है अपने आप को। चाइना कहती है कि देखो जी, अब हम प्योर सोशल इकोनॉमी नहीं है, प्योर सोशल इकोनॉमी नहीं है। चाइना क्लेम करती है अब अपने आप को कि अब हम मिक्स इकोनॉमी की तरफ चलते जा रहे हैं। अभी मिक्स इकोनॉमी क्या है वो हम धीरे धीरे आएंगे, ठीक है। तो इसका एग्जांपल अब आप क्या लिख के आओगे, नॉर्थ कोरिया लिखोगे, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में जितने भी डिजीजन है देश से रिलेटेड, क्या बनाना, कैसे बनाना, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, एवरी डिसीजन ऑफ द इकोनॉमी इज टेकन बाय द गवर्नमेंट। और यहाँ पे जितने भी डिसीजन है वो कौन लेती है, एक इंडिविजुअल लेती है। इसका एग्जाम्पल क्या है, यूएसए। यूएसए में बेसिक क्या होता है, इंडिविजुअल के पास पावर है कि अगर वो अपना बिजनेस खोल रहा है तो उसके पास पावर है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कहाँ से खरीदना है, कहाँ पे बेचना है, किसके लिए बनाना है, किसके लिए नहीं बनाना, किस प्राइस पे बनाना है। एवरी डिसीजन इज टेकन बाय एन इंडिविजुअल, बाय एन इंडिविजुअल। क्लियर है इतना, चले आगे, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका मिक्स्ड इकोनॉमी। क्या है भाई मिक्स्ड इकोनॉमी, अभी तक पता है नाम से पता चल रहा है मिक्स मतलब इन दोनों का क्या है, मिक्स्ड है। मिक्स्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें दोनों का कंट्रोल है। यहाँ पे किसका कंट्रोल था, गवर्नमेंट का। यहाँ पे किसका कंट्रोल था, इंडिविजुअल का। यहाँ पे क्या है, दोनों का ही इंपॉर्टेंट रोल है। यानी जहां पे गवर्नमेंट को आना आता है वहां गवर्नमेंट आती है, जहां पे इंडिविजुअल को आना है वहां इंडिविजुअल, यानी दोनों का ही मेन रोल है, दोनों ही इसमें आते हैं। तो इसमें क्या है, बोथ गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन टेकिंग द डिसीजन रिलेटेड टू द इकोनॉमी। देश में जितने भी डिसीजन है दोनों का ही मेन रोल है। जहां पे गवर्नमेंट को आना है वह गवर्नमेंट आएगी, जहां पे इंडिविजुअल को आना है वहां पे कौन आएगा, इंडिविजुअल आएगा। ये कहां पे होता है भाई, फटाफट से बताओ, खुद बताओ, कहां होता है ये, इंडिया में होता है। कहां होता है ये, इंडिया में होता है, भारत में होता है। भारत इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी, इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। यहाँ पे दोनों का इंपॉर्टेंट रोल है। इंडिविजुअल के पास भी पावर है और गवर्नमेंट के पास भी पावर है, दोनों का ही इंपॉर्टेंट क्या है, रोल है। यहाँ पे किसका है, गवर्नमेंट, यहाँ पे किसका है, इंडिविजुअल, यहाँ पे किसका है, दोनों का। पहला पॉइंट क्लियर है, चले आगे। चलो जी आगे देखते हैं, सेकेंड पॉइंट भी इजी है। द गवर्नमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी। गवर्नमेंट का क्या है, इंपॉर्टेंट रोल है। यही तो बात करी, क्योंकि सारे डिसीजन कौन लेता है भाई, गवर्नमेंट लेती है। क्लियर है, आगे देखते हैं। द रोल ऑफ गवर्नमेंट इज जस्ट टू मेंटेन लॉज एंड ऑर्डर, जस्ट टू मेंटेन लॉज एंड ऑर्डर। इसका क्या मतलब है भाई, हमने क्या बात करी, हर एक डिसीजन मतलब एक इंडिविजुअल के पास पावर है कि वो जितने भी डिसीजन है वो खुद से ले सकता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट के पास कुछ भी कंट्रोल नहीं है। गवर्नमेंट का रोल है देश में लॉज मेंटेन हो, ऑर्डर्स मेंटेन हो, लीगल तरीके से काम हो, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी ना हो, उस चीज को क्या करना, कंट्रोल करके रखना, ये गवर्नमेंट का काम है। अब यूएसए में देख लो, है ना, यूएस इज अ वेरी डेवलप कंट्री। वहां पे अगर कोई बाहर कूड़ा करकट भी फेंक देना, है ना, तो भी क्या आ जाती है, पुलिस आ जाती है। तो गवर्नमेंट का क्या काम है, लॉज मेंटेन हो, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करे जाएं, इस चीज में जो है गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट का क्या है, मेन रोल है, कंट्रोल करती है। तो गवर्नमेंट का क्या रोल है, इज जस्ट टू मेंटेन करना, किसको मेंटेन करना, लॉज को, कि हर एक चीज लीगल तरीके से, ऑर्डर्स को, जो गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिए उसको जो है फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, उस चीज को क्या करना होता है, मेंटेन करना होता है। कहां पे होता है, कहां पे होता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, या फिर इसको हम क्या बोल देते हैं, मार्केट इकोनॉमी। ठीक है, समझ गए अच्छे से, दो पॉइंट क्लियर। पहला पॉइंट क्या था, हर एक चीज कौन लेती है, गवर्नमेंट लेती है, यहाँ पे इंडिविजुअल लेती है, और यहाँ पे कौन लेती है, दोनों होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या था, यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल है, यहाँ पे गवर्नमेंट का क्या रोल है, इज जस्ट टू मेंटेन लॉज एंड ऑर्डर। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोनों का रोल है, किस किस का, इंडिविजुअल का भी इंपॉर्टेंट रोल है और गवर्नमेंट का भी रोल है। क्यों, क्योंकि ये तो क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। यानी इसका भी फीचर आ गया, इसका भी फीचर आ गया, यहाँ से गवर्नमेंट आ गया, यहाँ से इंडिविजुअल आ गया। ठीक है, क्योंकि इंडिया में दोनों का ही क्या है, इंपॉर्टेंट रोल है, गवर्नमेंट का भी और इंडिविजुअल का भी। क्लियर है इतना, चले आगे फटाफट से। चलो जी नेक्स्ट, द मेन ऑब्जेक्टिव इज सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर क्यों है, क्योंकि यहां पे सारे डिसीजंस कौन लेती है, गवर्नमेंट लेती है। क्योंकि गवर्नमेंट ले रही है तो गवर्नमेंट जो है, हमारी जो सरकार है वो देश का सोच के लेगी कि देश में क्या करना है, देश में क्या नहीं करना, क्या पॉलिसीज लानी है, हर एक चीज जो है देश में गवर्नमेंट ले रही है। एवरी डिसीजन इज टेकन बाय द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट डिसीजन लेगी वो सबका सोच के लेगी, वो ऐसा नहीं सिर्फ अमीरों का सोचेगी या गरीबों का सोचेगी, उसके लिए दोनों ही एक बराबर है, यानी वो सबका सोचेगी। तो इसका
मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, देश में क्या लेके आना, सोशल वेलफेयर करना, समाज का भला होना, देश का भला करना, उसका क्या है मेन मुद्दा है, मेन ऑब्जेक्टिव है। अब यहां देख लेते हैं, द मेन ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। एक सिंपल सी बात है कि इंडिविजुअल का कंट्रोल है, मेरे को मेरी फैक्ट्री खोलनी है तो मैं इसलिए को ना खोलूंगी कि मैं सोशल वेलफेयर करूं, है ना, मैं क्यों खोलूंगी ताकि मैं क्या कमा पाऊं, प्रॉफिट कमा पाऊं, पैसा कमा पाऊं, यहां पर इंडिविजुअल का कंट्रोल है। तो एक इंडिविजुअल को फर्क नहीं पड़ता देश में वेलफेयर हो रहा है या नहीं हो रहा, उसको यह फर्क पड़ता है कि मैं प्रॉफिट कमा पा रहा हूं कि नहीं कमा पा रहा हूं। तो यह क्या है आपका मार्केट इकोनॉमी में, या फिर जिसको हम बोल देते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, ये क्या है आपका ऑब्जेक्टिव, क्या है इसमें, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। चलो जी नेक्स्ट क्या है, द मेन ऑब्जेक्टिव्स आर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल वेलफेयर। अब यहां देख लो, यहां पे तो दोनों का कंट्रोल है, इंडिविजुअल का भी रोल है और गवर्नमेंट का भी रोल है। अगर एक इंडिविजुअल डिसीजन लेगा तो वो क्या लेगा, प्रॉफिट कमाने का, यानी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अगर गवर्नमेंट सारे डिसीजन लेगी तो वो क्या होगा, सोशल वेलफेयर। दोनों का रोल है तो दोनों ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो पाते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी और सोशल वेलफेयर भी। इसलिए यहां पे क्या है मेन ऑब्जेक्टिव, क्या है यहां पे दोनों ऑब्जेक्टिव लाना, क्योंकि क्या है मिक्स्ड इकोनॉमी जो इंडिया में होती है, दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी और दूसरा क्या है सोशल वेलफेयर भी। ओके चले, तीन पॉइंट से मुझे लग रहा है बहुत अच्छे से क्लियर हो गएंगे। फोर्थ पॉइंट पे भी हम आते हैं, समझते हैं। पांचवा पॉइंट देख लो, ये तो आपको समझ गए, ये क्या है नॉर्थ कोरिया, इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल क्या है यूएसए, और इसका एग्जाम्पल क्या है इंडिया, इसका एग्जाम्पल क्या है इंडिया। अब समझो ये फोर्थ पॉइंट जो रह गया, ये थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन समझ फिर भी बहुत अच्छे से आएगा, बड़े ध्यान समझो क्या मतलब। देखो द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी किसके अंडर, सोशल इकोनॉमी के अंदर, द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी इज डिटरमिंड बाय प्लानिंग अथॉरिटीज। कौन डिसाइड करता है प्राइस को, प्लानिंग अथॉरिटीज डिसाइड करते हैं। ये प्लानिंग अथॉरिटीज क्या होती हैं भाई, ये तो पता ही नहीं हमें, है ना। प्लानिंग अथॉरिटीज क्या है तो पहले समझते हैं प्लानिंग अथॉरिटीज क्या है। यहाँ तो समझ आ गया कि ठीक है जो प्राइस है ना प्रोडक्ट का वो कौन डिसाइड करता है, क्योंकि गवर्नमेंट हर चीज में डिसीजन लेती है। तो ये बात करें कि जो भी प्राइस है वो कौन डिसाइड करता है, प्लानिंग अथॉरिटीज डिसाइड करती है। अब ये प्लानिंग अथॉरिटीज क्या है फटाफट से समझ लो, ये क्या होती है प्लानिंग अथॉरिटीज, प्लानिंग अथॉरिटीज समझो ये प्लानिंग अथॉरिटीज क्या है। प्लानिंग अथॉरिटीज का एक और नेम होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, क्या होता है दूसरे नेम से आ जाता है, इसी को हम बोल देते हैं प्लानिंग अथॉरिटीज, या इसको बोल देते हैं प्लानिंग कमीशन, क्या बोलते थे प्लानिंग कमीशन समझो। और इस प्लानिंग अथॉरिटीज का जो चेयरमैन है ना, जो इसका चेयरमैन है वो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर होते हैं। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर कौन है जी, बताओ फटाफट से बताओ कौन है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, श्री नरेंद्र सिंह मोदी। ठीक है, ये हम सबको पता है ना, सबको ही पता होगा ये तो। अब जो इस प्लानिंग अथॉरिटीज या जिसको हम प्लानिंग कमीशन बोल देते हैं, जो इसका चेयरमैन होता है वो हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ये कैसे प्राइस को डिटरमाइन करते हैं, इसका मतलब क्या है, उसका मतलब बड़े ध्यान से समझो। मान लो ये एक सभा बैठ गई, मान लो ये एक सभा है, ये रूम है ना, यहां बैठ गए हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, यहां बैठ गए जितने भी मिनिस्टर्स हैं, है ना, ठीक है, जितने भी क्या है मिनिस्टर, मान लो ये मैं हूँ मोदी, यहाँ मैंने बिठा दिया डिफरेंट मिनिस्टर। अब प्राइस को डिटरमिन करता है क्योंकि गवर्नमेंट डिसाइड करती है, तो वो सारे के सारे मिनिस्टर, अब गवर्नमेंट का मतलब ये नहीं कि खाली मोदी जी वो डिसाइड करेंगे, सब मिलकर डिसाइड करते हैं, आपस में डिबेट होती है, चर्चा होती है कि भाई क्या रखना जाए प्राइस, क्या रखा जाए, अमीरों के लिए तो थोड़ा प्राइस ज़्यादा रख लेते हैं, गरीबों के लिए तो थोड़ा प्राइस कम रख लेते हैं, हर एक चीज़ को प्रॉपर डिसीजन लिया जाता है, पूरी डिबेट चर्चा होती है और लास्ट में वो फाइनल करते हैं प्राइस को कि हाँ भाई ये प्राइस सही है, सबके लिए सही है, अमीरों के लिए भी गरीबों के लिए, ये प्राइस को फाइनलाइज करते हैं। इस बेसिस पे वो क्या करते हैं प्राइस को डिटरमिन करते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट मतलब सिर्फ और सिर्फ मोदी नहीं है, गवर्नमेंट में सारी आ जाएंगी, हर लोग। प्लानिंग कमीशन बैठती है जिसमें चेयरमैन मोदी जी बैठते हैं और आपस में जितने भी जो है थोड़े बहुत मिनिस्टर्स बैठते हैं, आपस में डिबेट होती है, चर्चा होती है, क्या रखे प्राइस, क्या ना रखे प्राइस, हर एक चीज के बारे में डिसीजन लेते हैं और लास्ट में वो क्या कर देते हैं प्राइस को फाइनलाइज कर देते हैं, क्या कर देते हैं प्राइस को फाइनलाइज कर देते हैं। क्लियर है, अच्छे से समझ आया, चले आगे। चलो जी अब देखते हैं, ये तो हो गया आपका प्लानिंग कमीशन या फिर इसको बोल देते हैं प्लानिंग अथॉरिटीज। अब समझो इसका मतलब क्या,
जो हमने टॉपिक चल रहे थे, प्राइस ऑफ कॉमोडिटीज आर डिटरमिन्ड बाय प्लानिंग अथॉरिटीज। वो किसके द्वारा प्राइस को, प्राइस किसके द्वारा फाइंड आउट किया जाता है, किसके द्वारा डिटरमिन किया जाता है, प्लानिंग अथॉरिटीज के द्वारा। यानी वो एक पूरी पूरी क्या कहते हैं, सभा जी बैठ जाती है, मिनिस्टर बैठ जाते हैं, मोदी जी बैठ जाते हैं, यानी प्राइम मिनिस्टर जो देश के हैं वो बैठ जाते हैं, वो आपस में डिसाइड करते हैं और फिर प्राइस को क्या कर लेते हैं, डिटरमिन किया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो प्राइस है वो किसके बेसिस पे डिटरमिन किया जाता है, मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई का मतलब है बेसिकली डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे क्या किया जाता है, प्राइस को डिटरमिन किया जाता है। खुद सोचो, जिस चीज की डिमांड ज्यादा है, लोग पागल हो रहे हैं खरीदने के लिए, बहुत पागल हो रहे हैं, तो उसका प्राइस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ये मैं पहले भी समझा चुकी हूं आपको, जिस चीज की डिमांड ज्यादा है उसका प्राइस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। कोई ऐसा प्रोडक्ट है लोग खरीद ही नहीं रहे, यानी उसका डिमांड कम है, तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, उसका प्राइस क्या कर देंगे, वो क्या कर देंगे, वो प्राइस को क्या कर देंगे, अगर किसी चीज की डिमांड ही नहीं है तो उसका प्राइस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर हुआ मैं क्या बात कर रही हूं? जो प्राइस है ना, वो प्राइस है मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। अरे भाई, मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई क्या है, ये मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूं, यानी डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है प्राइस को। अब आप खुद सोचो, जिस चीज की डिमांड ज्यादा है, लोग पागल हो रहे हैं खरीदने के लिए, तो उस चीज का प्राइस भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ये एग्जाम्पल के साथ मैं समझा चुकी हूँ पहले आपको, जैसे मान लो बेल बॉटम जीन्स है, इस चीज की डिमांड बहुत ज्यादा है आजकल, टीनेजर्स में डिमांड बहुत ज्यादा है, तो इसका प्राइस भी क्या हो रहा था, ज्यादा हो रहा है। ठीक है, अब दूसरी तरफ अगर मान लो कोई एक प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड ही नहीं है, लोग खरीद ही नहीं रहे वो प्रोडक्ट को, तो उस चीज का प्राइस क्या कर दूंगी, मैं कम कर दूंगी, क्योंकि मुझे लग रहा है यार मैं अपना पैसा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी कॉस्ट तो वसूल कर लूं, मेरी कोई खरीद ही नहीं रहा सामान, तो मैं उसका प्राइस कम कर दूंगी। प्राइस कम क्यों कर दूंगी, क्योंकि मुझे है कि लोग खरीद ले मेरा प्रोडक्ट, एटलीस्ट मैं अपनी कॉस्ट रिकवर कर पाऊं, अपना खर्चा तो निकाल पाऊं। क्लियर है, आगे देखते हैं फटाफट से। यहां पे क्या है, द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी आर डिटरमिन्ड बाय बोथ मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड प्लानिंग अथॉरिटीज। फटाफट से देखो, देखो सीधी सी बात है, यहां पे कौन डिसाइड करते थे, प्लानिंग अथॉरिटीज। यहाँ पे कौन डिसाइड किया, किसके बेसिस पे किया जाता है, डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे। ये आपको मैंने पहले भी समझाया, जिस चीज की डिमांड ज्यादा उसका प्राइस ज्यादा, जिस चीज की डिमांड ही नहीं है तो उसका प्राइस क्या हो जाएगा, कम। सप्लाई के केस में भी वही होता है, सप्लाई के केस में अगर सुन लो दोबारा से, सप्लाई के केस में कहता है अगर मान लो एज अ प्रोड्यूसर मेरी सप्लाई बहुत ज्यादा है, मार्केट में बहुत सामान है लेकिन लोग खरीद नहीं रहे, तो मैं उसकी प्राइस को क्या कर दूंगी, कम कर दूंगी कि लोग खरीद लें। अगर मेरे प्रोडक्ट की सप्लाई नहीं है मार्केट में, मैं बना कम रहा हूं, लोग पागल हो रहे हैं मेरे प्रोडक्ट को खरीदे जा रहे हैं, तो मैं उसका प्राइस क्या कर दूंगा, ज्यादा कर दूंगा, क्योंकि सामान कम है, सप्लाई कम है, खरीदने वाले लोग ज्यादा हैं, तो प्राइस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इस बेसिस पे प्राइस को क्या किया जाता है, यहां पे डिटरमिन किया जाता है। लेकिन मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है भाई, दोनों का रोल होता है, इंडिविजुअल का भी और गवर्नमेंट का भी। अगर गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है तो किसके बेसिस पे करेगी, वो प्लानिंग अथॉरिटीज के बेसिस पे प्राइस को डिटरमिन किया जाता है, यानी सभा बिठा देंगे, उसमें डिसाइड होगा, चर्चा होगी, डिबेट होगी कि क्या प्राइस रखा जाए। यहां पे क्या है, अगर एक इंडिविजुअल प्राइस डिसाइड कर रहा है तो वो किसके बेसिस पे डिसाइड करेगा, ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे क्या करेगा, डिसाइड करेगा। तो यहां पे दोनों का रोल है, दोनों का इंपॉर्टेंट रोल है, इंडिविजुअल का भी और दूसरा किसका, गवर्नमेंट का भी। तो यहां पे दोनों का ही आएगा, अगर गवर्नमेंट ले रही है तो प्लानिंग अथॉरिटीज, अगर इंडिविजुअल ले रही है तो किसके बेसिस पे होगा, किसके बेसिस पे होगा, मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। बाकी इसकी पूरी डिटेलिंग ना बच्चा पूरे डिमांड का चैप्टर पढ़ोगे, सप्लाई चैप्टर पढ़ोगे, लास्ट में मार्केट इक्विलिब्रियम भी पढ़ोगे, ये सारी चीजें आपको डिटेलिंग के साथ बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। क्लियर है, इतना अच्छे से समझ आया। चलो जी, अब हम आगे पढ़ते हैं फटाफट से, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। हाँ जी जी, चलो देखते हैं, अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है आपका पॉजिटिव इकोनॉमी और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। देखते हैं भाई ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है, बड़े ध्यान से समझ लो। ये ना कुछ टाइम पहले ही आया है, 3-4 साल ही हुए इस टॉपिक को आए हुए, ज्यादा टाइम नहीं हुआ इस टॉपिक को आए, और इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के हिसाब से, 3-4 नंबर का डिफरेंस आ जाता है कई बार पेपर में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स,
ठीक है जी। तो सबसे पहले हम समझते हैं ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है, फिर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होते हैं, फिर हम इसके डिफरेंस पे चलेंगे। तो पहला जो आपका टॉपिक है वो है आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। दूसरा है आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। हाँ जी जी, समझते हैं भाई पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है और ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब है, यहां पे जो पॉजिटिव वर्ड है ना, इस पॉजिटिव वर्ड का मतलब है आज। क्या मतलब है इसका? आज। आज का मतलब क्या है भाई? प्रेजेंट। क्या मतलब है? प्रेजेंट मतलब आज के बारे में जब भी हम पढ़े, आज प्रेजेंट के बारे में कि देश में ये समस्या है, देश में इतनी गरीबी है, देश में इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, देश में महंगाई बढ़ रही है, आज के बारे में बात करें कि देश में इतनी परसेंट पॉपुलेशन बढ़ रही है, देश में इतनी गरीबी है, देश में इतनी बेरोजगारी है, देश में इतनी महंगाई है, आज की समस्याएं के बारे में बात करें, आज प्रेजेंट के बारे में बात करें, तो वो क्या है आपका? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। क्या है इसका मतलब? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। क्या है इसका मतलब? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। क्लियर है? अब आगे देखो, दूसरा है आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। क्या है इसका मतलब? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इसका मतलब क्या है बड़े ध्यान से समझो। नॉर्मेटिव का मतलब होता है फ्यूचर। क्या मतलब होता है भाई? फ्यूचर। बोलने का क्या मतलब होता है? इसका मतलब फ्यूचर। फ्यूचर के बारे में जब हम बात करें तो वो क्या है आपका? नॉर्मेटिव। आज के बारे में जब हम बात करें तो वो क्या है आपका? पॉजिटिव। समझते, एग्जांपल समझते। हम बात कर रहे हैं, हमने पहले भी एग्जांपल लिया, हम क्या बात कर रहे थे? देश में 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, ये फैक्ट है, वी हैव डाटा। ये हम आज के बारे में बात कर रहे हैं, मान लो। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि देश में इतनी पॉपुलेशन है, ये प्रेजेंट के बारे में बात हो रही है, तो ये क्या है आपका? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, जब हम बात करें देश में गवर्नमेंट को करना चाहिए कि पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाए, तो ये क्या है? फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं। यहां घर बैठे बैठे ख्याली पुलाव बना रहे हैं कि भाई बहुत पॉपुलेशन है, वो हम क्या करें कि गवर्नमेंट को ये करना चाहिए ताकि पॉपुलेशन क्या हो जाए? कंट्रोल हो जाए, तो ये क्या है आपका? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। जब प्रेजेंट की बात हो तो मतलब पॉजिटिव, जब फ्यूचर की बात हो तो मतलब नॉर्मेटिव। और एग्जाम्पल समझते हैं। हमने बात करी हमारे देश में बहुत गरीबी है, ये प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हैं कि बहुत गरीबी है, बहुत पॉवर्टी है, इतने परसेंट पॉपुलेशन गरीबी रेखा के नीचे आ रहे हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे आ रहे हैं, ये क्या है? प्रेजेंट के बारे में बात हो रही है, दैट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। लेकिन वही बैठे बैठे बात कर रहे हैं गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट को गरीबी को कंट्रोल करना चाहिए, गवर्नमेंट को कोई स्टेप लेना चाहिए ताकि गरीबी क्या हो जाए? कंट्रोल में आ जाए, तो ये क्या है? नॉर्मेटिव। फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं बेसिकली। पॉजिटिव मतलब जो एक्चुअल में है, जो एक्चुअल में हो रहा है, रियल डिस्क्रिप्शन है कि हाँ गरीबी है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, ये आज के बारे में बात हो रही है, दैट इज पॉजिटिव। जब हम बात करें फ्यूचर के बारे में, गवर्नमेंट को गरीबी कंट्रोल करनी चाहिए, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए, महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए। फ्यूचर, फ्यूचर मतलब नॉर्मेटिव। क्लियर हुआ? ये है फर्क आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव में क्या है? एक रियल डिस्क्रिप्शन है जो एक्चुअल में है,
एक्चुअल वी हैव डाटा कि हाँ भाई पॉपुलेशन इतनी है, वी हैव डाटा हाँ भाई गरीबी इतनी है, इतने परसेंट पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन के अंडर आ रही है, वी हैव डाटा, बट वो क्या कर रहे हैं, ओपिनियन दे रहे हैं, जजमेंट कर रहे हैं, घर बैठे बैठे ख्याली बुलाव बना रहे, सपने देख रहे हैं, हाँ भाई गवर्नमेंट को ना गरीबी कंट्रोल करनी चाहिए, ये कदम लेना चाहिए, वो कदम लेना चाहिए, ये पॉलिसीज बनानी चाहिए, ये योजनाएं बनानी चाहिए, ये घर बैठे बैठे क्या कर रहे हैं, ओपिनियन दे रहे हैं, जजमेंट कर रहे हैं, एक्चुअल में डाटा नहीं है हमारे पास। ये क्या है आपके पास, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। क्लियर है, चले फटाफट से एक बार डिफरेंस पे चलते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। लो जी यहां पे आगे हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और दूसरा क्या है आपका, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। फटाफट से बताओ भाई, पॉजिटिव का मतलब क्या बताया था, आज। आज का मतलब क्या है भाई, प्रेजेंट। क्या मतलब है भाई आज का, प्रेजेंट। हाँ जी जी, नॉर्मेटिव, नॉर्मेटिव का मतलब क्या है, क्या बताया था, फ्यूचर बताया था, क्या बताया था, फ्यूचर बताया था, नॉर्मेटिव मतलब फ्यूचर। हाँ जी जी, तो सबसे पहले हम मीनिंग की तरफ चलते हैं। मीनिंग क्या है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का, इट डील्स विद व्हाट इज, व्हाट इज मतलब क्या चल रहा है देश में, गरीबी है देश में, महंगाई है देश में, बेरोजगारी है देश में, व्हाट इज, आगे, एंड हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली सॉल्व। गवर्नमेंट क्या कर रही है गरीबी को खत्म करने के लिए, गवर्नमेंट क्या कर रही है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, लोगों को नौकरियां देने के लिए, गवर्नमेंट क्या कर रही है महंगाई पे कंट्रोल लाने के लिए, गवर्नमेंट क्या कर रही है पॉपुलेशन पे कंट्रोल लाने के लिए, ये एक्चुअल में यानी आज की बात हो रही कि क्या कर रही है। लेकिन वही हम बात करते हैं, क्या गवर्नमेंट को करना चाहिए गरीबी कंट्रोल हो जाए, क्या गवर्नमेंट को करना चाहिए कि महंगाई कंट्रोल हो जाए, ये क्या है फ्यूचर के बारे में बात होगी। व्हाट शुड द गवर्नमेंट डू टू कंट्रोल पुअर्टी, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, टू कंट्रोल पॉपुलेशन, टू कंट्रोल अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, व्हाट शुड या व्हाट ऑट टू बी, क्या देखते हैं, इट डील्स विथ What ought to be, क्या करना चाहिए, what या फिर how the economic problem should be solved, देश की समस्याओं को कैसे, should be solved, should be, देखो भाई यहाँ पे should be, कैसे देश की समस्याओं को solve करना चाहिए future की बात में, what is मतलब present के बारे में क्या हो रही है यहाँ पे बात हो रही है। Clear है, अच्छे समझ आए, अब आगे देखते हैं, next है इसका purpose। पॉपल देखो, इट एम्स टू मेक रियल डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। रियल डिस्क्रिप्शन का मतलब है ये एक्चुअल में डिस्क्राइब करता है कि हाँ भाई देश में बहुत गरीबी है, देश में बेरोजगारी है, देश में महंगाई है, देश में पॉपुलेशन बढ़ रही है। रियल डिस्क्राइब करता है इकोनॉमी के बारे में कि हाँ ये एक्चुअल में हो रहा है, रियल डिस्क्रिप्शन। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं फटाफट से, इट एम्स टू डिटरमिन द आइडियल्स। आइडियल्स अगर हम कई बार बोलते हैं ना, ये मेरा आइडियल है, मैं इसके जैसे बनना चाहती हूं, बनी नहीं हूं, बनना चाहती हूं, फ्यूचर के बारे में बात हो रहा है। ये क्या है, इट एम्स टू डिटरमिन द आइडियल्स कि देश में ये गरीबी खत्म हो जानी चाहिए, देश को ऐसा बनना चाहिए, देश में पॉपुलेशन कंट्रोल हो जानी चाहिए, देश में महंगाई कंट्रोल होनी चाहिए, ये फ्यूचर के बारे में बात हो रही है, ये आइडियल्स के बारे में। तो ये क्या है बेसिकली, इट डिटरमिन द आइडियल्स। ओके है जी, चले आगे फटाफट से, नेक्स्ट देखो फटाफट से, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन का मतलब ही होता है वेरीफाई किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। अब यहां देखो, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, इट कैन बी वेरीफाइड विथ एक्चुअल डाटा, इट कैन बी वेरीफाइड विथ एक्चुअल डाटा, बिकॉज हमारे पास डाटा है। हमने बात करी हमारे देश में मान लो 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो वी हैव डाटा कि हाँ भाई वी हैव डाटा कि हमारे देश में इतनी पॉपुलेशन है, आज के बारे में बात हो रही है। हमने बात करी हमारे देश में इतने परसेंट पॉपुलेशन गरीबी रेखा के नीचे आ रहे हैं, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे आ रहे हैं, तो वी हैव डाटा, वी कैन वेरीफाई विद द डाटा बिकॉज वी आर हैविंग अ डाटा। तो डाटा से हम वेरीफाई कर सकते हैं बिकॉज हमारे पास क्या है, एक्चुअल में डाटा है। अब यहां पे
गरीबी कंट्रोल करो, इन्फ्लेशन कंट्रोल करो, है ना, पॉपुलेशन कंट्रोल करो, महंगाई कंट्रोल करो, ये हमारे पास डाटा नहीं है। ये घर बैठे बैठे सिर्फ ओपिनियन दे रहे हैं, ख्याली पुलाव बना रहे कि हाँ देश को ऐसा होना चाहिए। वी डोंट हैव एनी एक्चुअल डाटा, तो उसको वेरीफाई कैसे किया जा सकता है? तो यहाँ पे क्या है, इट कैन नॉट बी वेरीफाइड, इट कैन नॉट बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डाटा, बिकॉज हमारे पास डाटा ही नहीं है, है ना। यहाँ पे ये एक्चुअल में आज के बारे में बात हो रही है, फ्यूचर के बारे में क्या हो रही है, बात हो रही है। ओके जी, चले आगे। चलो जी, नेक्स्ट है आपका वैल्यू जजमेंट्स। क्या है इसका अगला, वैल्यू जजमेंट्स। यहाँ पे आप कोई भी जजमेंट नहीं देते क्योंकि एक्चुअल में प्रॉब्लम है, देश में गरीबी है, एक्चुअल में प्रॉब्लम है आज के बारे में। देश में पॉपुलेशन बढ़ रही है, हम जानते हैं एक्चुअल में हो रहा है, रियलिटी है, पॉजिटिव इकोनॉमी है, ये एक्चुअल में हो रहा है। देश में गरीबी है, देश में पॉपुलेशन बढ़ रही है, देश में बेरोजगारी है, देश में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बढ़ रही है, या फिर हम कह सकते हैं महंगाई बढ़ रही है। ये क्या है, एक्चुअल डाटा है। यहाँ पे हम कुछ भी जज नहीं कर रहे, यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हैं, जज कर रहे हैं, जजमेंट दे रहे हैं। देश में ऐसा होना चाहिए, देश में वैसा होना चाहिए, देश में गरीबी कंट्रोल हो, देश में महंगाई कंट्रोल हो, देश में लोगों को काम मिलना चाहिए। ये क्या है, फ्यूचर। यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, जजमेंट दे रहे हैं। इट गिव्स वैल्यू जजमेंट्स। ओके जी, चले आगे। नेक्स्ट आगे है सजेस्टिव। इट इज बेस्ड अपॉन फैक्ट्स एंड डाटा। ये तो हमने बात कर ली, डाटा है हमारे पास, फैक्ट्स है हमारे पास। हमने बात करी हमारे देश में इतनी पॉपुलेशन है, तो वी हैव डाटा कितनी पॉपुलेशन है। हमने बात करी हमारे देश में इतने परसेंट पॉपुलेशन गरीबी रेखा के नीचे आ रही है, तो वी हैव डाटा। हमने बात करी हमारे देश की इतनी परसेंट पॉपुलेशन बेरोजगार है, काम धंधे नहीं है उनके पास, तो वी हैव डाटा। ठीक है, तो ये क्या है, इट इज बेस्ड अपॉन फैक्ट्स या फिर डाटा। क्लियर है, आगे देखते हैं। इट इज बेस्ड अपॉन इंडिविजुअल ओपिनियन। इंडिविजुअल ओपिनियंस का मतलब क्या है, घर यहाँ घर बैठे बैठे ओपिनियन दे रहे हैं, देश में गरीबी कंट्रोल होनी चाहिए, देश में बेरोजगारी कंट्रोल होनी चाहिए, ये ओपिनियंस दे रहे हैं हम घर बैठे बैठे। वी डोंट हैव एनी एक्चुअल डाटा, वी डोंट हैव एनी फैक्ट्स, वी आर जस्ट गिविंग एन ओपिनियन, राय दे रहे हैं हम अपनी। ठीक है, तो ये क्या है, इट इज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल ओपिनियंस। क्लियर है, नेक्स्ट है एग्जाम्पल। ये तो हम बात कर चुके हैं, हर एक चीज को एग्जाम्पल से समझे, अब एग्जाम्पल लिखना क्या मुश्किल है। हमने बात करी हमारे देश में पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमारे देश में महंगाई बढ़ रही है, हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, ये एक्चुअल में हो रहा है, आज के बारे में बात हो रही है, आज प्रेजेंट के बारे में बात हो रही है, तो ये क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। क्लियर है, आगे देखते हैं हम फटाफट से नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। गवर्नमेंट को ये कदम लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए भाई, ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाए, ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई कंट्रोल हो जाए, ताकि देश में गरीबी या फिर बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम क्या हो जाए, कंट्रोल हो जाए। व्हाट steps should be taken by government, should be taken by government to remove या फिर to control the problem of inflation, to control the problem of unemployment, to control the problem of poverty, या to control population in our economy, अपने देश में बात। क्लियर है, ये है आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और ये है आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इन दोनों के बारे में हमने डिफरेंस पढ़ा है, सिर्फ इतना याद रखना है, पॉजिटिव मतलब जो एक्चुअल में हो रहा है, वी हैव डाटा, यहाँ पे हम कुछ जजमेंट नहीं दे रहे, वी हैव फैक्ट्स, हम यहाँ पे कोई ओपिनियन नहीं दे रहे, ये एक्चुअल में हो रही, रियल डिस्क्रिप्शन है ये, रियल डिस्क्रिप्शन, समझ पा रहे हो। और यहां पे हम क्या दे रहे हैं, नॉर्मेटिव में, यहां हम क्या कर रहे हैं, ओपिनियंस दे रहे हैं कैसा होना चाहिए। यहां पे हमारे पास कोई डाटा नहीं है, यहां पे हम सिर्फ जजमेंट्स कर रहे हैं, ये फ्यूचर के बारे में बात हो रही है, घर बैठे बैठे ओपिनियन देना, ये है आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू एग्जाम, मान के चलो 11th क्लास स्टूडेंट्स, आपके पेपर में ये 3 से 4 नंबर का डिफरेंस आ सकता है। ओके जी, चले आगे। चलो जी, तो आगे हम पढ़ते हैं फटाफट से। सर स्क्रीन बंद कर दो। हाँ जी जी, जो आगे हमारा टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क क्वेश्चन कर लीजिए, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन है आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसको हम बोल देते हैं पीपीसी। क्या बोल देते हैं, पीपीसी। इसके बहुत सारे नाम है, कई बार पेपर में इस नाम से आ जाता है, कई बार बहुत सारे अदर नेम्स है उस नाम से भी आ जाता है, एक भी नाम छूटना नहीं चाहिए, सारे नाम आपके दिमाग में होने चाहिए, क्या क्या नाम है पीपीसी के।
ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं है पीपीसी के नाम से आ जाए, कई बार दूसरे नाम से आ जाते हैं। फिर बच्चे कहते हैं मैम ये तो पेपर में क्वेश्चन ही नहीं है, ये तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, सिलेबस से बाहर नहीं है बेटा, बस नाम अलग करके टीचर ने घुमा फिरा के दे दिया और बच्चे हो जाते हैं उसमें कंफ्यूज। तो इसका क्या क्या नेम है फटाफट से पहला देख लेते हैं हम, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, जिसको हम क्या बोल देते हैं पीपीएफ, क्या बोल देते हैं पीपीएफ। आगे देखते हैं, इसका एक और नेम है ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, इसका एक और नेम है ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री, या फिर इसका एक और नेम है ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर। दो नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्टली पेपर में जो टीचर है वो दो नाम डालता है, या तो वो पीपीसी डालता है या पीपीएफ डालता है, बट इसका मतलब ये है कि दूसरे नाम भूल जाओ, भूलना कुछ नहीं है, बट बात ये हो रही है कि दो नाम से ज्यादा आया जाता है क्वेश्चन, एक तो पीपीसी दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, या फिर पीपीएफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ये दो नाम तो बस दिमाग में घुस जाने चाहिए, मतलब कुछ भी नाम से आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि क्या लिखना है इसमें। ठीक है, तो टॉपिक का नाम फटाफट से देख लेते एक बार हम। हाँ जी, हमारा टॉपिक है क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व देख लेते भाई। नाम से पता चल रहा है, ये पूरा नाम ही डिनोट कर रहा है क्या है, प्रोडक्शन करने की क्या क्या पॉसिबिलिटी है। कर्व का मतलब क्या है, किसी भी चीज को डायग्रामेटिकली परफॉर्म करना, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना, यानी डायग्राम बना के शो करना, उसको हम क्या कहते थे, कर्व कहते थे, ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, इसलिए हम उसको क्या बोलते थे, कर्व। जो पीपीसी है ना आपका, उसको हम डायग्राम की फॉर्म में दिखाएंगे, धीरे धीरे समझेंगे क्या डायग्राम है उसका, बट यहां समझो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का मतलब है प्रोडक्शन करने की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, वो होता है आपका पीपीसी दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब फटाफट से देखो एक एग्जांपल से समझो, मान के चलो अगर ये एग्जांपल आ गया ना बच्चा आपको, आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ आ गया इसका, ठीक है। अब देखो ये है मान लो, ये है मान लो मेरे पास एक लैंड, ये है मेरे पास एक लैंड यानी खेत है, मेरे पास एक जमीन है, इस जमीन में मैं क्या उगाती हूं, मान लो मैं उगाती हूं इस जमीन में वीट और राइस। मान लो मेरे पास ये एक जमीन है, ये जमीन है एक एकड़ की जमीन है, मुझे करनी है प्रोडक्शन, मैं प्रोड्यूस कर रही हूं दो फसल, कौन सी दो फसल उगा रही हूं, एक उगा रही हूं वीट और दूसरी क्या उगा रही हूं राइस। अब क्या है ये पीपीसी का कंसेप्ट, बड़े ध्यान से समझो, मान लो इस पूरे खेत में मैं 100 किलो उगा सकती हूँ, या तो मैं वीट उगा सकती हूँ या मैं राइस उगा सकती हूँ। अब मैं देखो क्या करती हूँ, मान लो इस पूरे खेत में मैंने एक जगह उगाई वीट, एक जगह क्या उगाई मैंने वीट, और दूसरी जगह मैंने उगाई राइस, एक जगह क्या मैंने उगाई वीट और दूसरी जगह क्या उगाई मैंने राइस, इस जगह मैंने उगाई वीट और इस जगह मैंने उगाई राइस। इतना क्लियर हो गया, अच्छे से क्लियर हो गया। अब समझो ये एरिया में मैं उगा रही हूं वीट और ये एरिया में उगा रही हूं राइस, इफ अगर मैं अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना चाहती हूं, मैं यहां पे वीट उगा रही थी और यहां पे राइस उगा रही थी, अगर मैं प्रोडक्शन बढ़ाना चाहती हूं, मैं अपना वीट इतना उगाना चाहती हूं तो मुझे राइस की प्रोडक्शन कैपेसिटी जो इतनी थी उसको क्या करनी पड़ेगी, अब इतनी करनी पड़ेगी। देख पा रहे हो क्या मैं बात कर रही हूं, अगर मैं अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ वीट, बेसिकली मैं दो गुड्स की प्रोडक्शन कर रही थी, कौन कौन सी, एक कर रही थी वीट एक क्या कर रही थी राइस, ध्यान समझो, अगर मैं वीट की प्रोडक्शन पहले इतनी कर रही थी और राइस की प्रोडक्शन मैं इतनी कर रही थी, अगर मैं वीट की प्रोडक्शन को यहां से यहां करना चाहती हूं तो मुझे राइस की प्रोडक्शन को यहां से यहां करना पड़ेगा, दोनों की प्रोडक्शन को मैं एक साथ नहीं बढ़ा सकती। क्यों नहीं बढ़ा सकती, क्योंकि जो रिसोर्सेज है मेरे पास वो लिमिटेड है, यहां पे जो रिसोर्सेज है वो है लैंड। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैम रिसोर्सेज क्या होते हैं, कभी तो आप पैसा बना देते हो रिसोर्स, कभी बना देते हो जमीन, रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है बेटा, रिसोर्सेज का मतलब होता है ऐसी चीजें जो प्रोडक्शन में काम आती है, ऐसी चीजें जो प्रोडक्शन में काम आती है, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो जमीन हो, चाहे वो लेबर हो, ये सारे के सारे क्या है, रिसोर्सेज है।
क्लियर है। अब यहाँ पे क्या रिसोर्स है मेरे पास, ये जमीन है, ये मेरे पास इतनी ही जमीन है। अगर मुझे एक की प्रोडक्शन बढ़ानी है तो दूसरे की प्रोडक्शन को कम करने पड़ेगा, दोनों की प्रोडक्शन को मैं एक साथ नहीं बढ़ा सकती। क्यों नहीं बढ़ा सकती? क्योंकि मेरे पास जमीन तो उतनी ही है ना, जमीन का साइज तो नहीं बढ़ रहा ना, यानी मेरे पास रिसोर्सेस क्या है, लिमिटेड है। क्या है? लिमिटेड। क्लियर हो गया? और समझते हैं, धीरे धीरे समझते हैं, बहुत अच्छे से समझेंगे। ये मैं आपको बता दूं, ये एग्जाम्पल समझ आ गया ना, आपके लिए कंसेप्ट समझना बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं फटाफट से। देखो यहां पे, मान लो मेरे पापा ने मुझे दिए 10 लाख रुपए। कितने पैसे दिए मुझे? 10 लाख रुपए। जा बेटा, जी ले अपनी जिंदगी, बना ले अपना करियर, जहां पे तूने जो काम करना है इस पैसे से कर ले। मैंने सोचा कि मैं ना फैक्ट्री खोलूंगी, मैंने सोचा इस 10 लाख रुपए से मैं अपनी 2 फैक्ट्री खोलूंगी। एक फैक्ट्री मैं खोलूंगी कपड़े की और दूसरी फैक्ट्री मैं खोलूंगी शूज की। एक फैक्ट्री मैंने किसकी खोली? कपड़े की। और दूसरी फैक्ट्री मैंने किसकी खोली? शूज की खोली। मैंने क्या किया दोनों में? मैंने पहले सोचा कि मैं दोनों में क्या करूंगी, इक्वल इन्वेस्ट करूंगी। मैंने क्या सोचा कि मैं दोनों में इक्वल इन्वेस्ट करूंगी, यानी मैंने इधर भी 5 लाख रुपए लगाए और इधर भी क्या लगाए, मान लो 5 लाख रुपए लगाए। क्योंकि जेब में कितना पैसा था टोटल? 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए था, 5 लाख इधर लगा दी तो 5 लाख दूसरे पे लगा दिया। ठीक है, अगर मुझे अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी है, मान लो मैं सोच रही हूं कि क्लोथ में मैं ज्यादा पैसा लगाऊं, यानी अगर मैं 5 लाख से 7 लाख रुपए अगर मैं क्लोथ के बिजनेस में, क्लोथ की फैक्ट्री में, कपड़े की फैक्ट्री में ज्यादा इन्वेस्ट कर रही हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट में कपड़े की डिमांड ज्यादा है, लेट्स से मार्केट में कपड़े की डिमांड ज्यादा है, मैंने सोचा कपड़े में ज्यादा इन्वेस्ट करती हूं, तो मैं अगर अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी अगर क्लोथ की बढ़ा रही हूं, इफ आई वॉन्ट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी of one good, then I have to reduce the production capacity of another good. अगर मेरे को यहां से बढ़ानी है तो दूसरे का क्या करना पड़ेगा? सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेस क्या है मेरे पास? लिमिटेड। पैसा क्या है मेरे पास? सिर्फ और सिर्फ 10 लाख रुपए। दोबारा से समझो, क्या मैं बात कर रही हूँ, मेरे पापा ने मुझे दिए 10 लाख रुपए, उसने बोला जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी, मैंने सोचा मैं 2 फैक्ट्री लगाऊंगी, एक लगाऊंगी कपड़े की, एक लगाऊंगी जूते की। पहले केस में मैंने सोचा कि यार मैं दोनों में इक्वल इन्वेस्ट करती हूँ, फिर मैंने देखा कि मार्केट को स्टडी किया, फिर मैंने देखा कि जो है कपड़े का बिजनेस थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, वहाँ मुझे ज़्यादा मुनाफा होगा एज कम्पेयर टू शूज, तो मैंने क्या किया, मैंने क्या किया इसकी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए यहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी, 5 की जगह 7 लाख रुपए यहाँ लगा दिया, यानी मैं प्रोडक्शन किसकी अब ज़्यादा कर रही हूँ, कपड़े की ज्यादा कर रही हूं। सो इसका मतलब क्या हुआ, अ प्रोड्यूसर इज इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ वन गुड। एक गुड की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए द प्रोड्यूसर हैज टू सेक्रीफाइस द प्रोडक्शन ऑफ अनदर गुड। अगर यहां 5 से 7 करना है तो यहां 5 से 3 करना पड़ेगा, क्योंकि जेब में कितने पैसे हैं? 10 लाख रुपए ही है। रिसोर्सिस क्या है? लिमिटेड है। क्लियर है? ये है आपका पीपीसी, ये कंसेप्ट है आपका पीपीसी। पीपीसी कहता है इफ अ प्रोड्यूसर वांट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ वन गुड, इफ अ प्रोड्यूसर वांट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ वन गुड देन ही हैज टू सेक्रीफाइस द प्रोडक्शन ऑफ अनदर गुड, ही कांट बी एबल टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ बोथ द गुड्स एट अ सेम टाइम बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। पैसा तो देश में, देखो जेब में 10 लाख रुपए ही है, ठीक है, अगर एक में ज्यादा करना है तो दूसरे में क्या करना पड़ेगा? सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। सिंपल है, चलें आगे। ये है आपका पीपीसी, एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करिए। धीरे धीरे अब धीरे धीरे एक्सप्लेनेशन पे आते हैं, मीनिंग पे आते हैं, टेबल पे आते हैं, डायग्राम पे आते हैं, प्रॉपर्टीज पे आते हैं, एमओसी का कंसेप्ट समझते हैं, फिर जाके आपका पीपीसी पूरा होगा, खत्म। लंबा टॉपिक है लेकिन पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब हम पीपीसी की बात कर रहे हैं, डेफिनेशन को समझने से पहले, ये जो डेफिनेशन है ना, इस डेफिनेशन को समझने से पहले एक एक बार टेबल समझो, ये टेबल क्या है। अच्छा, मैं एक बार सिर्फ टेबल समझनी है, टेबल बनानी कैसी है वो भी समझाऊंगी मैं, टेंशन नहीं लेनी। बच्चे कहते हैं मैम समझ आ जाती बट पेपर में लिखनी नहीं आती, टेबल बनती नहीं हमसे। बनानी कैसे? सबसे ईजी तरीके से बनवाऊंगी कि ऐसा होगा कि भाई आप क्या होगे, कभी नहीं बोलोगे जिंदगी में कैसे टेबल बनानी, ठीक है। एक बार सिर्फ समझो, धीरे धीरे आप देखोगे आपको मैं टेबल बनाना भी साथ के साथ सिखा दूंगी, एमओसी की कंसेप्ट आती है आप टेबल बनाना भी सीख जाओगे, ठीक है। अब देखो, अभी तक हमने क्या बात करी, अगर मैं ये एग्जांपल लूं, मेरे पास क्या है भाई,
खेत है, मेरे पास क्या है भाई, खेत है। इस खेत में मैंने सोचा मैं क्या बनाऊंगी, दो गुड्स की प्रोडक्शन करूंगी। कौन से दो गुड्स थे भाई, एक जगह मैंने सोचा मैं वीट उगाऊंगी और दूसरे साइड मैंने सोचा कि मैं क्या उगाऊंगी, राइस उगाऊंगी। अगर मैं मान लो इस खेत में मैं पूरी कैपेसिटी थी, इस पूरे खेत में सिर्फ मैं 100 किलो उगा सकती हूँ, इस खेत में क्या उगा सकती हूँ, 100 किलो उगा सकती हूँ। अगर मैंने सारा का सारा वीट उगा दिया तो मतलब मैंने राइस का उगाया 0, क्योंकि कैपेसिटी क्या थी खेत में 100। इसका मतलब यह है कि मैंने पूरे खेत में क्या उगा दिया, वीट उगा दिया, राइस कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, जैसे जैसे मैं राइस की प्रोडक्शन को बढ़ाऊंगी, अगर मैं यहां पे बात करूं, देखो एक बार ध्यान से, ठीक है नॉर्मली कर देते हैं, दोबारा बना देते हैं, एक तो ना सबसे दिक्कत का काम है। चलो जी लिखो, दोबारा से देख लेते हैं, ये जमीन है, ठीक है। नॉर्मली मैं इस खेत में, पूरे खेत में मान लो थी वीट उगा रही थी, अगर मैं राइस की प्रोडक्शन उगाती हूँ, मान लो मैं अब इतने एरिया में उगा रही हूँ राइस, इतने एरिया में क्या उगा रही हूँ, वीट, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे राइस की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए वीट के एरिया को क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस। अगर मुझे राइस की और प्रोडक्शन करनी है तो वीट को क्या करना पड़ेगा, और सेक्रीफाइस। अगर राइस की और प्रोडक्शन करनी है तो वीट को क्या करना पड़ेगा, और सेक्रीफाइस। दोनों की प्रोडक्शन को एक साथ नहीं बढ़ाया जा सकता। क्यों नहीं बढ़ाया जा सकता, बिकॉज रिसोर्सेज यानी जो जमीन है वो क्या है, मेरे पास लिमिटेड। जमीन का साइज नहीं बढ़ रहा, एकड़ नहीं बढ़ रहा उसका, ये है आपका पीपीसी। अगर आप देखोगे जैसे जैसे मैं एक की प्रोडक्शन बढ़ा रही हूं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, वैसे वैसे मुझे क्या करना पड़ रहा है, दूसरे गुड़ की प्रोडक्शन में क्या करना पड़ रहा है, सेक्रीफाइस लाना पड़ रहा है। दोनों की प्रोडक्शन को मैं एक साथ नहीं बढ़ा पा रही। क्यों नहीं बढ़ा पा रही, क्योंकि रिसोर्सेज क्या है मेरे पास, लिमिटेड। क्लियर है, समझ तो आ गया। अब लिखना कैसे, लिखोगे कैसे, तो बड़े ध्यान से समझो। इफ, बड़े ध्यान से समझो, इफ अ प्रोड्यूसर वॉन्ट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ वन गुड, इफ अ प्रोड्यूसर वॉन्ट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ वन गुड, देन ही हैज टू सेक्रीफाइस द प्रोडक्शन ऑफ अनदर गुड। क्यों करना पड़ेगा सेक्रीफाइस, ही कांट बी एबल टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ बोथ द गुड एट द सेम टाइम, बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। क्या है रिसोर्सेज, क्या है मेरे पास, कम है, जमीन उतनी ही है, जमीन का साइज नहीं बढ़ा। अगर राइस उगानी है तो वीट को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, राइस और उगाना है तो वीट को और सेक्रीफाइस करना, राइस और उगाना है तो वीट को और सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ठीक है, ये है। चलो अब आ जाओ डेफिनेशन पे, टेबल समझ आ गई, अच्छे से समझ आ गई। अभी दोबारा आएंगे टेबल पे, टेबल ऐसे खत्म नहीं हुई। एक बार समझो पीपीसी की डेफिनेशन क्या होती है भाई। पीपीसी शोज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल क्यों बोला, क्योंकि बेसिकली हम इसका ग्राफ बनाएंगे। अभी बनाया नहीं है हमने, समझा नहीं है, बट हम हर एक चीज को ग्राफ में बनाएंगे। अगर आप देखोगे इसका हम एक डायग्राम बनाएंगे, वो कैसे बनेगा डायग्राम हम समझेंगे। ठीक है, पीपीसी शोज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन। डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, अगर आप देख रहे हो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, ए कॉम्बिनेशन, बी कॉम्बिनेशन, सी कॉम्बिनेशन, डी कॉम्बिनेशन एंड ई। ए कॉम्बिनेशन में क्या है कि मैं सारा का सारा वीट उगा रही हूं और राइस कुछ भी नहीं उगा रही। दूसरे कॉम्बिनेशन में क्या है, जैसे मैंने राइस की प्रोडक्शन को बढ़ाया तो मैंने वीट की प्रोडक्शन में क्या किया, सेक्रीफाइस किया। सी कॉम्बिनेशन के, और राइस की प्रोडक्शन बढ़ने पे और क्या हुआ, वीट की प्रोडक्शन को सेक्रीफाइस। और राइस की बढ़ने पे और वीट की प्रोडक्शन सेक्रीफाइस, और राइस की प्रोडक्शन बढ़ने पे और वीट की प्रोडक्शन पे सेक्रीफाइस। ये क्या है मेरे पास, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस है। सो इट शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन, डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, ऑफ टू गुड्स। दो कौन से गुड्स लिए हमने, हर बार दो गुड्स लिए, कौन से लिए भाई, वीट और राइस। दो गुड्स के बारे में हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, दैट अ प्रोड्यूसर वॉन्ट्स टू प्रोड्यूस विद द गिवन अजम्पशन। जो एक प्रोड्यूसर बनाना चाहता है, अब एक प्रोड्यूसर के पास इच्छा थी, ये खेत था, उसको जो उगाना है वो उसकी इच्छा है। वीट उगानी है, राइस उगानी है, शुगर केन उगानी है, मेज उगानी है, क्या उगाना है वो उसकी मर्जी है। जो एक प्रोड्यूसर उगाना चाहता है या फिर एक प्रोड्यूसर बनाना चाहता है, प्रोड्यूस करना चाहता है, लेकिन उसके लिए क्या है, दो अजम्पशंस है। बड़े ध्यान समझना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो दो अजम्पशंस क्या है, दो अजम्पशंस क्या है। पहली अजम्पशन है फुली एंड एफिशिएंटली यूज ऑफ रिसोर्सेज। फुली एंड एफिशिएंटली यूज ऑफ रिसोर्सेज का मतलब देखो ये क्या है, फुली एंड एफिशिएंटली यूज ऑफ रिसोर्सेज, इंपॉर्टेंट। तीन नंबर का क्वेश्चन खाली इस पे आ जाता है, व्हाट इज फुली एंड एफिशिएंटली यूज ऑफ रिसोर्सेज, बड़े ध्यान से समझेंगे क्या होता है ये फुली एंड एफिशिएंटली यूज ऑफ रिसोर्सेज। क्लियर है, आगे देखते हैं हम। टेक्नोलॉजी रिमेन कॉन्स्टेंट, दूसरी इसकी अजम्पशन क्या है, टेक्नोलॉजी रिमेन कॉन्स्टेंट।
समझो इसका मतलब क्या है। अगर मैं यहां पे समझाने की कोशिश करूं, पहला हम एक अजम्पशन ले लेते। पहली अजम्पशन क्या थी भाई? फुली एंड एफिशिएंटली यूज ऑफ रिसोर्सेस, फुली एंड एफिशिएंटली यूज ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है जी, समझते हैं। अब आप मुझे बताओ फुली का मतलब क्या होता है? फुली, फुली का मतलब होता है कंप्लीटली, अच्छे से, कंप्लीटली। फुली का मतलब क्या होता है? कंप्लीटली। ठीक है जी। एफिशिएंटली का मतलब क्या होता है? एफिशिएंटली का मतलब होता है अच्छे से, है ना, अच्छे से। रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? जो प्रोडक्शन में काम आते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूज ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है अपने रिसोर्सेज को जो भी प्रोडक्शन में काम आ रहा है, चाहे वो जमीन हो, पैसा हो, लेबर हो, अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करो। अच्छे से यूज करने का मतलब है वेस्टेज मत करो, खराब मत करो रिसोर्सेज को। क्यों? ताकि आपका एक्चुअल लेवल ऑफ प्रोडक्शन, एक्चुअल लेवल ऑफ प्रोडक्शन इक्वल आ सके पोटेंशियल लेवल ऑफ प्रोडक्शन, पोटेंशियल लेवल ऑफ प्रोडक्शन। समझते हैं क्या होता है? एक्चुअल लेवल ऑफ प्रोडक्शन क्या है, ये पोटेंशियल लेवल ऑफ प्रोडक्शन क्या है। बड़े ध्यान से समझेंगे, टेंशन नहीं लेने का भी कि क्या पढ़ा रहे हैं मैम, एक्चुअल लेवल क्या है, पोटेंशियल लेवल क्या है। समझते हैं। मान लो यहां पर स्पेस दिख रहा है मुझे, अगर मैं एक बार थोड़ा सा एरिया इरेज कर देती हूँ या फिर स्क्रीन ही दूसरी ले लेते हैं। रुको, मान लो ये है मेरा खेत, ये है मेरा खेत, ठीक है, ये है मेरा खेत। हमने क्या बात करी? एक्चुअल लेवल ऑफ प्रोडक्शन जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए? पोटेंशियल। एक्चुअल में मतलब क्या है? एक्चुअल में कितना प्रोड्यूस हो रहा है, रियलिटी में कितना प्रोडक्शन हो रही है। पोटेंशियल का मतलब क्या है? कि कितना पोटेंशियल है, इस खेत में मैं कितनी प्रोडक्शन कर सकती हूँ। मान लो इसका पोटेंशियल है 100 kg, मैं इसमें उगा सकती हूँ। ये क्या है? इसका पोटेंशियल है। अब मैं उगा कितना रही हूँ, प्रोड्यूस कितना कर रही हूँ, वो है एक्चुअल। मान लो पीपीसी के अकॉर्डिंग क्या होता है भाई, मैं कितने गुड्स की प्रोडक्शन कर रही हूँ? 2 गुड्स की प्रोडक्शन कर रही हूँ। एक क्या कर रही हूँ? वीट कर रही हूँ, और एक क्या कर रही हूँ? राइस कर रही हूँ। इतने एरिया में मैं 50 kg मैंने सोचा था कि मैं क्या करूंगी, वीट की प्रोडक्शन करूंगी, और 50 kg मैंने क्या सोचा था, मैं क्या करूंगी, राइस की प्रोडक्शन करूंगी। यानी मैं 100 किलो उगा सकती हूँ, लेकिन मैंने क्या करा, इतना एरिया वेस्ट कर दिया। इतने एरिया में मैंने प्रोडक्शन ही नहीं करी, इतने एरिया में मैंने प्रोडक्शन ही नहीं करी, मैंने सिर्फ इतने एरिया में प्रोडक्शन करी, इतने एरिया में प्रोडक्शन करी। तो यहाँ वाले एरिया में मैंने सिर्फ 40 किलो उगाया, और यहाँ वाले एरिया में मैंने कितना उगा लिया, 50 किलो। यानी मैंने टोटल कितनी प्रोडक्शन करी, 90 किलो, 90 kg मैंने प्रोड्यूस किया। ये एक्चुअल में प्रोड्यूस हुआ, एक्चुअल प्रोडक्शन है। लेकिन पोटेंशियल कितना था, उगा कितना सकती थी इस खेत में, 100 किलो। कितना उगा सकती थी? 100 किलो। क्या यहां मैंने अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूज किया? क्या यहां मैंने अपनी जमीन को अच्छे से यूज किया? नहीं किया, क्योंकि यहां पे मैंने वेस्टेज कर दी अपनी जमीन की। इतना एरिया खाली छोड़ के मैंने क्या कर दी, वेस्टेज कर दी। मैं यहां पे 100 किलो उगा सकती थी, लेकिन मैंने यहां पे सिर्फ 90 किलो उगाया, क्योंकि मैंने रिसोर्सेज को फुल्ली और एफिशिएंट तरीके से, अच्छे से, कंप्लीटली यूज नहीं किया, या मैंने वेस्टेज कर दी रिसोर्सेज की। इस चक्कर में मेरा पोटेंशियल तो ज्यादा है, लेकिन एक्चुअल में जो मैं प्रोड्यूस कर रही हूं वो क्या है, कम। क्या है? कम। समझ आया? दिस इज योर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूज ऑफ रिसोर्सेज। अगर यही एरिया में पूरा का पूरा 50 किलो उगा लूं, और यही मैं एरिया में 50 किलो उगा लूं, अगर मेरा पोटेंशियल भी था 100 और मैंने उगा भी 100 दे दिया, तो उस सिचुएशन में मैं कह सकती हूं कि मैंने क्या किया, फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूज किया रिसोर्सेज का, अपने रिसोर्सेज, अपने जमीन का अच्छे से यूज किया, मैंने कोई वेस्टेज नहीं करी। इसी चक्कर में मेरी जो एक्चुअल में प्रोड्यूस किया ना, मैंने जो एक्चुअल में प्रोडक्शन है, वो मेरी किससे रिलेटेड होगी, पोटेंशियल होगी। मेरा पोटेंशियल से क्या हो गया, वो इक्वल आ गया। ओके जी, समझ आया? दिस इज योर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूज ऑफ रिसोर्सेज। अच्छे से समझ आया? फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूज ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या है? यूज द रिसोर्सेज इन सच अ मैनर विदाउट एनी वेस्टेज, सो दैट अ प्रोड्यूसर कैन गेट एक्चुअल लेवल ऑफ प्रोडक्शन इक्वल टू पोटेंशियल लेवल ऑफ प्रोडक्शन, ताकि ये दोनों क्या हो जाए, सो दैट द एक्चुअल लेवल ऑफ प्रोडक्शन कैन बी इक्वल टू योर पोटेंशियल लेवल ऑफ प्रोडक्शन।
समझ गए अच्छे से? यहाँ तक कोई इश्यू नहीं होगा आई गेस, अच्छे से क्लियर होगा। फुल्ली एंड एफिशिएंटली मतलब अच्छे से यूज़ करना रिसोर्सेज को बिना किसी वेस्टेज की, ये पीपीसी की पहली अजम्पशन है। पीपीसी कहता है कि जो भी आपके पास रिसोर्स है, जो भी आपके पास ज़मीन है या जो भी आप बना रहे हो उसको अच्छे से यूज़ करो, ये नहीं कि वेस्टेज हो जाए। क्लियर है? तो पहली प्रॉपर्टी तो हो गई अच्छे से समझ, आगे अच्छे से समझ। अब समझ आ गया होगा एक्चुअल लेवल ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है, जो एक्चुअल में प्रोड्यूस हो रहा है। पोटेंशियल का मतलब क्या है, जो आप में पोटेंशियल है। उस खेत में पोटेंशियल था 100 kg, अगर आप एक्चुअल में उतना बना ले तो मतलब क्या है, आप फुल्ली एंड एफिशिएंटली तरीके से अपने रिसोर्स को क्या कर रहे हो, जमीन को क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो। आगे देखते हैं भाई, फटाफट से पीछे चलते हैं। अब हम पहली प्रॉपर्टी होगी फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूज ऑफ रिसोर्सेज, पहली अजम्पशन क्लियर होगी, पहली अजम्पशन क्लियर होगी फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूज ऑफ रिसोर्सेज। दूसरी अजम्पशन क्या है, टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट। टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट का मतलब यहां समझो, लो जी टेक्नोलॉजी या सी टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट, टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट इसका मतलब समझो। हाँ जी जी, फिर से एग्जांपल ले लेते, क्या खेत क्या था हमारे पास, खेत था। इस खेत में मैं क्या बना रही थी, एक जगह मैं वीट ग्रो कर रही थी और एक जगह मैं क्या ग्रो कर रही थी, राइस ग्रो कर रही थी। एक जगह मैं क्या उगा रही थी, वीट उगा रही थी और एक जगह मैं क्या उगा रही थी, राइस उगा रही थी। ठीक है, ये दो गुड्स की। मान लो वीट को ग्रो करने के लिए, वीट को ग्रो करने के लिए मैंने बैलगाड़ी का यूज किया, मैंने किसका यूज किया, बैलगाड़ी का यूज किया वीट को ग्रो करने के लिए। ठीक है, लेकिन राइस को उगाने के लिए मैंने मशीनों का यूज किया, मैंने ट्रैक्टर का यूज किया। मान लो मैंने किसका यूज किया, ट्रैक्टर का यूज किया, किसका यूज किया, ट्रैक्टर का यूज किया। क्या यहां पे मेरी टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, क्या आप यहां पे मैं एक टेक्नोलॉजी यूज कर रही हूं, नहीं यूज कर रही हूं। तो यही पीपीसी की अजम्पशन है कि जो टेक्नोलॉजी आप यूज करो दोनों गुड्स के केस में वो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर आप यहां पे बैलगाड़ी यूज कर रहे हो तो यहां पे भी बैलगाड़ी यूज करो, अगर यहां पे ट्रैक्टर यूज कर रहे हो तो यहां पे भी ट्रैक्टर यूज करो। ये है आपका पीपीसी, ये है आपकी पीपीसी की अजम्पशन। पहली अजम्पशन क्या थी, फुली एंड एफिशिएंटली यूज ऑफ रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करो बिना किसी वेस्टेज के। दूसरी क्या अजम्पशन थी कि टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट। टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट का मतलब है कि एक टेक्नोलॉजी यूज करो दोनों गुड्स की प्रोडक्शन में, ये नहीं एक गुड्स को बनाने के लिए वो लेबर लगा ली और दूसरी गुड्स को बनाने के लिए आपने मशीनें लगा ली, ऐसा नहीं। अगर दोनों में या तो लेबर लगाओ या दोनों में मशीनें लगाओ, यानी जो टेक्नोलॉजी है वो आपकी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। क्लियर है? चलो जी अब आगे देखते हैं फटाफट से। ये तो हो गया आपका पीपीसी। अब मुझे नहीं लगता आपको पीपीसी में कोई भी दिक्कत आएगी, पीपीसी आपको पता चल गया क्या होता है। ग्राफ अभी बना के दिखाती हूँ, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ये आपको पता चल गया, दो एग्जम्पशन के बारे में आपको पता चल गया, दो गुड्स होते हैं इसके अंदर ये आपको पता चल गया, ये हमने मीनिंग अच्छे से समझ लिया। अब हम जो समझते हैं वो हम समझते हैं बेसिकली इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं। ठीक है जी, फटाफट से देखो इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं पीपीसी का। तो यहाँ पे आ जाओ फटाफट से सारे के सारे। लो जी, हमें पता है ग्राफ में ऊपर क्या होता है आपका वाई एक्सिस, ये क्या होता है आपका ओरिजन, और यहां पे क्या होता है आपका एक्स एक्सिस, क्या होता है यहां पे एक्स एक्सिस। ठीक है, अब ध्यान से समझो। अब यहां पे आप देखो किसकी प्रोडक्शन में गेन हो रहा है, वो हो रहा है राइस। एक चीज याद रखना, हमेशा याद रखना, जिस भी प्रोडक्शन में गेन होता है वो हमेशा नीचे आता है। तो यहां पर लिखना, यहां पर जो भी प्रोडक्शन में गेन आता है ना वो नीचे आता है। ठीक है, जो भी प्रोडक्शन को आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, क्योंकि हमने यही बात करी ना, एक की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए आपने क्या किया, दूसरी की प्रोडक्शन में क्या किया, सेक्रीफाइस किया। किसकी प्रोडक्शन कम हुई, वीट की प्रोडक्शन कम हुई, तो वो हमेशा वाई एक्सिस पे आता है। तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका, वीट आ जाएगा। क्लियर है? इतना याद रख लेना, कभी डायग्राम गलत नहीं होगा आपका। यहाँ राइस क्यों आएगा, क्योंकि गेन हो रहा है। यहाँ पे लॉस क्यों आएगा, लॉस वाला वाई एक्सिस पे क्यों आएगा, वीट क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्लियर है? तो फटाफट से एक बार डायग्राम देख लो, यहाँ आ गया आप जीरो, यहां पे हम, ठीक है, ये है आपका 10, 20, 30, 40। ठीक है, ये मैंने बना दिया। आगे देखते हैं इसका, हम 20, 20 का डिफरेंस रख लेते हैं एक बार, 20, 40, 60, 80। नोटबुक में बनाओगे तो गलती बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि वो जो स्पेस है ना वो इक्वल होता है, जो साइज होता है वो बिल्कुल इक्वल होता है। ठीक है, तो बड़े ध्यान से समझ लो एक बार। अब देखो जीरो राइस पे कितना उगा रहे हो वीट, 100 kg। जीरो राइस पे, यहाँ पे एक बार मैं 100 भी ले लेती हूँ, यहाँ पे 100 नहीं लिया, यहाँ आ गया आपका 100। जीरो राइस पे कितना उगाया जा रहा है, 100, यहाँ पे आ गया पॉइंट। क्लियर है इतना?
आगे देखो, जब राइस की प्रोडक्शन को बढ़ाया तो वीट की प्रोडक्शन में क्या किया हमने, सेक्रीफाइस किया। हमें पता है दोनों की प्रोडक्शन में एक साथ नहीं बढ़ा सकती, क्यों नहीं बढ़ा सकती, क्योंकि रिसोर्सेज क्या मेरे पास लिमिटेड है। अब मैंने जब राइस की प्रोडक्शन कितनी कर दी, 10 कर दी, तो वीट की प्रोडक्शन कितनी होगी मेरी, 90 होगी। यहाँ आ गया मेरा 90, क्या आ गया यहाँ पे मेरा 90, तो मेरे को ये पॉइंट मिल गया, मिल गया वाला पॉइंट। आगे देखो, मैंने राइस की प्रोडक्शन और बढ़ा दी, मैंने राइस की प्रोडक्शन और बढ़ा दी, तो मुझे वीट की प्रोडक्शन में और सेक्रीफाइस करना पड़ा, तो मेरी राइस की प्रोडक्शन अब कितनी है, 20, तो वीट की प्रोडक्शन कितनी है मेरी, 70। राइस की प्रोडक्शन है मेरी 20, वीट की प्रोडक्शन है 70, 60, 70, यहां पे आ जाएगा कुछ। लो जी, ये भी मिल गया पॉइंट हमें, मिल गया जी, कोई इश्यू तो नहीं यहाँ तक। चले आगे, अब देखो, अब मैंने राइस की प्रोडक्शन को और बढ़ा दिया, राइस की प्रोडक्शन को और बढ़ाने से क्या हुआ, मुझे वीट की प्रोडक्शन में और सेक्रीफाइस करना पड़ा। अब राइस की प्रोडक्शन मैं कितनी कर रही हूँ, 30 कर रही हूँ, और वीट की प्रोडक्शन कितनी कर रही हूँ मैं, 40 कर रही हूँ। ये रहा मेरे पास 40 और ये रहा मेरे पास 30, 30, मुझे यहाँ मिल गया, ये मेरे को मिल गया पॉइंट। अब राइस की प्रोडक्शन और बढ़ा दी, तो वीट की प्रोडक्शन को क्या कर दिया, और सेक्रीफाइस कर दिया। यानी अब मैं राइस कितना उगा रही हूँ, 40, और वीट कितना उगा रही हूँ, 0, कुछ भी नहीं उगा रही मैं वीट अब। तो यहाँ पे क्या है, मेरे पास राइस है 40, वीट है 0, तो ये यहाँ पे मिल गया हमें पॉइंट, मिल गया, देख पा रहे हो आप, ये देखो मिल गया, ठीक है। अब मैं क्या कर दूंगी, इसको ज्वाइन कर दूंगी, अब मैं क्या कर दूंगी, इसको ज्वाइन कर दूंगी, ये देखो भाई, धीरे धीरे ज्वाइन करते हैं हम, ठीक है। अब मैं इसको क्या कर दूंगी, ज्वाइन कर दूंगी, तो आप देखोगे ये थोड़ा स्मूथ करना जो है। लो जी, ठीक है, अब आप देख रहे होगे मेरी पीपीसी की जो कर्व है, मेरी पीपीसी की जो कर्व है, वो मेरी जो कर्व है वो क्या बन रही है, कनकेव शेप बन रही है। क्या बन रही है मेरी कर्व, कनकेव शेप्ड कर्व बन रही है। आपकी जो बुक, अगर आप नोटबुक भी बनाओगे तो आप बड़ी स्मूथ बन जाएगी ऐसे, ठीक है, बड़ी स्मूथ बन जाएगी आपकी नोटबुक पे ऐसे। तो आपकी पीपीसी की कर्व क्या बन रही है, कनकेव शेप बन रही है। क्यों बन रही है कनकेव शेप, वो भी हम आगे समझेंगे। एमओसी का कंसेप्ट अभी पढ़ा है, एमओसी की कंसेप्ट में ही आप टेबल समझ लोगे कि टेबल कैसे बनानी है, और एमओसी की कंसेप्ट में ही आप समझ लोगे कि आपकी पीपीसी कनकेव शेप की क्यों बन के आई। आप देख रहे हो पीपीसी आपकी क्या शेप बन के आई है, कनकेव शेप बन के आई है, क्लियर है इतना। चल गए, अभी तक हमने क्या बात करी, पीपीसी की डेफिनेशन पढ़ ली, पीपीसी की दो एजम्पशंस पढ़ ली, दो एजम्पशंस क्या है, फुली एंड एफिशिएंटली यूज ऑफ रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट। उसके बाद हमने क्या बात करी, टेबल के बारे में बात करी, टेबल क्या कहती है, इफ अ प्रोड्यूसर वांट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ वन गुड देन ही हैज टू सेक्रीफाइस द प्रोडक्शन ऑफ अनदर गुड, ही कांट बी एबल टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ बोथ द गुड्स एट अ सेम टाइम बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। जमीन मेरे पास उतनी है, जमीन का साइज नहीं बढ़ रहा, अगर एक ही प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो दूसरे की प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा, दोनों की प्रोडक्शन को एक साथ नहीं बढ़ा सकती क्योंकि रिसोर्स की कमी है, ठीक है जी। चलो जी, अब इसके साथ साथ हमने डायग्राम भी पढ़ लिया, डायग्राम मतलब ग्राफ पढ़ लिया, जो क्या निकल के आया, कनकेव शेप। तो ये हमने पढ़ लिया ना कि ये क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफ की फॉर्म में इसको हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या है आपकी पीपीसी कर्व, ये क्या है आपकी पीपीसी कर्व ग्राफ की फॉर्म में, और वो क्या शेप निकल के आई है आपकी, कनकेव शेप निकल के आई है, क्लियर है। चलो जी आगे देखते हैं, फटाफट से देखते हैं हम, हाँ अब आगे जो हम बात करेंगे ना वो प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, लेकिन ध्यान से समझो, इस प्रॉपर्टी को समझने से पहले आपको बहुत सारी अदर चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। वो क्या है, जैसे एमओसी क्या होता है, फिर हम चलेंगे प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ये कहती है डाउनवर्ड स्लोपिंग है, प्रॉपर्टी कहती है कनकेव शेप्ड है, प्रॉपर्टी ये कहती है कि शिफ्टिंग होती है पीपीसी में। बट इन सबको समझने से पहले आप थोड़े से और अपने टॉपिक को हम क्लियर करेंगे, फिर हम लास्ट में आएंगे इसकी प्रॉपर्टीज को, क्योंकि जब टॉपिक ही आ गए तो फिर प्रॉपर्टीज लिखना क्या मुश्किल है, फिर तो हमें पता ही है ये होता है, तो हम लिख देंगे प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। तो अब हम पहले हम चलते हैं अगले पेज पे, फिर हम वापस आएंगे इसकी प्रॉपर्टीज पे। जो अगला टॉपिक है वो है हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कोर्स, क्या टॉपिक है आपका, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कोर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। खाली ये क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कोर्स, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम, खाली इस पे क्वेश्चन आ जाता है, कुछ भी छोड़ने का नहीं है, अच्छे से समझने का है। अच्छा जी, अब ध्यान समझो, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कोर्स का एक और नेम होता है जिसको हम कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, क्या होता है इसका नेम, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हम MRT भी बोलते थे, जिसको हम क्या बोलते थे, MRT। एक चीज ध्यान से सुनो, पेपर में ना बहुत बार ऐसा हुआ है कि टीचर ना MOC की जगह, यानी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कोर्स की जगह ना MRT डाल देती है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो पढ़ा ही नहीं हमने, तो MOC पढ़ा, MRT तो हमने पढ़ा ही नहीं। कंफ्यूज नहीं होना बेटा, आपको दोनों नाम याद होना जरूरी है, आप ये नहीं कर सकते कि एक नाम याद करके दूसरा नाम छोड़ गए, दोनों पता होना चाहिए कि इसका एक और नेम है,
ठीक है, क्योंकि अगर पेपर में दूसरे नाम से आ गया तो आप लिख सकोगे, क्योंकि कंसेप्ट एक ही है, बस नाम चेंज करके आ गया। ठीक है, चलो अब आगे समझते हैं। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता क्या है? इट शोज द रेशियो, क्या है ये रेशियो, किसके बीच का रेशियो, बिटवीन लॉस ऑफ आउटपुट एंड गेन ऑफ आउटपुट। हमें ये पता है ना, एक चीज में गेन होता है, दूसरी चीज में क्या होता है, लॉस। अगर एक की प्रोडक्शन में गेन हो रहा है तो दूसरी की प्रोडक्शन में हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है, दोनों की प्रोडक्शन हम एक साथ नहीं बढ़ा सकते, ये हमें पता है। तो लॉस ऑफ आउटपुट किसमें हो रहा था ये मुझे बताओ, किसकी प्रोडक्शन, आउटपुट का मतलब है प्रोडक्शन, किसकी प्रोडक्शन में लॉस हो रहा था हमें, वीट की प्रोडक्शन में लॉस हो रहा था, राइट। राइस की प्रोडक्शन में तो गेन हो रहा है, वीट की प्रोडक्शन में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और गेन क्या हो रहा है, किसमें हो रहा है हमें, राइस में हो रहा है, किसमें हो रहा है, राइस में। अब ये क्या है, एमओसी क्या है, रेशियो है। रेशियो का मतलब भी क्या होता है, अगर आपको पता है रेशियो का मतलब आ जाएगा डिवाइड, है ना। रेशियो का मतलब क्या है, इसको डिवाइड बाय में ये कर दिया, रेशियो के फॉर्म में निकालेंगे। किसका रेशियो है, लॉस ऑफ आउटपुट, लॉस ऑफ आउटपुट को हम चेंज इन वाई लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम, चेंज इन वाई। एंड गेन ऑफ आउटपुट, गेन ऑफ आउटपुट को हम क्या लिखते हैं, चेंज इन एक्स। अगर आपको याद हो मैंने ये बोला था ना, गेन को हमेशा एक्स एक्सिस पे लिखते हैं। एक्स एक्सिस पे क्यों लिखते हैं, क्योंकि एक्स को हम गेन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। गेन क्या है आपका, राइस में गेन हो रहा है, ठीक है। लॉस, लॉस क्या है, चेंज इन वाई। लॉस किस में हो रहा है आपको, वीट में हो रहा है, तो ये ऊपर है, ठीक है, याद रख लेना। लॉस का मतलब, लॉस को हम चेंज इन वाई से लिखते हैं और गेन को हम चेंज इन एक्स से लिखते हैं, ठीक है जी। तभी डायग्राम में गेन वाली चीज नीचे आती है और लॉस वाली चीज ऊपर जाती है। चलो अब है, इट शोज द रेशियो बिटवीन लॉस ऑफ आउटपुट एंड गेन ऑफ आउटपुट। फॉर्मूला क्या निकल गया, चेंज इन वाई बाय में चेंज इन एक्स। इसके बेसिस पे, इसके बेसिस पे हम क्या निकालेंगे, एमओसी, क्या निकालेंगे, एमओसी। तो फॉर्मूला क्या था, फटाफट से बताओ, फॉर्मूला था चेंज इन वाई बाय में चेंज इन एक्स। चेंज इन वाई का मतलब वाई, वाई मतलब वीट और एक्स मतलब क्या है, राइस। यानी लॉस किसमें हो रहा है और गेन किसमें हो रहा है, और गेन किसमें हो रहा है। तो फटाफट से हम एमओसी निकालते हैं, बिकॉज एमओसी शोज द रेशियो बिटवीन लॉस ऑफ आउटपुट एंड गेन ऑफ आउटपुट। फटाफट से एमओसी निकालते हैं, पहले में तो हमें पता नहीं चल रहा, ठीक है, तो पहला हम क्या कर देंगे, डैश। दूसरे में देखो फटाफट से मुझे बताओ लॉस कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है, 100 से 90 कितने का लॉस हुआ, 10। अब नीचे क्या है, गेन, गेन कितने से हो रहा है, 10 से ही हो रहा है, तो नीचे क्या आ जाएगा, 10, ठीक है। अब 0 से 0 गया, आंसर क्या आ गया, 1 आ गया, आंसर क्या आ गया, 1 हो गया, तो एमओसी क्या आ गया हमारे पास, क्या आ गया हमारे पास, 1। आगे देखो, अगर फॉर्मूला तो सेम ही है, चेंज इन वाई में चेंज इन वाई बाय में चेंज इन एक्स। अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, अब देखो फिर से देखो, अब लॉस कितने में हुआ, कितने से हुआ, अब यहां पे लॉस हुआ था 10 से, अब लॉस कितने से हुआ, 20 से। लॉस कितने से हुआ, ऊपर क्या गया, 20, क्योंकि लॉस क्या है, हमेशा ऊपर आता है, गेन हमेशा नीचे आता है। गेन कितने से हुआ, 10 से 20 में कितने से गेन हुआ, 10 से हुआ, तो यहां पे क्या आ गया, 10 आ गया। 0 से 0 कट गया, आंसर क्या आ गया, 2 आ गया, तो यानी एमओसी अब कितना आ गया आपके पास, कितना आ गया आपके पास, 2। आगे देखते हैं फटाफट से, अब फिर से देखो, अब कितने से लॉस हुआ, 70 से 40 हो गया, यानी लॉस कितने से हुआ, 30 से हुआ, और गेन कितने से हुआ, 10 से हुआ, तो फिर से भाई लॉस हुआ आपका 30 से, गेन हुआ आपका 10 से, 0 से 0 कट गया, आंसर क्या आ गया आपके पास, 3। एमओसी कितना आ गया आपके पास, 3। अब आगे देखो फटाफट से, दोबारा से गेन फिर से 10 से हुआ, लॉस कितने से हुआ, 40 से हुआ, कितने से हुआ, 40 से हुआ, तो ऊपर आता है लॉस, नीचे आता है गेन। गेन कितने से था, 10 से था, 0 से 0 कट गया, यहां कितना आ गया आंसर, 4 आ गया, तो आंसर क्या आ गया आपके पास, 4 आ गया, यानी एमओसी क्या आ गया आपके पास, 4 आ गया। अगर आप देख रहे हो आपका एमओसी हर बार इंक्रीज हो रहा है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, क्यों, जो ही आपका एमओसी बढ़ रहा है ना, इसी की वजह से आपकी पीपीसी कर्व क्या आती है, कनकेव आती है। क्वेश्चन आ जाता है कई बार, क्यों हमारी पीपीसी कर्व कनकेव होती है, कनकेव होने का रीजन भाई क्या है, कनकेव होने का रीजन ये है कि आपका जो एमओसी है वो हमेशा क्या हो रहा है, बढ़ता है, यही रीजन है कि पीपीसी क्या आती है, कनकेव आती है। क्लियर है, कंफ्यूज हो ना, पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं व्हाई पीपीसी इज ऑलवेज कनकेव टू ओरिजिन, तो इसका लिखोगे, इसका रीजन ये है क्योंकि आपकी एमओसी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमेशा क्या होती है, बढ़ती है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 हमेशा क्या हो रही है, बढ़ रही। अब ये समझ नहीं आ रही कि बढ़ क्यों रही है, है ना, ये बढ़ क्यों रही है, तो अब देखो कि वाई आपकी एमओसी हमेशा क्यों बढ़ रही है। एमओसी आपकी इसलिए बढ़ रही है, अब ध्यान से समझो कि आपका गेन हमेशा कम हो रहा है, लेकिन आपका सेक्रीफाइस देख रहे हो हर बार ज्यादा हो रहा है, गेन सिर्फ 10 से हो रहा है,
गेन सिर्फ 10 से हो रहा है, लेकिन सेक्रीफाइस देखोगे पहले 10 से हुआ, फिर 20 से हुआ, फिर 30 से हुआ, फिर 40 हुआ। सेक्रीफाइस ज्यादा हुआ, गेन कम हुआ, इसके चक्कर में आपकी एमओसी बढ़ी, और एमओसी के बढ़ने के चक्कर में आपकी पीपीसी क्या आ गई, कनकेव आ गई। तो इसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे भाई, अब बताओ। तो अब इस तरीके से लिखोगे, इफ अ प्रोड्यूसर वॉन्ट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ वन गुड, देन ही हैज टू सेक्रीफाइस मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ गुड। वाई, ज्यादा उसको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, और इसी के चक्कर में आपकी एमओसी क्या होती है, बढ़ती है, और एमओसी के बढ़ने के चक्कर में आपकी पीपीसी क्या आती है भाई, कनकेव शेप्ड आती है। क्या आती है, कनकेव शेप्ड आती है। क्लियर है, अच्छे से समझ आया, ये है आपका, ये है कनकेव क्यों आती है, एमओसी क्यों बढ़ता है, एमओसी क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि गेन कम हो रहा है, सेक्रीफाइस ज्यादा हो रहा है। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ वन गुड द प्रोड्यूसर हैज टू सेक्रीफाइस द प्रोडक्शन ऑफ अनदर गुड, वी नो दैट, बट द प्रोड्यूसर इज सेक्रीफाइसिंग मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ गुड। वाई, ज्यादा ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, इसी के चक्कर में आपका एमओसी बढ़ रहा है, और एमओसी के बढ़ने के चक्कर में ही आपकी पीपीसी क्या बन रही है, कनकेव बन रही है। अगर आप देखोगे हमने डायग्राम बनाया था जब पीपीसी की कनकेव का, फटाफट से चलो यहां पे, एमओसी क्यों बढ़ रही, आपकी कनकेव क्यों है, तो आप देख रहे होगे गेन सिर्फ 10 से हो रहा है, लेकिन सेक्रीफाइस देख रहे हो पहले कितने से हुआ, 10 से हुआ, फिर कितने से हुआ, 20 से हुआ, फिर कितने से हुआ, 30 से हुआ, और फिर कितने से हुआ, 40 से हुआ। यानी आपका सेक्रीफाइस ज्यादा है, गेन कम है, इसी के चक्कर में आपका एमओसी बढ़ता है, और एमओसी के बढ़ने के चक्कर में ही आपकी पीपीसी क्या बनती है, कनकेव बनती है। ठीक है जी, चले आगे, चलो जी अब फटाफट से आगे चलते हैं। हाँ जी, यहाँ पे थे हम, ये आपको क्लियर हो गया होगा, अब हमें पता चल गया किसमें गेन, कितना गेन हो रहा है, कितना क्या हो रहा है, हमें लॉस हो रहा है, कितना सेक्रीफाइस करना है, और एमओसी क्यों बढ़ता है, एमओसी के बढ़ने के चक्कर में आपकी पीपीसी क्या बनती है, कनकेव आती है, ये हमने पूरा पढ़ लिया। अब आपने मैम बोला था ये टेबल कैसे बनती है, टेबल तो सिखा दो, टेबल तो सिखाई नहीं, आप ध्यान से समझो टेबल कैसे बनती है, अब आपको समझ आ जाएगी, बड़े ध्यान समझो। अब मैं यहाँ पे अगर इरेज कर दूँ, कर दूँ ना, अच्छे से समझ आ गया होगा अब तक, तो नहीं स्क्रीनशॉट ले लेना, वरना नोट्स साथ के साथ बनाते रहो, क्योंकि लास्ट में फिर बहुत दिक्कत आती है जब नोट्स नहीं होते। साथ के साथ वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लो, लिखना है लिखो, लेकिन नोट्स जरूर बनाओ, क्योंकि नोट्स नहीं बनाओगे ना बेटा तो बहुत पछताओगे बाद में, क्योंकि हाथ से जब लिखते हो ना, बेसिकली हाथ से जब लिखते हो ना तो हाथ को भी याद हो जाता है, हमेशा याद रखना। सबसे बड़ी चीज़ जो है, कई बार बच्चे कहते हैं समझ आ जाता है बट भूल जाते हैं, कई बार भूलते इसलिए क्योंकि आप लिख लिख के नहीं देखते। समझ आ गया तो अब लिखो, नोट्स बनाओ खुद से, क्लियर है, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा आपको। अब ध्यान समझो, अब जो हम बात कर रहे हैं ये टेबल कैसे बनाते हैं, अभी तक हमने इस टेबल में देख लिया होगा, एक की प्रोडक्शन को बढ़ानी है तो दूसरे की प्रोडक्शन को सेक्रीफाइस करना होगा, दोनों गुड्स की प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते, रिसोर्सेज क्या है कम। लेकिन दूसरी चीज हमने क्या सीखी, एक की प्रोडक्शन बढ़ी तो प्रोडक्ट गेन कम हो रहा है लेकिन सेक्रीफाइस ज्यादा हो रहा है, यानी प्रोड्यूसर, इफ अ प्रोड्यूसर वॉन्ट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ वन गुड देन ही हैज टू सेक्रीफाइस मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ गुड। वाई, दोनों की प्रोडक्शन एक साथ वो नहीं बढ़ा सकता, ये हमें पता है, और जब वो सेक्रीफाइस ज्यादा कर रहा है, गेन कम कर रहा है, इसी के चक्कर में आपका एमओसी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और एमओसी बढ़ने के चक्कर में ही आपका पीपीसी क्या आता है, कनकेव आता है। याद रट लो, क्या आता है भाई, कनकेव आता है एमओसी के बढ़ने के चक्कर। अब भाई मैम बताओ भाई टेबल कैसे बनते हैं, तो ध्यान समझो, सीधी सी बात है, ये एग्जांपल लो, ये क्या था हमारे पास, खेत था, ये हमें पता है। इस खेत में मैंने सोचा था मैं दो गुड्स की प्रोडक्शन बढ़ाऊंगी, एक क्या था राइस और दूसरा क्या था वीट, ठीक है। इस खेत में मैं टोटल कितना उगा सकती हूँ, 100 किलो उगा सकती हूँ, कितना उगा सकती हूँ, 100 किलो उगा सकती हूँ, ये हमें पता है। अगर मैं पूरा का पूरा वीट उगा रही हूँ तो मतलब मैं राइस कितना उगा रही हूँ, 0 उगा रही हूँ, सिंपल सी बात है, क्योंकि मैंने सारा उगा लिया वीट, यानी पूरे खेत में मैंने क्या उगा लिया, वीट, और राइस क्या उगा रही हूँ मैं, 0। अब इसके बाद आप क्या कर रहे हो, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 कर लेना, ठीक है, इसको गेन करना है, क्योंकि हमें पता ना एक ही प्रोडक्शन में गेन होना है तो दूसरी की प्रोडक्शन में क्या होना, सेक्रीफाइस होना। तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 कर लिया, क्लियर इतना। अब जैसे जैसे अब इसको कैसे करोगे, 100 में से 10 गया 90, 90 में से 20 गया 70, 70 में से 30 गया 40, एंड 40 में से 40 गया 0। इस तरीके से आप टेबल बनाओगे, कभी टेबल गलत नहीं होगी, जिंदगी में कभी टेबल गलत नहीं होगी। पहले क्या करोगे, एक को 100 करोगे तो दूसरे को 0 करोगे, तो हमेशा रखना एक में फिर दूसरा 0 होता है तो यहां पे कुछ ना कुछ होता है। अब करना कैसे, तो ध्यान दो, पहला आप कर लिया करो, पहले पहला पूरा कर लिया तो दूसरा 0, फिर 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। उसके बाद क्या करोगे, 100 है यहां पे हमें ये मिल गया, तो 100 में से 10 गया 90, 90 में से 20 गया
70, 70 में से 30 गया 40 एंड 40 में से 40 गया 0. इस तरीके से आप क्या बना सकते हो, टेबल बना सकते हो. टेबल जिंदगी में गलत नहीं होगी, टेबल सही होगी तो अपने आप डायग्राम सही बनेगा. अगर टेबल सही है तो ही आप एमओसी निकाल पाओगे, एमओसी होगा तो ही आप क्या कर पाओगे, पीपीसी की शेप दे पाओगे कनकेव की. अच्छे समझ पा रहे हो आप, ये है आपका पूरा का पूरा टॉपिक. अब तीन प्रॉपर्टीज है, उसमें से दो प्रॉपर्टीज तो यहीं से आपको समझ आ गई होगी. क्या दो प्रॉपर्टीज है, फटाफट से एक बार पहले दो प्रॉपर्टीज समझ लेते, फिर हम तीसरी प्रॉपर्टी को समझने के लिए ना एक टॉपिक और समझेंगे. वो टॉपिक समझ आ गया तो तीसरी प्रॉपर्टी भी होगी आपकी, ठीक है. चलो जी, अब आ जाते हैं हम प्रॉपर्टीज पे. देखो जी, क्या थी भाई प्रॉपर्टी, तीन प्रॉपर्टीज हमने बात करी. पहली प्रॉपर्टी है पीपीसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, पीपीसी इज डाउनवर्ड. एक चीज ध्यान में सुन लो, जहां पे भी आपको वर्ड दिख जाए ना डाउनवर्ड, डाउनवर्ड का मतलब होता है उल्टा. डाउनवर्ड का मतलब होता है इनवर्स, इनवर्स मतलब उल्टा, इनवर्स, या फिर इसको बोल देते हैं अपोजिट. क्या बोल देते हैं इसको, अपोजिट. डाउनवर्ड का मतलब होता है इनवर्स, उल्टा, अपोजिट. यानी अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज कम, एक चीज कम तो दूसरी चीज बढ़ रही है. हमने भी तो यही बात करी, अगर मेरे पास दो गुड्स है, वीट और राइस, अगर मुझे ये मेरे पास लैंड है, मैं यहाँ वीट कर रही थी और यहाँ मैं राइस कर रही थी, अगर मुझे वीट की प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो मुझे राइस की प्रोडक्शन को क्या करना पड़ेगा, कम. अगर मुझे और वीट की प्रोडक्शन बढ़ाना है तो मुझे और राइस की प्रोडक्शन को क्या करना पड़ेगा, कम. दोनों की प्रोडक्शन को मैं एक साथ नहीं बढ़ा सकती. क्यों नहीं बढ़ा सकती, क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है. ये है आपका पीपीसी, क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है. डाउनवर्ड का मतलब उल्टा, एक चीज बढ़ी तो दूसरी चीज कम. राइस की प्रोडक्शन बढ़ा रहे थे तो वीट की प्रोडक्शन कम, राइस की और प्रोडक्शन बढ़ा रहे थे वीट की प्रोडक्शन और कम, राइस की और प्रोडक्शन बढ़ा रहे थे वीट की प्रोडक्शन और कम, ठीक है. तो यही है why PPC is downward sloping. PPC is downward sloping because of the inverse relationship. Inverse का मतलब क्या बताया था, फटाफट से बताओ, क्या बताया था, उल्टा. किसके बीच में उल्टा रिलेशन है भाई, between the production of both the good. दो गुड्स मान लो, कोई भी दो गुड्स ले लो, एक वीट है तो राइस ले लो, कोई भी गुड, गुड एक्स गुड वाई, मतलब कोई भी दो गुड्स ले लिया हमने, ठीक है. इट मीन्स दैट, क्या मतलब है भाई इनवर्स रिलेशन का, इट मीन्स दैट व्हेन अ प्रोड्यूसर वांट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गुड एग्स, अगर एक की प्रोडक्शन बढ़ानी है प्रोड्यूसर को, देन ही हैज टू सेक्रीफाइस सम यूनिट्स ऑफ गुड वाई, तो उसको दूसरी की कुछ यूनिट्स क्या करनी पड़ेगी, सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी. दोनों की प्रोडक्शन को वो एक साथ नहीं बढ़ा सकता. क्यों नहीं बढ़ा सकता, फटाफट से बताओ, क्यों नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड. बारी बारी बोल रही हूँ, याद हो जानी चाहिए, अब तक चीजें एकदम दिमाग में घुल जानी चाहिए. फटाफट से देखो, ही कांट बी एबल टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ बोथ द गुड, दोनों की प्रोडक्शन को वो नहीं बढ़ा सकता. क्यों नहीं बढ़ा सकता, बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड. डन, चले आगे. चलो जी आगे देखो, पीपीसी इज कनकेव शेप. पीपीसी क्या है, कनकेव शेप होती है, हमने बात करी है ना, पीपीसी कनकेव शेप होती है, ये हमें पता है. क्यों कनकेव शेप होती थी हमने बात करी, क्योंकि हमारा एमओसी क्या होता है, हमेशा बढ़ता है ना. क्यों एमओसी बढ़ रहा था, क्योंकि गेन कम हो रहा था, गेन सिर्फ 10 10 10 10 10 हो रहा था, लेकिन सेक्रीफाइस देख रहे थे हर बार बढ़ रहा था. पहले 10 से सेक्रीफाइस हुआ, फिर 20 से हुआ, फिर 30 से हुआ, फिर 40 हुआ. आपका सेक्रीफाइस ज्यादा हो रहा था, आपका गेन कम हो रहा था. इसका मतलब क्या है, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ वन गुड, एक की प्रोडक्शन बढ़ानी है तो प्रोड्यूसर हैज टू सेक्रीफाइस मोर एंड मोर, हैज टू सेक्रीफाइस मोर एंड मोर, मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ गुड. वाई, एक की प्रोडक्शन बढ़ानी है तो दूसरे की प्रोडक्शन में ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है. ये कारण है आपका एमओसी बढ़ रहा है, और यही कारण है कि आपका एमओसी बढ़ने से ही आपका पीपीसी की शेप क्या निकल के आई, कनकेव निकल के आई. क्या निकल के आई, कनकेव निकल के आई, ठीक है. तो अब यहां देखो, पीपीसी इज कनकेव शेप, ये हमें पता है. क्यों कनकेव शेप है, बिकॉज ऑफ, हां जी जी, बिकॉज ऑफ राइजिंग एमओसी. एमओसी के बढ़ने के चक्कर में पीपीसी क्या निकली, कनकेव. अब एमओसी क्यों बढ़ रहा है, बात करी, फटाफट से बताओ, अभी तक तो दिमाग में घुस चुकी है बात, क्यों एमओसी बढ़ी, फटाफट बताओ. क्योंकि इट मींस दैट फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स, गुड एक्स की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए द प्रोड्यूसर हैज टू सेक्रीफाइस, दूसरे की गुड की प्रोडक्शन को सेक्रीफाइस करना पड़ता है. बट कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, ज्यादा की कम, ज्यादा कर रहा है सेक्रीफाइस. द प्रोड्यूसर हैज टू सेक्रीफाइस मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ गुड वाई, गुड वाई की प्रोडक्शन में ज्यादा क्या करना पड़ रहा है, उसको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है. यही रीजन है कि आपका पीपीसी क्या कनकेव, कनकेव क्यों हो रहा है, एमओसी बढ़ रहा है. एमओसी क्यों बढ़ रहा है, बिकॉज गेन कम, सेक्रीफाइस ज्यादा हो रहा है. इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ वन गुड द प्रोड्यूसर हैज टू सेक्रीफाइस मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ गुड वाई. डन,
चलो अब तीसरी प्रॉपर्टी रहेगी है जी। हाँ जी जी तीसरी प्रॉपर्टी को समझने के लिए पहले ही समझ लो टॉपिक तो क्या है। टॉपिक समझ आ गया तो ये प्रॉपर्टी भी समझ आ जाएगी। अब ये टॉपिक मैंने पहले आपको समझाया तो अब प्रॉपर्टी समझना इजी हो गया था, सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल नहीं था, आपको पता था कनकेव क्यों होती है, हर एक चीज पता था। वैसे ही ये प्रॉपर्टी को समझने के लिए पहले टॉपिक समझ लेते हैं। ये टॉपिक समझ आ गया तो मतलब आपको क्या समझ आ गई, पीपीसी की प्रॉपर्टी समझ आ गई। ठीक है जी, अब देखो पहले आ जाते हैं ये वाला, ध्यान सुनो, ये जो दो क्वेश्चन, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, ये हम डिस्कस करेंगे, अभी हमने डिस्कस नहीं किया। ठीक है, ध्यान रखना ये हमें डिस्कस करना है, बाद में करेंगे, एक बार प्रॉपर्टीज खत्म कर ले फिर ये दो अलग से क्वेश्चन बनते हैं। एक या दो नंबर के क्वेश्चन कई बार एमसीक्यू में आ जाते हैं या फिर वन मार्क के क्वेश्चन में आ जाते हैं, टू मार्क के क्वेश्चन में आ जाते हैं, ये क्वेश्चन भी करेंगे। आप ये क्वेश्चन अपनी बुक में शायद ना देखो, लेकिन अगर आप बुक के पीछे हॉर्स के क्वेश्चन पे जाओगे ना, ये दो क्वेश्चन बहुत पाए जाते हैं पेपर में, एग्जाम में मैम टीचर दे देती, कंफ्यूज हो जाते बच्चे। ठीक है, करेंगे इसको भी। चलो जी अब आ जाओ, पहले हम दो टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। अगर आप दिख रहा होगा एक टॉपिक आपका शिफ्टिंग और दूसरा है आपका रोटेशन। किसका शिफ्टिंग एंड रोटेशन ऑफ पीपीसी, तो हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी, और दूसरा क्या पढ़ रहे हैं हम, रोटेशन ऑफ पीपीसी। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे शिफ्टिंग के बारे में, समझते हैं। शिफ्टिंग का मतलब क्या होता है, पीपीसी बिल्कुल पूरी की पूरी शिफ्ट होगी, या तो राइट वर्ड शिफ्ट होगी या फिर वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगी। कहने का मतलब है ये वाला, ध्यान समझो, ये आपकी पीपीसी है, ये आपको पता है वाई एक्सिस होता है, ये आपको पता है ओरिजन होता है, ये आपको पता है एक्स एक्सिस होता है। यहाँ पे क्या होता है, गुड वाई आता है, हमेशा वाई वाली जगह जो वाई होता है वो हमेशा लॉस पे आता है। यहाँ लॉस लिखोगे, यहाँ गेन लिखोगे, हमेशा याद रखना। यहाँ पे क्या आता है आपका गुड एक्स होता है। ठीक है, ये मान लो आपके पास पीपीसी कर्व थी पहले, इसको मैं नाम दे देती हूँ ए पॉइंट और इसको मैं दे देती हूँ बी पॉइंट। राइट वर्ड शिफ्टिंग, दो टाइप की शिफ्टिंग होती है, एक होती है राइट वर्ड शिफ्टिंग और एक क्या होती है लेफ्ट वर्ड शिफ्टिंग। राइट वर्ड शिफ्टिंग का मतलब पता है राइट डायरेक्शन में पीपीसी शिफ्ट होगी। राइट डायरेक्शन का मतलब क्या है, पीपीसी आपकी राइट वर्ड शिफ्ट होगी, यानी यहां शिफ्ट होगी, ये देखो ये होगी राइट वर्ड शिफ्टिंग, यानी ए बी से होगी आपकी ए वन बी वन। ये कब होता है, जब आप मान लो टेक्नोलॉजी अच्छी यूज कर रहे हो, पहले आप क्या कर रहे थे, दोनों गुड्स की प्रोडक्शन के लिए लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, लेबर का यूज कर रहे थे, अब आपने मॉडर्न मशीनें लगा ली दोनों गुड्स को बनाने के लिए, अब मशीनें होगी, मशीनें लग गई तो दोनों की प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ने का मतलब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो आपकी पीपीसी भी क्या हो जाएगी, आगे की तरह शिफ्ट हो जाएगी, दैट इज राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी। हॉर्स के क्वेश्चन बहुत आते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तीन नंबर का ध्यान समझो, हॉर्स के क्वेश्चन, हॉर्स के क्वेश्चन बहुत आते हैं, तीन से चार नंबर के क्वेश्चन आते हैं, आपको बताना होगा, केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि मान लो टेक्नोलॉजी बढ़गी तो आप बताओ आपकी पीपीसी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो आप बताओगे कि टेक्नोलॉजी बढ़ने से क्या होगा, अगर दोनों गुड्स में चेंज आना है, दोनों गुड्स की अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी तो आपकी पीपीसी राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी फ्रॉम ए बी टू ए वन बी वन। लिखेंगे कैसे, दैट ए बी इज द इनिशियल पीपीसी, ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी द पीपीसी कर्व शिफ्ट राइटवर्ड फ्रॉम ए बी टू ए वन बी वन। क्लियर है, इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। मान लो और अगर हम बात करें, रिसोर्सेज बढ़ गए, रिसोर्सेज बढ़ने का मतलब क्या है, रिसोर्सेज मतलब जो चीज प्रोडक्शन में काम आती है, पैसा आ गया, कैपिटल बढ़ेगी, कैपिटल बढ़ेगी तो भी आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ने का मतलब क्या, आपकी पीपीसी फिर से राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी। टेक्नोलॉजी बढ़ेगी या फिर कैपिटल बढ़ेगी, लेबर ज्यादा बुला ली, पहले लेबर कम थी अब लेबर बढ़ा ली, लेबर बढ़ा ली तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन बढ़ने से पीपीसी कहां जाएगी, राइट वर्ड चली जाएगी, ए बी से ए वन बी वन हो जाएगी। ऐसे केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं कि अब बताओ अगर ये सिचुएशन आ गई, कैपिटल बढ़ने से क्या पीपीसी पे इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है, रिसोर्सेज बढ़ने से पीपीसी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, लेबर बढ़ने से पीपीसी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है, और या फिर क्वेश्चन आ जाता है कि टेक्नोलॉजी के बढ़ने से पीपीसी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। रॉ मटेरियल बढ़ने से पीपीसी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, रॉ मटेरियल बढ़ गया तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो पीपीसी राइट वर्ड, राइट वर्ड मतलब ए बी से ए वन बी वन। ओके जी, अब दूसरा पढ़ लेते हैं हम, लेफ्ट वर्ड शिफ्टिंग क्या है भाई, एक मिनट को, चलो जी अब देख लेते हैं हम लेफ्ट वर्ड शिफ्टिंग। लेफ्ट वर्ड शिफ्टिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ फिर से दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज योर ओरिजिन, दिस इज योर एक्स एक्सिस, ये है आपके पास पीपीसी इनिशियल, ठीक है। लेफ्ट वर्ड का मतलब है लेफ्ट डायरेक्शन में मूव होगी, लेफ्ट डायरेक्शन मतलब ये हो, अगर ये आपका ए पॉइंट था, ये आपका बी पॉइंट था, लेफ्ट मतलब पीछे की तरफ क्या होगी, शिफ्ट होगी, तो ये आपका हो गया ए वन, ये हो गया आपका बी वन। ये कब होता है,
मान लो पहले जो हम थे मशीनों का यूज कर रहे थे प्रोडक्शन करने में, दोनों गुड्स के केस में, या गुड वाई है आपका गुड एक्स, प्लीज पेपर में ध्यान रखना, नामकरण जरूर कर लेना भाई है। कई बार क्या होता है हम डिनोट ही नहीं करते क्या है ये क्या है, तो फिर पेपर में नंबर काटते हैं। टीचर को तो वैसे ही बहाना चाहिए आधा नंबर एक नंबर काटने का, एक मौका नहीं देना टीचर को नंबर कटवाने का, प्लीज नामकरण कर लेना पेपर में अपने आप, ठीक है। तो यहाँ क्या था, पहले हम मान लो मशीनों का यूज कर रहे थे प्रोडक्शन करने में, तो अच्छी प्रोडक्शन हो रही थी। अब हमने क्या कर दिया, मान लो मेरे पास पैसे की कमी होगी, तंगी होगी, बिजनेस में थोड़ा बहुत लॉस हो गया, तो हमने क्या किया, लेबर लगा ली, मशीन को छोड़ के हमने क्या कर दी, लेबर लगा ली। अब लेबर लगा ली तो अब क्या होगी, प्रोडक्शन कैपेसिटी होगी कम, यानी ए बी से कहाँ आ गई, ए वन बी वन, प्रोडक्शन कैपेसिटी कम, दैट इज लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग इन पीपीसी। लेकिन इतना याद रखना शिफ्टिंग में ना दोनों जगह इंपैक्ट पड़ता है, दोनों जगह का मतलब है गुड वाई पे भी पड़ेगा, गुड एक्स पे भी, पूरी की पूरी पीपीसी क्या होगी, शिफ्ट होगी, ठीक है। और पता क्या क्वेश्चन आ जाते हैं, मान लो देश में आ गई बाढ़, आंधी, तूफान, या फिर कोई भी ऐसा नेचुरल कैलोमिटीज आ गई देश में, तो उस सिचुएशन में बताओ पीपीसी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। मान लो बाढ़ आ गई, अर्थक्वेक आ गया, कोई ऐसी सिचुएशन है, तो आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बताओ बढ़ेगी कि कम होगी, कम होगी जी, कम होगी, तो पीपीसी राइट वर्ड जाएगी कि लेफ्ट वर्ड, लेफ्ट वर्ड जाएगी, तो वही है, तो पीपीसी कर्व शिफ्ट हो जाएगी ए बी से ए वन बी वन, दैट इज लेफ्ट वर्ड शिफ्टिंग इन पीपीसी, यानी रिसोर्सेज कम होने की वजह से लेफ्ट वर्ड। अगर मान लो रॉ मटेरियल की कमी आ गई, तो रॉ मटेरियल कम तो प्रोडक्शन कम, प्रोडक्शन कम तो पीपीसी पीछे, इस तरीके से। कैपिटल, पैसा नहीं है, कैपिटल की कमी है तो प्रोडक्शन क्या हो जाएगी कम, प्रोडक्शन कम तो पीपीसी पीछे, दैट इज लेफ्ट वर्ड शिफ्ट इन पीपीसी। याद रख लेना कौन कौन से केसेस, हॉर्स के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाते हैं बच्चा लोग। चलो अब ये तो हो गया आपका शिफ्टिंग, शिफ्टिंग में एक बार मतलब ही देख लो, यहीं पे शिफ्ट क्या होता है, या तो लेफ्ट वर्ड होता है या फिर वो राइट वर्ड होता है। देयर इज शिफ्ट इन रिसोर्सेज, शिफ्ट क्यों होता है, या तो रिसोर्सेज के बढ़ने की वजह से हो सकता है, रिसोर्सेज में चेंज आने की वजह, बढ़ गया तो राइट वर्ड, कम हो गया तो लेफ्ट वर्ड, या फिर टेक्नोलॉजी में चेंज आने की वजह से होता है। लेकिन ये कब होता है, दोनों गुड्स के केस में होता है, दोनों गुड्स का मतलब गुड वाई और गुड एक्स दोनों में होता है, शिफ्ट पूरी की पूरी होगी और पूरी की पूरी पीछे जाएगी, या तो राइट वर्ड पूरी जाएगी या लेफ्ट वर्ड पूरी जाएगी, दोनों में इक्वल चेंज आता है बोथ द गुड्स। ओके चले आगे, चलो जी अब देखते हैं क्या है भाई, अब बच्चा हमारा रोटेशन बस मुकने पे है, चैप्टर खत्म होने पे है, थोड़ा सबर करो सबर करो, बट इतना है आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, थोड़ा टाइम लग रहा है बट अच्छे से समझ आ रहा होगा, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। कंसेप्ट एकदम से क्लियर हो जाएगा ना आपके लिए, बिल्कुल आसान हो जाएगा समझना इस चैप्टर को। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट क्या है हमारा, रोटेशन। रोटेशन का मतलब ध्यान से सुनो, रोटेशन का मतलब होता है एक जगह रोटेट होना, शिफ्ट हो गया दोनों में, शिफ्ट हो गया पूरा का पूरा, शिफ्ट हो गया दोनों के केस में, आए गुड एक्स भी और गुड वाई। रोटेशन में होता है कि एक चीज पे इंपैक्ट पड़ रहा है, या तो गुड एक्स पे पड़ रहा है या गुड वाई पे पड़ रहा है, एक चीज से मूव मतलब शिफ्ट एक मतलब रोटेट एक जगह हो रही है। समझते हैं, एक एग्जांपल समझते हैं इसका, मैं एक बार इरेज कर दूं, मुझे स्पेस चाहिए, ठीक है। मान लो अब ये देखो, पहले मैं ना गुड एक्स के केस में चेंज ला देती हूं गुड एक्स में, क्योंकि जो रोटेशन है ना वो एक गुड में होता है, या तो गुड एक्स में होगा या फिर वो गुड वाई में होगा। हम चार केसेस बनेंगे इसके, कितने केसेस बनेंगे इसके, चार केसेस बनेंगे, तो समझ लेते हैं चारों के चारों केसेस क्या हैं। चलो जी पहला केस समझो, लो जी ये है आपकी पीपीसी कर्व, ये आपका वाई एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर ओरिजिन, यहाँ क्या आता है आपका गुड वाई और यहाँ क्या आता है आपका गुड एक्स, ये क्या है आपकी इनिशियल पीपीसी, मान लो ये क्या है आपकी इनिशियल पीपीसी, इसको मैं नामकरण दे दूँ ए और बी। अब गुड एक्स में चेंज लाना है, गुड एक्स में चेंज, मान लो लेट्स से पहले दोनों के केस में मैं जो है प्रोडक्शन, मान लो दोनों के केस में मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, मशीन का यूज कर रही थी प्रोडक्शन करने के लिए, यानी गुड वाई बनाना है तो भी मशीन यूज हो रही थी, गुड एक्स बनाना है तो भी मशीन यूज कर रही है। लेकिन मैंने क्या करा, अपनी टेक्नोलॉजी में चेंज ला दिया, मैं गुड वाई के केस में तो आज भी मशीन यूज कर रही हूं, लेकिन गुड एक्स को बनाने के लिए मैं लेबर का यूज कर रही हूं। अब लेबर का यूज कर रही हूं तो प्रोडक्शन बढ़ेगी कि कम होगी, प्रोडक्शन कम होगी, प्रोडक्शन कम होगी तो आपकी पीपीसी कैसे शिफ्ट हो जाएगी, आपकी पीपीसी यहां से तो अरे बाप रे, कोई नहीं जी कोई नहीं जी, डरने का नहीं। देखो वापस, अगर प्रोडक्शन क्या होगी, पहले क्या थी ए और बी, अब इसकी प्रोडक्शन क्या होगी, कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि पहले मैं मशीन यूज कर रही थी, अब एक्स को बनाने के लिए मैं लेबर यूज कर रही हूँ, लेबर यूज कर रही हूँ, प्रोडक्शन कम, प्रोडक्शन कम तो पीपीसी कर्व देखो कैसे हो रही है, फटाफट से पीपीसी कर्व हो रही है अब लेफ्ट वर्ड रोटेट, शिफ्ट नहीं लिखोगे, लेफ्ट वर्ड रोटेट हो रही है, लेफ्ट वर्ड
रोटेट, शिफ्ट तो दोनों में चेंज आता है, रोटेशन में एक जगह चेंज आएगा, या तो गुड एक्स में चेंज आएगा या गुड वाई में आएगा। ये बी है तो मैं यहाँ दे देती हूँ उसको, मान लो बी वन। अब आप देख रहे हो टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से, किसकी टेक्नोलॉजी, गुड एक्स में टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से जो आपकी पीपीसी कर्व है वो शिफ्ट होगी। कहाँ शिफ्ट होगी? लेफ्ट और शिफ्ट होगी, फ्रॉम ए बी टू ए बी वन। ठीक है, सिंपल। अब देखो दूसरा है, ये भी हम गुड एक्स में ही चेंज ला रहे हैं। ये है आपका वाई एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर ओरिजिन, ये आपका आ जाएगा गुड वाई और ये क्या आ जाएगा आपका गुड एक्स। ये आपकी बन गई पीपीसी कर्व। क्या बन गई? पीपीसी कर्व। ये डाल दिया ए, यहां डाल दिया बी। ठीक है, अब देखो क्या होता है। मान लो एग्जाम्पल समझो, ला हम एक्स में ही रहे, ला हम एक्स में रहे। मान लो पहले दोनों के केस में जो है मैं लेबर का यूज कर रही थी प्रोडक्शन करने के लिए, लेबर का यूज, चाहे मैं गुड एक्स बना रही हूं चाहे मैं गुड वाई बना रही हूं, दोनों के केस में किसका यूज कर रही थी? लेबर का यूज कर रही थी। लेकिन अब मैंने क्या कर दिया, अपनी टेक्नोलॉजी में चेंज लाया एक गुड के केस में, मैंने क्या कर दिया, गुड एक्स को बनाने के लिए मशीन का यूज कर रही हूं। मशीन का यूज कर रही हूं तो मेरी प्रोडक्शन बढ़ेगी कि कम होगी? प्रोडक्शन जी बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी। तो अब क्या हो जाएगा, रोटेट। इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, इसमें मैं आज भी लेबर यूज कर रही हूं, बट यहां मैं लेबर से कहां चलेगी, मशीन की तरफ चलेगी, तो मेरी पीपीसी कर्व क्या होगी, रोटेट होगी राइटवर्ड। कहां होगी? रोटेट होगी राइट वर्ड। अगर ये बी है तो यहां मैं इसको दे देती हूं बी वन। क्या दे दिया मैंने यहां पे? बी वन। तो आप देख रहे हो पीपीसी, पहले ए एंड बी इज द इनिशियल पीपीसी, बट ड्यू टू चेंज इन, चेंज इन टेक्नोलॉजी, किसकी टेक्नोलॉजी, इन केस ऑफ गुड एक्स, देन द पीपीसी विल रोटेट। रोटेट कहां होगी? राइट वर्ड, फ्रॉम ए बी टू ए बी वन, ए बी वन। ठीक है, ए बी वन। देख रहे हो, समझ आया? दो केसे समझ आ गए। गुड एक्स में मैंने समझा दिया कैसे रोटेट होती है, लेफ्ट वर्ड भी जा सकती है और राइट वर्ड भी जा सकती है, कोई भी रीजन। या तो मैंने टेक्नोलॉजी समझा दिया, मान लो कैपिटल बढ़ गया तो इसकी प्रोडक्शन हुई कि इसकी प्रोडक्शन हुई, रॉ मटेरियल बढ़ा, रॉ मटेरियल कम, रिसोर्सेज में चेंज आने की वजह से भी हो सकता है। ओके, चलें आगे बच्चा लोग, चलें फटाफट से देखते हैं। अब हम गुड वाई के केस में समझते हैं। लो जी, गुड वाई भी समझते हैं। ये है आपका y एक्सिस, दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर ओरिजिन। यहाँ पे क्या आता है भाई? गुड y आता है और यहाँ पे क्या आता है? गुड x आता है। और ये है आपकी पीपीसी कर्व। अब गुड y में चेंज लाते हैं। गुड y में कैसे चेंज लाए मैम? कोई एग्जांपल दो, फटाफट से एग्जांपल समझते हैं। मान लो दोनों केस में पहले मैं लेबर का यूज कर रही थी, लेकिन अब मैंने क्या करा, वाई को बनाने के लिए मशीन यूज करने लगी, तो वाई की प्रोडक्शन मेरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। वाई की प्रोडक्शन बढ़ने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मेरी जो पीपीसी कर्व है वो अपवर्ड चली जाएगी। यहां से कोई चेंज नहीं आएगा, यहां से कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन यहां से मेरी पीपीसी क्या होगी? चेंज होगी। तो ये आप देख रहे हो अपवर्ड चली गई। ये मेरी ए थी, ये मेरी बी थी, लेकिन अब क्या होगी? ए वन बी वन होगी। क्यों हो गई? राइट वर्ड या फिर अपवर्ड रोटेशन क्यों होगी? क्योंकि मैंने वाई के केस में क्या करा, मशीन यूज करी। मशीन यूज करने से मेरी प्रोडक्शन बढ़ गई, प्रोडक्शन बढ़ने से मेरी पीपीसी में क्या आया? रोटेशन आया, चेंज आया। ठीक है, क्लियर हो गया अच्छे से। चले अब दूसरा एग्जाम्पल भी समझ लेते, बस थोड़ा सा, थोड़ी देर का रहेगा टॉपिक, खत्म होने वाला चैप्टर। सेम ए बी, अब नामकरण खुद कर लेना भाई। गुड वाई, वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस, ओरिजन है ना, गुड एक्स, ये आपको पता ही, यहाँ तक अब कोई इशू नहीं होगा, राइट। अब देखो, अब पहले मैं क्या कर रही थी, अब इसका एग्जांपल समझो। पहले मान लो मैं दोनों केस में मशीनें यूज़ कर रही थी, दोनों की प्रोडक्शन करने के लिए क्या कर रही थी, मशीनें यूज़ कर रही थी, लेकिन अब मैंने वाई की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए क्या कर दिया, मशीन का यूज बंद कर दिया और लेबर का यूज करना शुरू होगी, लेबर का यूज करना शुरू होगी, तो मतलब क्या होगी, मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी कि काम कम हो जाएगी? तो कम होने का मतलब क्या है, डाउनवर्ड हो गया, डाउनवर्ड रोटेशन ऑफ पीपीसी, डाउनवर्ड नीचे की तरफ आई। ये ए बी था तो ये क्या हो गया, ए वन बी, यानी पहले इनिशियल पीपीसी क्या थी, ए बी, बट ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी इन केस ऑफ गुड वाई, मेरी पीपीसी क्या होगी, डाउनवर्ड क्या होगी, रोटेट होगी एक जगह से दूसरी जगह, फ्रॉम ए बी टू ए वन बी, ए बी टू ए वन बी। क्लियर हुआ? ये होता है रोटेशन। बस फर्क इतना समझना, शिफ्टिंग में दोनों गुड्स के केस में होता है, रोटेशन में एक गुड के केस में होता है। ठीक है, कोई भी रीजन हो सकता है, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाना, रिसोर्सेज का बढ़ जाना, रिसोर्सेज का कम हो जाना, रिसोर्सेज मतलब रॉ मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, ये सारी चीज़ें हो गया आपका। ओके जी, कैपिटल, पैसा, कोई भी रीजन, कोई भी, कोई भी, हॉर्स की फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है आपका।
डन है, चलें अब फटाफट से अब पीपीसी की प्रॉपर्टी पे आ जाए। तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी ये आपको क्लियर हो गया, शिफ्टिंग क्या होता है, रोटेशन क्या होता है, अब फटाफट से इसकी आ जाते हैं प्रॉपर्टी पे। तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी फटाफट से देखो भाई, लो जी अब पीपीसी कैन आइदर शिफ्ट राइटवर्ड भी जा सकती है और पीपीसी जो है लेफ्टवर्ड भी जा सकती है डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबल रिसोर्सेज, रिसोर्सेज पे डिपेंड करती है। रिसोर्सेज बढ़ गए तो पीपीसी राइटवर्ड चलेगी, रिसोर्सेज कम हो गए तो पीपीसी लेफ्टवर्ड चली जाएगी, ठीक है। और इसी में भी आप रोटेशन का पॉइंट भी डाल सकते हो, किस केस में रोटेशन होती है और किस केस में क्या होता है, ठीक है। वरना अगर आप खाली दो प्रॉपर्टीज भी लिखा हो तो भी चल जाएगा, तीसरी प्रॉपर्टीज में अगर आप शिफ्टिंग का पॉइंट डाल दोगे तो भी बहुत बढ़िया होगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको पहले क्या पता होना चाहिए, शिफ्टिंग के बारे में पता होना चाहिए, रोटेशन के बारे में पता होना चाहिए, दोनों का मतलब पता है तो प्रॉपर्टी लिखना आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान। चलो चलो जी अब आ जाओ, ये क्वेश्चन तो रह गया था है ना, दो तीन पॉइंट्स रह गए, दो तीन चीज़ें रह गई, समझते हैं इसको भी, थोड़ी देर लगेगी, 10 से 15 मिनट का चैप्टर रह गया, फटाफट से समझते हैं। अब क्या है आपका, कैन पीपीसी बी कन्वेक्स टू ओरिजिन, क्या पीपीसी कन्वेक्स होती है ओरिजिन। अब बात आती है मैम आप तो अभी तक तो इतना बड़ा बड़ा बोल रहे हो कि पीपीसी क्या होती है भाई, कनकेव होती है, कनकेव होती है, कनकेव होती है। क्यों कनकेव होती है, क्योंकि भाई एमओसी बढ़ता है। क्यों एमओसी बढ़ता है, क्योंकि एमओसी बढ़ता इसलिए है क्योंकि आपका सेक्रीफाइस ज्यादा होता है और गेन क्या होता है कम, क्योंकि गेन तो सिर्फ 10 10 10 10 शो कर रहे थे लेकिन सेक्रीफाइस मैम कितना शो कर रहे थे, कभी पहले 10 फिर 20 फिर 30 फिर 40 बढ़ रहे गेन है ना, इसी चक्कर में आपको एमओसी बढ़ रहा है। एमओसी बढ़ने के चक्कर में हमने क्या पढ़ा था, आपकी पीपीसी क्या होती है, कनकेव शेप्ड होती है। लेकिन ये क्या क्वेश्चन आ गया, क्या क्वेश्चन आ गया, क्या पीपीसी कन्वेक्स हो सकती है ओरिजिन की, यानी क्या हमारी पीपीसी कन्वेक्स हो सकती है ओरिजिन के। ये बच्चा आप कहोगे ये तो हमारी बुक में नहीं है मैम, हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये बच्चा कई बार आ जाता है, पीछे के हॉर्स के क्वेश्चन पढ़ लेना, ठीक है। पीपीसी हाँ यस, पहले तो लिखोगे हाँ भाई हो सकती है, हाँ भाई पीपीसी कन्वेक्स हो सकती है, बट कब हो सकती है कन्वेक्स, तो एक बार आ जाओ पीछे एक बार टेबल पे फटाफट से। लो जी यहां पे देखो, अब आप यहां देख रहे हो पीपीसी कनकेव क्यों हुई थी, क्योंकि पीपीसी कनकेव होने का मतलब ये था कि आपका एमओसी क्या हुआ था, यहां पे बढ़ा था, इस चक्कर में आपकी पीपीसी क्या थी, कनकेव थी। क्यों एमओसी बढ़ा था, क्योंकि यहां पे सेक्रीफाइस ज्यादा हो रहा था और गेन क्या हो रहा था, कम हो रहा था। अब क्वेश्चन आ रहा है क्या पीपीसी आपकी कन्वेक्स हो सकती है, पीपीसी आपकी कन्वेक्स हो सकती है अगर आपका एमओसी बढ़ने के चक्कर में कम होना शुरू हो गया, आपका एमओसी बढ़ने की बजाय कम होना शुरू हो गया, यानी 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ये तो बढ़ रहा है। अगर आपका एमओसी बढ़ने की जगह कम हो गया का मतलब है 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1 कम हो गया, तो उस सिचुएशन में आपकी पीपीसी जो है कन्वेक्स हो सकती है। अब बात आती है एमओसी बढ़ने का कारण पता था, भाई एमओसी कम कब होगा, कम कब होगा, तो ध्यान सुनो एमओसी कम तब होगा जब आपका गेन ज्यादा हो जाए और आपका सेक्रीफाइस क्या हो जाए, कम हो जाए, गेन ज्यादा हो जाए और सेक्रीफाइस कम हो जाए, उस सिचुएशन में आपका एमओसी क्या है, कम हो जाएगा। और एमओसी कम हो जाएगा मतलब क्या, आपकी पीपीसी क्या बन जाएगी, कन्वेक्स बन जाएगी। अब ये क्या है मैम, इसका मतलब तो समझाओ। अब देखो भाई आपका गेन ज्यादा होने का मतलब है, अगर आप देखो कि पहले के केस में सिर्फ 10 10 10 10 10 का ही गेन हो रहा है, अब गेन ज्यादा होने का मतलब है 10 से 20 20 से 30 30 से 40 गेन बढ़ जाए। और सेक्रीफाइस अगर आप देख रहे हो पहले कितने का हो रहा था, 10 का हो रहा था, फिर कितने का हो रहा था, 20 का हो रहा था, फिर कितने का हो रहा था, 30 का हो रहा था, फिर कितने का हो रहा था, 40 का हो रहा था, यानी पहले सेक्रीफाइस ज्यादा हो रहा था। अब सेक्रीफाइस कम कर दो, सेक्रीफाइस 40 से 30 30 से 20 20 से 10, जब आपका सेक्रीफाइस कम हो जाए और आपका गेन बढ़ जाए, उस सिचुएशन में आपकी एमओसी उल्टी हो जाए, एमओसी क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है, डिक्रीज होने लग जाते हैं। जब आपकी एमओसी डिक्रीज होती है तो उस सिचुएशन में आपका पीपीसी क्या बन जाता है, कन्वेक्स बन जाता है, अपोजिट हो गया। यही लिखोगे इसमें, क्या लिखोगे कि आपकी पीपीसी कन्वेक्स हो सकती है, हाँ भाई हो सकती है, किस सिचुएशन में हो सकती है, जब आपका एमओसी बढ़ने की बजाय क्या हो जाए, कम हो जाए। कब कम होगा, जब कम होगा जब आप गेन ज्यादा कर रहे हो और सेक्रीफाइस क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो, यानी गेन ज्यादा हो रहा है सेक्रीफाइस कम हो रहा है, उस सिचुएशन में आपकी एमओसी कम होगी। और एमओसी कम होने का मतलब क्या, आपकी पीपीसी क्या बन जाएगी, कन्वेक्स शेप की बन जाएगी।
ठीक है, तो इसका मतलब है इफ अ प्रोड्यूसर इज, या फिर इफ अ प्रोड्यूसर वांट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गुड एग्स, देन ही सेक्रीफाइसिंग लेस एंड लेस यूनिट्स ऑफ गुड वाई. पहले के केस में क्या बढ़ा था, सेक्रीफाइस क्या कर रहा था, मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ गुड वाई. इस केस में क्या सेक्रीफाइस कर रहे, लेस एंड लेस यूनिट्स ऑफ गुड वाई, यानी गुड एग्स की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए वो कम सेक्रीफाइस कर रहा है. इस चक्कर में आपका एमओसी कम आएगा, एमओसी कम आएगा तो आपकी पीपीसी क्या बन जाएगी, कन्वेक्स बन जाएगी. क्लियर है, तो फटाफट से आप समझ लेते हैं क्या है भाई. देखो भाई, पीपीसी कब कन्वेक्स होती है, हाँ हो सकती है पीपीसी कन्वेक्स जब आपका एमओसी क्या हो जाए, बढ़ने की जगह कम, उल्टा हो जाए. जब एमओसी क्यों डिक्रीज होता है, जब व्हेन द प्रोड्यूसर इज सेक्रीफाइसिंग लेस एंड लेस यूनिट्स. पहले क्या सेक्रीफाइस हो रहा था, मोर एंड मोर, अब क्या सेक्रीफाइस हो रहा है, लेस एंड लेस यूनिट्स ऑफ गुड वाई टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स. गुड एक्स की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए वो कम से कम सेक्रीफाइस कर रहे हैं गुड वाई को. इसका मतलब है गेन ज्यादा हो रहा है, सेक्रीफाइस कम हो रहा है. इस चक्कर में एमओसी क्या हो रहा है, कम हो रहा है. एमओसी कम हो रहा है तो आपकी पीपीसी क्या बन गई, क्या बन गई, कन्वेक्स बन गई. डन, चले आगे. चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई. अगला क्वेश्चन कहता है क्या पीपीसी स्ट्रेट लाइन हो सकती है, क्या पीपीसी स्ट्रेट लाइन हो सकती है. क्या मतलब है भाई, अगर मैं इसको अच्छे से बनाऊं, ये ले लो, क्या पीपीसी आपकी स्ट्रेट लाइन हो सकती है. ए दे दिया, इसको बी दे दिया, यहां आपको पता है गुड वाई आता है, यहां आपको पता है गुड एक्स आता है. ये तो अपने आप लिख लेना भाई, अब ये मत बोलना मैडम ने तो लिखा ही नहीं, शुरू हो तो कहीं तो अपने आप लिख लेना, अपना नामकरण कर लेना, है ना. अब क्या पीपीसी आपकी क्या हो सकती है, स्ट्रेट लाइन हमने अभी पढ़ लिया, कनकेव हो सकती है. कब हो सकती है, जब एमओसी बढ़ता है. ठीक है, एमओसी कब बढ़ता है, जब सेक्रीफाइस ज्यादा और गेन कम. फिर हमने पढ़ लिया कन्वेक्स हो सकता है, हाँ हो सकता है. कब हो सकता है, किस सिचुएशन में हो सकता है, जब आपका एमओसी उल्टा हो गया, डिक्रीज होना शुरू हो गया. कब डिक्रीज होगा, जब आपका गेन ज्यादा होगा और सेक्रीफाइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. यानी लेस एंड लेस यूनिट सेक्रीफाइस हो रहे हैं और एमओसी बढ़ने का कारण था मोर एंड मोर यूनिट्स क्या हो रहे हैं, सेक्रीफाइस. यहां पे क्या है, पीपीसी स्ट्रेट लाइन कब हो सकता है, पीपीसी स्ट्रेट लाइन तब हो सकता है जब आपका एमओसी ना ही बढ़ रहा है ना ही कम हो रहा है. आपका एमओसी क्या है, कॉन्स्टेंट है. एमओसी क्या है, कॉन्स्टेंट है. एमओसी कॉन्स्टेंट होने का मतलब क्या है, कि जितना गेन हो रहा है उतना ही क्या हो रहा है, सेक्रीफाइस हो रहा है. अगर गेन 10 10 10 10 10 10 हो रहा है तो आपका सेक्रीफाइस भी 10 10 10 10 10 हो रहा है. ठीक है, अगर ये फटाफट से देखो, यहां पे एमओसी कांस्टेंट का मतलब है 1 1 1 1 आ गया. गेन 10 10 10 10 से हो रहा है तो आपका सेक्रीफाइस भी 10 10 10 10 से हो रहा है. इस चक्कर में आपका एमओसी क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा. जब आपका एमओसी कांस्टेंट आएगा तो आपकी पीपीसी क्या बन जाएगी, यहां देखो फटाफट से, पीपीसी क्या बन जाएगी, आपकी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी. क्या बन जाएगी, आपकी पीपीसी स्ट्रेट लाइन. अब ध्यान समझो एक चीज, हमेशा प्रॉपर्टीज में यही लिख के आओगे पीपीसी कनकेव होता है. अब ये मत लिखे आना कन्वेक्स भी होता है, स्ट्रेट लाइन भी होता है. ठीक है, होता हमेशा कनकेव है. क्यों कनकेव होता है, क्योंकि एमओसी हमेशा बढ़ता है. क्यों बढ़ता है, बिकॉज सेक्रीफाइस ज्यादा करते हो, गेन कम करते हो. ये एडिशनल क्वेश्चन है कि ये सिचुएशन है, क्या हो सकता है, हाँ हो सकता है. अगर ये सिचुएशन आ गई, अगर आप कब हो सकता है कन्वेक्स और स्ट्रेट, अगर आपका एमओसी कम होना शुरू हो जाए या आपका एमओसी स्ट्रेट होना शुरू हो जाए. तो ध्यान समझो, ये स्पेशल लिखा हुआ है, इट मस्ट बी नोटेड दैट बोथ द अबव सिचुएशन, कौन सी दो सिचुएशन हमने बात करी, कन्वेक्स वाली और स्ट्रेट लाइन वाली, ये अराइज बहुत कम होती है. वैसे तो अराइज ही नहीं होती, लेकिन क्वेश्चन आ जाए तो उस सिचुएशन में आप ये लिख सकते हो कि हाँ हो सकता है और वो भी हो सकता है. ठीक है, तो ये सिचुएशन अराइज नहीं होती, इसलिए आपका एमओसी या फिर जिसको आप एमआरटी बोलते हो, जिसको आप एमआरटी बोलते हो, वो क्या होता है, हमेशा आपका इंक्रीज होता है. क्योंकि एमओसी हमेशा क्या बढ़ता है, इस चक्कर में आपकी कनकेव शेप होती है. पीपीसी क्या होती है, आपकी कनकेव शेप होती है. याद रखना, ये एडिशनल क्वेश्चन है. कई बार होर्ट्स में वन मार्क के क्वेश्चन में क्वेश्चन आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए हाँ कन्वेक्स हो सकता है, किस सिचुएशन में कन्वेक्स होता है, या फिर स्ट्रेट लाइन हो सकती है, किस सिचुएशन में क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है. ओके है बच्चा लोग, चले आगे, लास्ट टॉपिक, फिर तो चैप्टर खत्म. अब तो बल्ले बल्ले सिचुएशन है भाई. ठीक है भाई, हिम्मत रखो, हिम्मत रखो. आखिरी टॉपिक, ये टॉपिक समझ आ गया, इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अब ये मैं सोच रहा बस हो गया चैप्टर, अब छोड़ो, है ना. बने रहो बिल्कुल वीडियो पे. अब ध्यान से सुनो, अगला जो टॉपिक है वो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, एक्सप्लेन करो विद द हेल्प ऑफ टेबल के साथ और विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन करो. ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है एक अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने के लिए प्रोड्यूसर को कौन सी दूसरी अपॉर्चुनिटी है जिसको सेक्रीफाइस करना पड़ा. अब कहेंगे बच्चे मैम ये क्या है, क्या कौन सी अपॉर्चुनिटी का फायदा, कौन सी अपॉर्चुनिटी में सेक्रीफाइस. तो आ जाओ बेटा एग्जाम्पल पे. एग्जाम्पल समझ आ गया, टॉपिक समझ आ गया. समझो, मान लो क्या था, ये था मेरा खेत, है ना. मैडम
बच्चे कहेंगे मैम सारा टाइम खेत 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 खेत, बट अच्छे से समझ आएगा। मान लो ये है मेरा खेत, मैंने सोचा इस खेत में मैं करूंगी अपनी फसल उगाऊंगी, अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा मैं फसल कौन सी उगाऊं, तो मैंने देखा कि कौन सी फसल से मुझे क्या मिलेगा, ज्यादा पैसा मिलेगा, मैंने सोचा वही फसल उगाऊंगी। तो मैंने देखा अगर मैं वीट उगाती हूँ तो मुझे उससे मिलता है 3,000 रुपये, यानी एक बोरी वीट से मुझे कितना मिलता है 3,000 रुपये। अगर मैं राइस उगाती हूँ तो क्या मिलता है मुझे 2,500 रुपये। अगर मैं मेज उगाती हूँ तो क्या मिलेगा 2,000 रुपये। अगर मैं शुगर केन उगाती हूँ तो क्या मिलेगा 1,500। अब आप खुद सोचो आप किस चीज की प्रोडक्शन करोगे, वीट की, राइस की, मेज की, कि शुगर केन में, किस में ज्यादा पैसा कमा पा रहे हो? बच्चे कहेंगे मैम वीट, क्यों? वीट में क्या मिल रहा है पैसा, क्या मिल रहा है ज्यादा मिल रहा है। तो वीट की प्रोडक्शन मैं क्या करूंगी, करूंगी वीट की प्रोडक्शन करूंगी। तो मैंने यहां क्या कर दिया, वीट की प्रोडक्शन उगा दी। क्यों उगा दिया मैंने वीट, वीट की फसल क्यों उगाई, गेहूं क्यों उगाया, क्योंकि मुझे इससे क्या मिल रहा था, पैसा ज्यादा मिल रहा था। तो ये तो क्या करूंगी मैं, प्रोड्यूस करूंगी, ये अपॉर्चुनिटी का तो मैंने फायदा उठा लिया, क्योंकि इस अपॉर्चुनिटी में मुझे क्या मिल रहा था, 3,000 रुपये मिल रहा था। सारी अपॉर्चुनिटी से बेस्ट अपॉर्चुनिटी ये मुझे लगी, तो ये क्या है, ये जो मेरे लिए क्या थी, ये मेरी अपॉर्चुनिटी क्या थी, मेरे लिए बेस्ट थी, तो मैंने इसकी क्या कर दी, प्रोडक्शन कर दी। ठीक है, अब ध्यान से समझो, इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने के लिए इससे अगली बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या है जिसको आपने सेक्रीफाइस किया, उससे नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, जिसको आप कह सकते हो इस अपॉर्चुनिटी के बाद बेस्ट अपॉर्चुनिटी कौन सी है। तो कहेंगे मैम 2000 वाली तो बिल्कुल नहीं है, 1,500 रुपये वाली बिल्कुल नहीं है, 2,500 रुपये वाली 3,000 के बाद अच्छी है, है ना, 2,500 रुपये वाली 3,000 के बाद अच्छी है। यानी क्या मतलब हुआ, इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने के लिए द प्रोड्यूसर हैज टू सेक्रीफाइस अनदर बेस्ट अपॉर्चुनिटी या फिर अनदर बेस्ट अल्टरनेटिव। कौन सी अपॉर्चुनिटी को उसने क्या किया, सेक्रीफाइस किया, इस राइस की प्रोडक्शन को। ये है मेरे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये क्या है मेरे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है एक अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने के लिए, कौन सी अपॉर्चुनिटी फायदा उठाऊंगी मैं, वीट करूंगी क्योंकि उससे मुझे पैसा ज्यादा मिल रहा है। एक अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने के लिए प्रोड्यूसर को कौन सी बेस्ट अदर, मतलब वीट के बाद जो बेस्ट है, कौन सी उसको बेस्ट अदर वीट के अलावा कौन सी अपॉर्चुनिटी को उसको क्या करना पड़ा, सेक्रीफाइस करना पड़ा, वो क्या थी, राइस थी। जो राइस की प्रोडक्शन है जिससे उसको 2,500 रुपये मिल रहे थे, वो है उसके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लियर हुआ? अब आ जाओ फटाफट से इसकी डेफिनेशन पे, अब आपको कोई नहीं रोक सकता इसको समझने से पहले। फटाफट से देखो, टू अवेल, अवेल का मतलब टू गेट द बेनिफिट, एक बेनिफिट उठाना, किसका बेनिफिट उठाया, ऑफ वन अपॉर्चुनिटी, टू गेट द बेनिफिट ऑफ वन अपॉर्चुनिटी, कौन सी थी, वीट की प्रोडक्शन उगाने के लिए, एक अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने के लिए द प्रोड्यूसर हैज टू सेक्रीफाइस, क्या सेक्रीफाइस करना पड़ा, द अनदर बेस्ट अल्टरनेटिव या अनदर बेस्ट अपॉर्चुनिटी। कौन सी वीट के बाद की अपॉर्चुनिटी है जो उसको सेक्रीफाइस करनी पड़ी, वो थी राइस की, क्योंकि दूसरी मेज और शुगर केन तो वो सोचेगा भी नहीं क्योंकि उसमें सबसे कम उसको पैसा मिल रहा है। वीट के बाद जो अनदर बेस्ट अपॉर्चुनिटी है वो है उसके लिए राइस। तो ये जो राइस की प्रोडक्शन है वो क्या है, इसके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी टू अवेल वन अपॉर्चुनिटी या टू गेट द बेनिफिट ऑफ वन अपॉर्चुनिटी द प्रोड्यूसर हैज टू सेक्रीफाइस, द प्रोड्यूसर हैज टू सेक्रीफाइस द अनदर बेस्ट अपॉर्चुनिटी। इसको आप क्या कहते हो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी वीट को उगाने के लिए राइस को सेक्रीफाइस करना पड़ा, जो राइस है वो क्या है आपके लिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो आप फटाफट से इसकी एक्सप्लेनेशन देख लो, अब तो आपको क्लियर हो गया, इट इज क्लियर फ्रॉम द टेबल, टेबल से क्या क्लियर हो गया, एक रैशनल फार्मर, रैशनल का मतलब क्या, समझदार इंसान, एक समझदार फार्मर क्या लेगा, विल चूज द प्रोडक्शन, किसकी प्रोडक्शन चूज करेगा, वीट की करेगा, क्योंकि वीट से उसको क्या मिल रहा है, ज्यादा पैसा मिल रहा है, बिकॉज इट प्रोवाइड्स हिम मैक्सिमम मार्केट प्राइस, ज्यादा क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। फटाफट से, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस वीट, अब वीट की प्रोडक्शन करनी है तो उसको क्या करना पड़ेगा, द प्रोड्यूसर हैव टू सेक्रीफाइस, क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, किसको सेक्रीफाइस करेगा, राइस को। अनदर बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या है, राइस, द प्रोड्यूसर हैव टू सेक्रीफाइस द अनदर बेस्ट अपॉर्चुनिटी, यानी राइस को सेक्रीफाइस करेगा क्योंकि उससे उसको 3,000 से कम मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 2,500 मिल रहा है, यहां गलत है, 5,500 की जगह 2,500 कर लेना, हूज मार्केट वैल्यू इज 2,500, 3,000 से पीछे क्या है, 2,500, यानी राइस क्या है आपके लिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, अब 3 नंबर का क्वेश्चन आ गया, तो पहले डेफिनेशन लिखना, टेबल बनाना, टेबल का एक्सप्लेन करना, पहले डेफिनेशन, टेबल, टेबल की एक्सप्लेनेशन। अगर यही क्वेश्चन आ गया 5 नंबर का, अब क्या करें, ये तो 3 नंबर के हिसाब से, तो अब इसमें आप बनाओगे डायग्राम, क्या बनाओगे, डायग्राम। तो फटाफट से एक बार डायग्राम भी समझ लो, अच्छा जी फटाफट से, बस 2 मिनट का रहेगा टॉपिक, चैप्टर खत्म, फिर तो ये समझ लो,
खत्म चैप्टर है ना। फटाफट से आप देखते हैं क्या है, ये आपका क्या है y एक्सिस, दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर ओरिजिन, दिस इज योर ओरिजिन। ये हमें पता है हमारी पीपीसी कर्व कैसे बनती है, ऐसे बनती है। अब आप मुझे बताओ गेन वाली चीज नीचे आती है कि ऊपर आती है, x एक्सिस पे आती है कि y एक्सिस पे आती है? हाँ जी जी x एक्सिस पे आती है। अब गेन किसमें हो रहा है, किस चीज की प्रोडक्शन कर रहे हैं हम, वीट की। तो वीट वाली गेन है, गेन मतलब कहां पे आएगी, ये x एक्सिस पे आएगी, क्योंकि इससे आपको कितने का मार्केट वैल्यू मिल रही है, 3000 की मिल रही है, क्योंकि इसकी प्रोडक्शन तो आप करोगे। अब इसकी प्रोडक्शन करने के लिए आपने क्या सेक्रीफाइस करी, किसकी प्रोडक्शन को सेक्रीफाइस किया, राइस की प्रोडक्शन को क्या किया, सेक्रीफाइस किया। तो सेक्रीफाइस वाली लॉस वाली चीज कहां आती है, यहां पे आती है, कहां आती है, यहां पे आती है। कितना मिल रहा है यहां से आपको, 2500 रुपए मिल रहा है। तो राइस आ जाएगी आपकी वाई एक्सिस पे, वीट आ जाएगी आपकी एक्स एक्सिस पे। बड़े ध्यान से समझ लेना क्या है, गेन हमेशा नीचे आता है, लॉस हमेशा क्या आता है, वाई एक्सिस पे आता है, गेन हमेशा एक्स एक्सिस पे आता है। तो किस चीज की प्रोडक्शन कर रहे हैं, वीट, तो वीट आ जाएगा नीचे। किसमें सेक्रीफाइस किया, अनदर बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या थी, राइस थी, तो राइस आ जाएगा आपका वाई एक्सिस पे। ये है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का डायग्राम। पहले पीपीसी कर्व बनाओगे, नीचे लिख दोगे वीट और ऊपर क्या लिख दोगे, राइस लिख दोगे। जिस चीज में गेन हो रहा है वो नीचे, और जिस चीज में लॉस हो रहा है वो क्या लिख दोगे, साइड में लिख दोगे। क्लियर है जी, अच्छे से समझ आया। ये है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये है आपका चैप्टर नंबर 1 ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया। तो सबसे पहले तो भाई बहुत शुक्रिया आपका, बहुत 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 बड़ा थैंक यू लास्ट तक वीडियो तक बने रहने के लिए। आई होप आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, एक एक टॉपिक आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम एक नया चैप्टर के साथ आएंगे, जो चैप्टर का नेम है वो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस। तो वेट करिए नेक्स्ट चैप्टर जो है, जिसको भी उस चैप्टर में डाउट है तो बने रहना अगली वीडियो के लिए। बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर योर एग्जाम। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, आप का इतना प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत बड़ा थैंक यू। बस ऐसे ही खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, सेल्फ स्टडी करिए, नोट्स बनाइए, और हमें ऐसे ही अपना क्या देते रहिए, प्यार देते रहिए। थैंक यू।